हेलो बच्चों नमस्कार क्या हाल चाल है भाई नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार कैसे हो सब लोग तो कैसे हैं आप क्या हाल चाल है भाई क्या क्या हाल चाल अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोग कह रहे हैं फूफा जी प्रणाम आ जिंदा रे बेटा आ तू आ जिंदा रे बड़े सही है सही है सही है सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे वाह गजब बारिश हो गई कमेंट की दिल बना दो दिल बना दो दिल बना दो जल्दी से अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए आग लगा दीजिए थम्स अप कर दीजिए दिल बना दो आग लगा दो आजकल आप दिल बना रहे हो आग लगा रहे हो अरे तो भैया जब दिल बना रहे हो तो आग का लगा रहे हो हैं दिल और आग का कोई वास्ता नहीं है बेटा या तो दिल ही बनाओ और जब बनाया तो फिर आग मत लगाओ दिल बनाओ दिल दिल बना दो आग लगा दो <laughs> यही कर तुम दिल बनाओ आग लगाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया ठीक आ गई आ गई आ गई जनता आ गई जनता आ गई कितना टाइम लगेगा अरे वाह क्या बात है क्या बात है कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा अरे अभी तो एक ड्राइवर से बैठते ही जब ये पूछते हैं ना कि कितने टाइम में पहुंचा देगी मैं बता रहा हूं वो ड्राइवर है ना तुमको कहीं और पहुंचा देगा है ना ऐसे नहीं किया जाता ऐसे नहीं कहा जाता भाई गुस्सा था गुस्सा चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का नाम तो पता ही होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है बढ़िया चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी कोशिश है कि कुछ भी ना छोड़ें थेरी में तो छोड़े ही ना कुछ भी उसके लिए नोट्स अगर पहले से लिखे हुए हैं तो वो उसका फायदा आप ही को है जो यकीन वाले बच्चे हैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं जो यकीन वाले बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपने नोट्स साथ में लेकर बैठिए बिकॉज जो आपके नोट्स हैं वही पढ़ाए जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने नोट्स को साथ में रख के बैठिए और फटाफट फटाफट फटा फटा रिवीजन कर लीजिए जिनको लगता है कि इतनी देर नहीं देनी है इस चैप्टर में प्लीज़ आप उसको इतना टाइम मत दीजिए आप हो सकता हो बाद में जो भी आपको जो भी टॉपिक जहां से भी करना है आप वहां से देख लीजिएगा है ना सीक्वेंस वही रहेगी चलिए सर एक बार हो जाए ओ ले भाई तो चलो भाई बेटे ले भैया ओम फोम करेंगे शुरू आ जाओ बेटा आओ भैया आओ टारगेट कंप्लीट चैप्टर विथ पीवाई क्यूज ऑफ जेई मेन्स नीट एनसीआर एग्जाम्पलर्स एंड लोट ऑफ जुगाड्स ठीक है भाई जुगाड़ से हम ये चीजें करने वाले चलिए भैया सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि होते क्या हैं ये कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं तो मान मालिश सॉल्ट तो आप सभी जानते हो एसिड बेस रिएक्शन से बना हुआ जो कंपाउंड है सॉल्ट होता है कोई एक सॉल्ट है और सोल्ट भी है दोनों एक्वस है दोनों को मिक्स किया और गैस चला दिया और गर्म कर दिया अब गुड 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 गुड़ 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 उड़ने दो बोले उड़ने दो बोले उड़ने दो बोले उड़ने दो बोले जितना पानी है सारा उड़ा दो प्रेशन कर दिया लास्ट में जब इन दोनों को मिलाकर जब हमने इन दोनों को मिलाकर गर्म किया है ना फुल उड़ दिया सारा सब कुछ उड़ गया तो पीछे जो भी सोदा बचेगा वो सॉलिड क्रिस्टल्स बचेंगे वो क्रिस्टल्स होते हैं एडिशन कंपाउंड के अरे एडिशन क्यों क्योंकि इन दोनों को ऐड किया यार सिंपल सी लैंग्वेज है इतना का परेशान हो रहे हो एडिशन कंपाउंड बन गया अब ये एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं है ना अब ये एडिशन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इस पर हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है है ना ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इस पर हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है लेकिन 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 उससे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों ही आपसे पूछा जाए डबल सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ आंसर है एडिशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ वो भी एडिशन कंपाउंड ये दोनों ही किसके टाइप हैं एडिशन के ही कंपाउंड के टाइप हैं लेकिन कुछ तो अंतर होगा चलिए जानते हैं इनमें अंतर क्या होता है देखो समझना बात को अगर मैं इन क्रिस्टल्स को फिर से पानी में फेंक दूं बेटा ध्यान से सुन लेना अगर मैं इस क्रिस्टल्स को इन क्रिस्टल्स को फिर से पानी में फेंक दू फिर से पानी में फेंक दू तो ये जो ये जो सॉल्ट है ये कैटायन से बने होंगे एनायन से बने होंगे किससे बने होंगे कैटायन से बने होंगे एनायन से बने होंगे सारे आयंस जितने भी तरह के आयंस हैं वो अपना टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं इन सारी चीजों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं तो बेसिकली डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में डिफरेंस को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं आइए कि डबल सोल्ट क्या होता है ऐसे एडिशन कंपाउंड ऐसे एडिशन कंपाउंड जो पानी में फेंकने पर कंप्लीटली टूट जाए मतलब जितने आयंस से वो बना है वो सारे आयंस ही अलग अलग हो जाएं। पानी में जाते ही वो सब कुछ दिखा दे कि देखो मैं पांच आयन से बना हूं मैं तीन आयन से बना हूं ये रे तीनों आपको अलग अलग एक्वस मीडियम में दिखने लग जाए मतलब आपको एक्वस मीडियम में तीनों आयंस अगर मिल जाए कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसको बोला जाता है डबल सोल्ट उसका उल्टा होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट कॉम्प्लेक्स सोल्ट को जब पानी में फेंका जाता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट वो एडिशन कंपाउंड है जब उसको पानी में फेंका जाता है तो वो पूरी तरह से टूटता ही नहीं है यानी हो सकता हो कि वो तीन तरह, के आयन से, तीन तरह के आयन से बना हुआ हो लेकिन आपने देखा कि मीडियम में आपको एक आयन तो मिल गया बाकी के दो नहीं मिले और उसकी बजाय कुछ और नया मिल गया तो इसका मतलब है कि फिर तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हुआ अगर ये पूरी तरह से आयोनाइज हो गया ऐसा सॉल्ट जो पानी में जाते ही तितर बितर हो गया उस सॉल्ट से तुम ये उम्मीद करोगे क्या कि तूने तेरी पहचान को जिंदा रखा है या नहीं रखा तो आंसर है नहीं क्योंकि वो अपनी पहचान एक्वस सॉल्यूशन में खत्म कर देते हैं अरे भाई जो जिससे बना है उसी में टूट गया तो इसका मतलब है जो बना था वो तो टूट गया तो उसकी पहचान तो हो गई क्या खत्म तो ये जो होते हैं डबल सोल्ट होते हैं ये डबल सोल्ट अपनी पहचान खो देते हैं पानी में जाकर और अगर पूरी तरह से यह आयोनाइज नहीं हो रहा है पूरी तरह से ये नहीं हो रहा है है इसका मतलब है थोड़ी बहुत पहचान बचा लेगा अपनी ये बता देगा कि मैं जो सॉल्ट बना हूं मैं इस तरह का हूं कुछ ऐसा होगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी ये अपनी एक अलग पहचान जो इसने बनाई थी वो आज भी रिटेन है अगर वो टूट जाता पूरी तरह से तो वो पहचान रिटेन नहीं रहती तो रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्व सोल्यूशन पानी में फेंकने पर इन्होंने अपनी पहचान को जिंदा रखा ये पूरी तरह से नहीं टूटे ठीक है उसके बाद उसके बाद अगला अब देखो बेटा दो चीजें हैं दो चीजें हैं सुनना मैं ये बोलूं कि एक तो है सॉल्ट और सॉल्ट की आइडेंटिटी की बात हमने कर दी अब मैं बोल रहा हूं कि जिन आयन से ये बना था जिन आयन से ये बना था उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का क्या सपोज मान लीजिए कोई चीज पांच चीजों से पांच चीजों से मिलाकर कोई एक चीज बनी हुई है है ना अब अगर वो पांचों सात रहते हैं तो उसकी एक जो जो कुछ भी बना है उसकी पहचान अलग होगी अगर वो टूट जाए पांचों अलग अलग हो जाए तो उसकी पहचान तो खत्म हो गई थी जो बना था जो कंपाउंड बना था उसकी पहचान तो खत्म हो गई लेकिन जिन पाँच लोगों से वो चीज़ बनी थी जिन पाँच आयन से वो बनी थी वो सब तो चीख चीख के कह रहे हैं एक्वस मीडियम में कि देखो मैं हूँ आयरन देखो मैं हूँ पोटेशियम देखो मैं हूँ अमोनियम सर हम कैसे पता करें अरे तो उस एक्वस सॉल्यूशन का सैंपल ले ले उस एक्वस सॉल्यूशन का सैंपल ले ले और लेबोरेटरी के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं केटाइन के एनायंस के उनको कर डाल अगर वो पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं अगर वो पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं इसका मतलब हुआ कि जिन इंडिविजुअल आयंस से वो बना है उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई है तो इसका मतलब हुआ हर एक आयन पॉजिटिव टेस्ट देता है तो मैं ये कह सकता हूं कि सॉल्ट ने तो अपनी पहचान खो दी बेटा लेकिन आयंस ने अपनी पहचान नहीं खोई तो आंसर है यहां पे देखो यहां पे अगला स्टेटमेंट है आंसर नहीं अगला स्टेटमेंट है इंडिविजुअल आयंस डू नॉट लूज देयर ओन आइडेंटिटी वो अपनी पहचान नहीं खोते आयरन से बना था तो आयरन प्लस टू से अगर यह कंपाउंड बना हुआ है कोई तो आयरन प्लस टू का टेस्ट पॉजिटिव आएगा उस सैंपल में सर पूरी ऑर्गेनिक आप ही करवाना बेटा मैं तो इनऑर्गेनिक करवाता हूं पूरी ऑर्गेनिक तो कोई और ही करवाएगा है ना कोई बात नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है इन दिनों ये इन दिनों की बात है ऐसा होता है तो सर उन दिनों की बात क्या है सर उन दिनों की उन दिनों में तो कुछ होता ही नहीं था सर उन दिनों में तो हम किताब के नजदीक ही नहीं थे उन दिनों में तो हम पढ़ ही नहीं रहे थे अब तो हम थोड़ा थोड़ा आए हैं YouTube पर पढ़ने के लिए तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ केमिस्ट्री के भी तीन पार्ट होते हैं यह नहीं पता कि यह कौन सा है लेकिन सर ये आप पूरा ही करवा देना है ना तो इन दिनों बड़ा जुनून है पढ़ने का बच्चों को समझ नहीं आ रहे हैं कि यहां पढ़ू कि वहां पढ़ूँ कि वहां पढ़ू कि वहां पढ़ूँ कहाँ पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा बच्चा कह रहा है कि कौन सा चैनल देखूँ अब तक तो तुमने पोगो देखा अब तुम यूट्यूब के चैनल देख रहे हो बताओ कि समझ ही नहीं आ रहा है कोई इधर बुला रहा है कोई इधर बुला रहा है कोई उधर बुला रहा है ये चल रही जिंदगी इस वक्त है ना यही चल रही है है ना मजा आ रहा है ना देखो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया हमारी सर्विस के लिए लोग कितने खड़े हैं कह रहे कि ये मैं नीट दूंगा मुझे बस इतना सा जोर से बोलने की जरूरत है कि मुझे नीट देना है यूट्यूब पे बीस चैनल आ जाएंगे बेटा इधर देख अरे बेटा बेटा इधर आ इधर इधर देख इधर देख हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे इधर 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 है देख रहे हो आबे तुम देखो तुम्हारा लेवल कहां जा चुका है यार तुम्हारी सेवा में खड़े हैं इतने सारे लोग है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नीट के वो भी करवा रहे हैं पेपर ही आउट हो गया यू मान ले तुम सब करवा दे आओ आगे बढ़े आगे बढ़े चलो 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 हाँ भाई इंडिविजुअल आयंस डू नॉट लूज देयर ऑन आइडेंटिटी यहां तक समझ आया था अब हम वापस इस तरफ आ रहे हैं कि अगर इसने अपने सॉल्ट ने जो नया सॉल्ट बना बेटा जिन भी आयंस से जो सॉल्ट बना अगर उसने अपनी पहचान बचा ली इसका मतलब है कि कुछ आयंस ऐसे हैं जो टूटे नहीं हमने लिखा डू नॉट आयोनाइज और अगर वो नहीं टूटे तो फिर वो अपना टेस्ट देंगे नहीं तो लिखा हुआ नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट यहां पर आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि फिर इंडिविजुअल आयंस ने उनकी आइडेंटिटी खो दी दोनों बातों में फर्क है हमने यहां पर दो लोगों के आइडेंटिटी की बात करी है एक तो वो जो बन गया सोल्ट एक वो जिनसे वो बना है दोनों की आइडेंटिटी में फर्क है दोनों की आइडेंटिटी में फर्क है दोनों बातें मैंने आपको बता दी है आई होप आपको समझ आया होगा अब बात आती है डबल सोल्ट के एग्जाम्पल्स कौन कौन है जेई मेन्स दो इस साल का सवाल जिसमें ये दोनों आंसर थे दोनों आंसर थे दूसरा तीसरा पहला तो नहीं आया था दूसरा तीसरा आया था डायरेक्ट सवाल था विच ऑफ द फोलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर डबल सोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल सोल्ट एग्जाम्पल है ना देखो यहां पे देखो एफ ई एस ओ फोर एन एच फोर टू एस ओ फोर अब मैं इसको फॉर्मूला है तो मैं याद तो करवा नहीं सकता किसी ना किसी तरीके से आपको ही याद करना पड़ेगा एक होता है कार्नेलाइट एक होता है मोहर सोल्ट एक होता है पोटासियम यह डबल सोल्ट है इसका मतलब है इनको जब आप पानी में फेंकोगे तो अलग है ना क्लोराइड आयन अलग मैग्नीशियम आयन अलग और सब अपना अपना टेस्ट देंगे देखो इंडिविजुअल है ना अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे हर एक आयन अपना अपना टेस्ट देगा ये सब वो है जो कहलाते हैं डबल सॉल्ट डायरेक्ट सवाल जेई मेन्स दो में पूछा गया था अगर वहां पर इतना सस्ता पूछा जा रहा है तो फिर उम्मीद करोगे नीट में कितना सस्ता होगा ठीक है तो बेटा कंपैरिजन कंपैरिजन के चक्कर में मैं तो सीधा साफ बोलता हूं कंपैरिजन कंपैरिजन के चक्कर में वो चीजें मत पढ़ने लग जाना जो नहीं आती हैं पढ़ना वही जो आता है अब वो चाहे आपको आपको ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कहा पढ़ना है कौन पढ़ा रहा है ऐसा नहीं हो है ना कि भाई होड़ा होड़ी के चक्कर में लपड़ा अपना पड़ जाए है ना तो तुमको क्या पढ़ना है ये लेवल तुमको तुम्हारा पता है एनसीआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है राजाओं ठीक है मुद्दे की बात तो ये है सलेक्शन चाहिए तो चलो भाई आओ, आगे चलते के फोर एफ सिक्स ऐसा हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स आयन में हुआ क्या कि कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया जो समझ नहीं आया इसको जब पानी में फेंका इसको जब पानी में फेंका तो यह टूट जाना चाहिए था पोटेशियम भी अलग हो जाना चाहिए था आयरन भी अलग हो जाना चाहिए था साइनाइड भी अलग हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ लिखा हुआ है उसमें वो आयोनाइज नहीं हुआ ये कैसे टूटा पानी में कि पोटेशियम तो अलग हो गए लेकिन यह पूरा जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये पूरा जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है यह एक कंप्लीट एनायन की तरह काम करने लगा यह एक कंप्लीट एनायन की तरह काम करने लगा यह एक नया आयन बन गया इसमें भी आयरन और साइनाइड को अलग अलग होना था नहीं लेकिन आयराइन आयरन और साइनाइड के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो डिसोसिएट नहीं हुए क्या हुआ उनके बीच में उनके बीच में ये हुआ सुनो साइनाइड ने बोला कि मेरे पास है लोन पेयर आयरन ने बोला कि कि मेरे पास है डब्बा अब इसने इसने कहा कहा मैं मैं डोनेट कर सकता हूं एक्सेप्ट कर सकता हूं तो अच्छा हमने सुना था इन दोनों ने आपस में बात करी थी कि हमने सुना था केमिकल बॉन्डिंग में एक तरह का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि अनइक्वल शेयरिंग से बनता है तो आयरन ने कहा हां बोला तो था तो इसके लिए बोला कि लेकिन उसके लिए तो खाली डब्बे चाहिए तो इसने कहा है ना भाई तेरे पास खाली डब्बे क्या दिक्कत है तो तू एक काम कर मैं लोन पेयर देता हूं तू खाली डब्बा दे दे इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए इन्होंने क्या बना लिए अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो शर्त होती है वो शर्त अगर आयरन पूरी कर देता है वो शर्त अगर आयरन पूरी कर देता है तो बन जाएगा और आयरन ने वो दो शर्तें पूरी कर ली आयरन के साथ साथ हर एक डी ब्लॉक के मेटल्स की अगर हम बात करें ज्यादातर कॉम्प्लेक्स आप डी ब्लॉक के मेटल्स के देखते हो डी एंड एफ ब्लॉक के उसका कारण है उसका कारण है कि इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑरबाइटल होती है इनके पास खाली डब्बे होते हैं क्योंकि देखो बेटा सिंपल सी बात है इस सेंट्रल मेटल आयन इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन इसके पास इसके पास क्या क्या होना चाहिए जिससे यह कॉर्डिनेट बॉन्ड बना सके पहली चीज लिगेंट को पास बुलाने की ताकत होनी चाहिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा होना चाहिए और इसको हमने याद करो केमिकल बॉन्डिंग में फाई के नाम से जाना था के नाम से यानी ये होने चाहिए हाई फाई क्या होने चाहिए हाई फाई दूसरा इनके पास डब्बा खाली होना चाहिए और वाइटल्स इनके पास क्या होने चाहिए बेटा वैकेंट होने चाहिए तो हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है क्यों आपसे सवाल पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाई डी ब्लॉक मेटल्स ज्यादातर कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक वाले ही क्यों बनाते हैं तो रीजन है रीजन है स्मॉल साइज हाई फाई साइज कम होने से केटायन की साइज केटाइन की साइज कम होने से और उस पर चार्ज ज्यादा होने से बताओ क्या उसका फाइव बढ़ेगा और अगर फाइव बढ़ेगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा ये हमने फजान रूल में पढ़ा है तो ये तो कह रहा है डी ब्लॉक वाले तो चीख चीख के कह रहे हैं डी ब्लॉक वाले तो कह रहे हैं कि हम छोटे है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम छोटे हम पर चार्ज ज़्यादा हम जब बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें कोवेलेंट नेचर लेकर आएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ना इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं क्योंकि उनका छोटा साइज है और चार्ज जो हैं वो ज़्यादा है तो पहली कंडीशन आपसे पूछेंगे तो पहला रीजन ये बताओगे दूसरा रीजन क्या बताओगे अरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए डब्बा चाहिए डब्बा तो दूसरा रीजन हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट और बाइटल रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉर्डिनेट बॉन्ड डब्बो कॉर्डिनेट बॉन्ड है तो डब्बों की जरूरत तो पड़ेगी समझ आया ठीक है भाई गुड चलो करें शुरू ठीक है हां हां सब 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 मैं ही करवाऊंगा हां सही फाई मतलब जो लोग डायरेक्ट ट्रेन में सवार हुए हैं उनके लिए मैं बताता हूं फाई होता है बेटा Q अपॉन R Q जनरली ये कैटाइन के लिए देखा जाता है तो इसलिए मैं बता रहा हूं तो फाई जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन रेडियस क्या होता है बेटा चार्ज अपॉन रेडियस तो फिर कैटाइन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कैटाइन का चार्ज और कैटाइन की रेडियस यानी चार्ज बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा ना फाइव होता है चार्ज अपॉन रेडियस ओके तो मतलब बेसिकली चार्ज की डेंसिटी बोल दो कितनी साइज पे कितना चार्ज है चार्ज की पावर प्लस की पावर केटाइन के रेस्पेक्ट में देखो तो प्लस की पावर एनआईन एन के रेस्पेक्ट में देखो तो माइनस की पावर बट बेसिकली फाइव दोनों के लिए होता है बट फाइव की जो एप्लीकेशन है वो हमेशा कैटाइन के, के लिए ज्यादा देखी जाती है कैटाइन के, के रेस्पेक्ट में फाइव को ज्यादा देखा जाता है तो ये देखो चार्ज बढ़ेगा तो भी फाइव बढ़ेगा और साइज घटेगी क्योंकि वो तो नीचे है ना बेटा साइज घटेगी तो फाइव बढ़ेगा क्लियर है भाई पोलराइजिंग पावर बोलते हैं बेटा इसको पोलराइजिंग कैपेबिलिटी नहीं हाँ एक ही बात कह सकते हो ठीक है वैसे कोई बुरी बात नहीं है अब देखो किस तरह से इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हालांकि आगे टर्मिनोलॉजी वगैरह लिखी हुई है बट मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं एक डब्बे में सारा समझाता हूं हमने के फोर लिया फिर एफ लिया सी एन और फिर ले लिया सिक्स मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स देखेंगे है ना कॉम्प्लेक्स किस तरह के देखेंगे हम कि एक डब्बा होगा और डब्बे के बाहर कुछ आयंस होंगे सर ये आयंस हमेशा इधर से शुरू होंगे नहीं बेटा ये आयंस इधर भी हो सकते हैं इनको बोलते हैं काउंटर आयंस क्या बोलते हैं इनको काउंटर इनको क्या बोलते हैं काउंटर आयंस और इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन स्पियर ठीक है और ये किस यहां क्या पड़े होते हैं काउंटर आयन मतलब जब भी डिसोसिएशन होगा तो ये आयंस तुरंत डिसोसिएट हो जाएंगे पोटेशियम अलग हो जाएगा ठीक है तुरंत अलग हो जाएगा डब्बे के बाहर वाला डब्बे के अंदर जो उत्पात मचाया है वो है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बोला जाता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो बीच में आपको मेटल दिख रहा है इसको बोला जाएगा सेंट्रल मेटल आयन क्या बोला जाता है इसको सीएम आई और सी एम ए है ना क्या बोला जाएगा सेंट्रल मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन बोल दो या एटम बोल दो कई जगह पे हमको देखने को मिलेगा कि वो जीरो स्टेट में है तो चलो हम उसको फिर आयन की फॉर्म में नहीं लेते तो इसीलिए या तो सीएमए या सीएमआई हम इसको बोल देंगे और ये जो सी एम ए और सी एम आई है ये बेसिकली क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं क्या ये लुइस एसिड की तरह काम करते हैं यस yes, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ये रहे आपके कुछ ऐसे चीजें जो डोनर होती है बेसिकली इनको बोला जाएगा हम सब डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीजें लिगेंट्स क्या बोला जाएगा इनको लिगेंट्स बोल दो लाइगेंट्स बोल दो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा बोल दो है ना कुछ लोग लाइगेंट्स बोलेंगे कुछ लोग लिगेंट्स बोलेंगे एक ही बात है लिगेंट्स जो होते हैं वो जनरली जनरली लुइस बेस होते हैं है ना और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं बेटा क्या उनसे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स है अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि एक होता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एक होता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है कैसे पता करें तो आइए आपको एक बेसिक सी चीज सिखाते हैं कि कैसे कैसे देखा जाएगा आइए सिखाते हैं भैया आओ चलो देखो अगर ऐसा डब्बा है और डब्बे पर चार्ज जीरो है तो इसको बोला जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाता है इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स डब्बे पर चार्ज जीरो जिसको बोला जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाएगा जिसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर डब्बे पर चार्ज माइनस आ जाए कितना भी माइनस हो सकता है अगर वो नेगेटिवली चार्ज डब्बा है तो उसको बोला जाएगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स और बेसिक से पढ़ाऊं क्या और अगर डब्बे पर चार्ज प्लस आ जाए तो उसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अब ध्यान रखना एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में जब कभी भी नाम लिखा जाता है पहले तो पहले कैटायन का लिखा जाता है जब किसी भी जब कभी भी पूरी केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना नाम जब भी लिखा जाएगा कैटायन का पहले लिखा जाएगा यानी कि यानी कि जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें उनमें इधर जो है वो काउंटर आयंस होंगे इधर क्या होंगे काउंटर आयंस होंगे इस तरफ है ना काउंटर आयंस किस तरफ होंगे इस तरफ होंगे ये और वो काउंटर आयंस क्या होंगे कैटायंस होंगे उन पर चार्ज कैसा होता पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी या उनका जो चार्ज होगा वो इधर मतलब इधर से हटाओगे तो डब्बे पर माइनस जाएगा यानी कि आप इस कॉम्प्लेक्स को देखो बात को समझ जाओगे इस कॉम्प्लेक्स को देखो आप काउंटर आयंस को मैंने इधर लिखा है अगर मैं चार पोटेशियम हटा दूं अगर मैं चार पोटेशियम हटा दूं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फोर के प्लस और यहां पे लिख सकता हूं एफ ई सी एन सिक्स और फोर माइनस बेसिकली इन दोनों के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है ना बेटा इन दोनों के बीच में तो चार पोटेशियम अगर मैं हटाऊंगा तो इस पूरे डब्बे पर माइनस चार जाएगा वो भी कितना चार माइनस तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हुआ जब कभी भी कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा तो काउंटर आयंस आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे क्यों क्योंकि आपने अभी अभी मैंने बोला आपने सुना कि दुनिया में हमेशा नाम पहले कैटायन का ही लिखा जाता है बेटा इसीलिए ये कैटायन का काम कर रहा है इस वक्त और डब्बा एनायन का काम कर रहा है तो पहले डब्बा नहीं पहले कैटायन आएगा फिर डब्बा आएगा क्या ऐसा हो सकता है कि सर डब्बा पहले आए और काउंटर आयंस बाद में आए यस हो सकता है कब जब वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो देख बेटा इसका एग्जांपल देख यहां बताता हूं मान ले मैंने ये लिख दिया पीटी मैंने लिख दिया एनएच मैंने लिख दिया टू फिर पीटी एनएस अच्छा एक बात बताते हैं पीटी एन थ्री फिर मैंने लिख दिया फोर फिर लिख दिया सीएल टू और यहां लिख दिया क्या सी एल टू अब देख इस बात को समझना अब मैंने डब्बा पहले ले लिया क्योंकि अब डब्बा पॉजिटिव है और नियम तो यही कहता है कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है फॉर्मूला में भी कैटायन को पहले लिखा जाता है अगर आप नाम लिखते हो तो भी कैटायन को पहले लिखा जाएगा अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो भी कैटायन को पहले लिखा जाएगा यहां पर यहां पर यह कैटायन हो गया और यह यहां पर क्या हो गए टू सी एल माइनस ये एन आयन हो गए तो जब कभी भी काउंटर आयंस इस तरफ हो तो समझ जाना डब्बे पर चार्ज कैसा है राजाओं प्लस है डब्बे पर चार्ज कैसा है प्लस है और जब कभी भी काउंटर आयंस उस तरफ हो तो इसका मतलब समझ जाना कि डब्बे पर चार्ज माइनस है वो कितना भी हो सकता है वो कितना भी हो सकता है ठीक है भाई और जब किसी के आगे पीछे कुछ ना हो तो वो जीरो होता है न्यूट्रल तो आपको पता है कि जब यहां डब्बे पर जीरो चार्ज कब आएगा जब ना इसका इधर कोई हो ना इसका उधर कोई हो ये एकदम अपने तरफ से कहते हैं कि सिंगल टाइप आदमी है ये है ना तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा ये कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स समझ गए बात को पी ब्लॉक वन शॉट बेटा समय आएगा तब वो भी आ जाएगा चिंता मत कर चिंता मत कर तू सब हो जाएगा अब देखो कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको फटाफट फटाफट पूरी करते हैं आइए देखो क्या लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना या कोऑर्डिनेशन स्पियर दोनों बोल सकते हो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है मैं देसी भाषा में समझा दूं कि ये तो होता है डब्बा क्या होता है बेटा डब्बा डब्बे में क्या होता है अरे डब्बे में एक मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं डब्बे में मेटल होता है लिगेंड्स तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या है डब्बा डब्बे में क्या होता है लिगेंड और मेटल वही लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब डब्बा डब्बे में मेटल और लिगेंड होते हैं ये लिखा हुआ है सेंट्रल एटम आयंस क्या होते हैं क्या डब्बा न्यूट्रल हो सकता है यस yes. क्या डब्बा पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है यस yes. क्या डब्बा नेगेटिवली चार्ज हो सकता है यस yes. आगे आओ सेंट्रल एटम आयंस और क्या होते हैं देखो बेटा ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं सीएमआई ये क्या है सीएमआई अभी बताया था पीछे ये सीएमआई है जनरली referred एज Lewis एसिड Obviously एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो Lewis एसिड होते हैं एक्सेप्ट का ए और एसिड का ए याद रखना बेटा नहीं भूलोगे एक्सेप्ट का ए और एसिड का ए याद रखना नहीं भूलोगे आगे बढ़ो रे आगे चलो चलो, चलो चले चले या। ये ले। Coordination नंबर क्या है नई टर्म है Coordination नंबर देखते हैं क्या होता है. Coordination नंबर का मतलब है कुल मिला के समझना बात को नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स काउंट कर लूं या तो मैं या तो मैं नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स काउंट कर लू क्योंकि एक एक लिगेंड में डोनर एटम भी हो सकता है दो डोनर एटम भी हो सकते हैं तीन डोनर एटम भी हो सकते हैं चार डोनर एटम भी हो सकते हैं पांच डोनर एटम भी हो सकते हैं छह डोनर एटम भी हो सकते हैं तो या तो मैं डोनर एटम काउंट कर लूं ठीक है मेरी बात को समझना ये बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूं मैं बिल्कुल देसी तरीके से कि ए बी सी डी इस तरह का कोई लिगेंड है इस तरह का कोई लिगेंड है और मान लो यह इसके पास लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है जब यह मेटल को देंगे तो इधर से यह भी दे सकता है यह भी दे सकता है अब बात समझना बेटा या तो मैं यह सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लूं या तो मैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कर लूं है ना <Guess Whew> या तो मैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कर लूं या मैं फिर ऐसे डोनर एटम ही काउंट कर लूं बात तो एक ही है अरे भाई डोनर एटम ही है जो बॉन्ड बनाएगा तो या तो मैं नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लूं या मैं डोनर एटम काउंट कर लूं एक ही बात है तो दोनों डेफिनेशन लिखी हुई कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड मतलब मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड बनाने वाले जो एटम है डोनर एटम या तो आप इनको काउंट कर लीजिए या फिर उसने लिखा है कॉर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ओनली याद रखना सिग्मा बॉन्ड ओनली प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन इनके बीच में जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उसका कॉर्डिनेशन नंबर होगा तो किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उसमें उस कॉम्प्लेक्स उस में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड्स के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आप काउंट कर लो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा राइट right? ओके okay. अब यहां पर देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू एनसीआर टी एनसीआरटी में लिखी हुई बातें इसलिए बता रहा हूं कि पाई बॉन्ड अगर कभी कभी पाई बॉन्ड इनके बीच में हम आगे जाएंगे बेटा नए जमाने के लिगेंड होंगे जो नए जमाने के लिगेंड होंगे वो सिग्मा के साथ साथ पाई भी बनाएंगे क्या बनाएंगे सिग्मा के साथ साथ पाई भी बनाएंगे नए जमाने के लिगेंड से वो पाई भी बनाएंगे लेकिन उनको कभी भी उनको कभी भी उनको कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है पाई बॉन्ड को कभी कैलकुलेट करेंगे ही नहीं इसीलिए मैंने डेफिनेशन में पहले ही क्या लिख दिया बेटा सिग्मा बॉन्ड लिख दिया बात समझ में आई आगे चले मेरे भाई एक महीने में हो जाएगा क्या तेरे से नहीं होगा किसकी बात कर रहा है तू पढ़ाई की पढ़ाई तो हो जाएगी पढ़ाई तो हो जाएगी बाकी तू तो अब तक जो काम करने के लिए कोशिश कर रहा था वो तो नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मैं अभी निकालना सिखाऊंगा वो प्रैक्टिस से होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा वो प्रैक्टिस से होगा हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजनरी नंबर होता है वो कब निकाला जाता है जब आप जैसे ये साइनाइड है जैसे क्या है ये साइनाइड है इसके लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि साइनाइड जो होता है ना बेटा वो माइनस वन होता है यानी कि आपको के ऊपर चार्ज पता पता होना चाहिए सर ये हमको कैसे पता लगेगा बेटा थोड़ी देर बाद हम लिगेंट्स की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो लोग बेसिक से पढ़ाइए बेसिक से पढ़ाइए बेसिक से पढ़ाइए तो बेसिक से पढ़ने वालों के लिए एक मेरी सलाह फिर से कि बेटा लिगेंट्स तो याद करने पड़ेंगे उससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है और अगर लिगेंड्स याद हो गए तो इस चैप्टर में तुमको कोई नहीं रोक रहा लिगेंड्स लिगेंड्स अगर याद हो गए तो इस चैप्टर में विद देयर चार्ज यानी कि कौन है और अगर है तो चार्ज कितना है साइनाइड एनाइनिक है और इस पर माइनस वन है तो मैं क्या करूंगा मैं ऐसे करूंगा कि छे माइनस को हटा सकता हूं एक इमेजिनेशन लूंगा कि अगर ये अपने छ के छ माइनस लेके भाग जाए बेटा ध्यान से सुनना अगर ये अपने छे के छे माइनस लेकर भाग जाए तो पीछे उल्टा चार्ज बचेगा विच इज प्लस सिक्स विच इज प्लस सिक्स अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर का जुगाड़ है अंदर और बाहर के चार्ज का हिसाब क्या बोला मैंने अंदर और बाहर के चार्ज का हिसाब कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी आपको निकालना है तो आप निकाल दीजिए अंदर और बाहर के हिसाब अंदर और बाहर के चार्ज का हिसाब देख बेटा अंदर पे चढ़ा प्लस छे अंदर पे चढ़ा प्लस छे बाहर पे बैठा माइनस चार अंदर पे चढ़ा प्लस बाहर पे बैठा माइनस चार लगा हिसाब प्लस दो निकल के आएगा हिसाब लगा दे क्या हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा प्लस दो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो यस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा सिक्स हो गया ये साइनाइड नहीं है ये सी डॉट एन लिख रहा हूं इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ठीक है एक कह रहा है सर हाइड्रोजन भी आप ही कराना अरे सब मैं ही कराऊंगा तू टेंशन मत ले करा दूंगा मैं सब है ना तू फिकर नोट अच्छा ये कर रखा था यहां पे ओके 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 यहां कर रखा था बेटा कोई बात नहीं ठीक है तो यहां ही समझा देता हूं अगर कर रखा है तो देख चार माइनस के फोर बाहर सर डब्बे पे बाहर चार्ज कैसे निकालते हैं डब्बे के बाहर का चार्ज कैसे निकालते हैं बेटा काउंटर आयंस हटा काउंटर आयंस हटाएगा काउंटर आयंस हटाएगा तो बाहर का चार्ज आ जाएगा और लिगेंड का हिसाब निकालेगा तो अंदर का चार्ज आ जाएगा दोनों का हिसाब कर दे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा अभी और प्रैक्टिस करते हैं फटाफट फटाफट चलो ये वाला चलो ये वाला कौन सा वाला आ, आपको करवाते हैं चलो ऐसा करवाते हैं सीओ एनएच थ्री सिक्स और यहां पे कर देते हैं थ्री प्लस क्या कर देते हैं यहां पे थ्री प्लस ठीक है भाई सीओ एन एच थ्री सिक्स थ्री प्लस बेटा ध्यान से देखना अब अमोनिया को आप पहचानते हो एन एच थ्री को आप पहचानते हो कैसा होता है ये न्यूट्रल इतना सभी जानते होंगे इस पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रल लिगेंड लिगेंड भी तीन तरह के होते हैं अगर चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को देखें तो वो एनाइनिक हो सकते हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं और वो कैटाइनिक हो सकते हैं ये न्यूट्रल है अरे भाई तो जो जैसा चार्ज लेकर आया वैसा ही चार्ज वापस लेकर भी जाएगा है ना तो आप समझो अगर एक इमेजिनरी कंडीशन सोचो कि अगर मैं इस छे अमोनिया को हटा दूं अगर मैं इस छे अमोनिया को हटा दूं तो छे अमोनिया हटाने से इसके कोई फर्क नहीं पड़ा जीरो आया क्यों क्योंकि क्यों, वो क्यों तो न्यूट्रल है अब अंदर का जीरो और बाहर का प्लस तीन हिसाब का बोलो तीन बोलता हूं कि ज्यादा होशियारी नहीं अंदर बाहर का हिसाब निकाल लिया करो ताकि गलती कभी नहीं होगी मेरी बात यहां पर भी गलत नहीं है क्योंकि अंदर जीरो है और बाहर प्लस तीन है तो हिसाब का तो प्लस तीन ही आएगा ना बेटा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया प्लस तीन यहां से एक जुगाड़ और आया कि डब्बे के अंदर अगर सारे डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर अगर सारे लिगेंड्स न्यूट्रल हो तो जितना चार्ज डब्बे पे होता है वही मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होता है बात खत्म लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आप करोगे आपको परेशानी हो सकती है आप तो अंदर बाहर का हिसाब निकाल लो क्या मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकता हूं प्लस तीन क्या मैं इसका कॉर्डिनेशन नंबर लिख सकता हूं सिक्स लो भाई और प्रैक्टिस करते हैं आओ आगे बढ़े और करते हैं कोई दिक्कत नहीं है दूसरा अगर मैं यहां पर वही कॉम्प्लेक्स जिसको मैं बात करते पीटी ले लिया मैंने क्या ले लिया पीटी फिर मैंने ले लिया एन एस थ्री टू और अंदर ले लिया सी एल टू ये लो बाहर कुछ नहीं है बाहर कुछ नहीं है आप बोलोगे कि सर हमको बाहर कुछ नहीं दिया हुआ हो और कुछ हो गया तो अरे बेटा जब बाहर कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है ठीक है बेटा जब बाहर कुछ नहीं दिया होता है तो फिर कुछ होता भी नहीं है ऐसे पागल थोड़ी है वो तो बाहर कुछ नहीं है मतलब मैं बाहर तो जीरो ही लगाऊंगा ना इधर ना उधर कुछ नहीं है ठीक है हां आपको अगर पहले से प्लस तीन दिया हुआ है तो आप लगाओगे प्लस तीन वो कॉम्प्लेक्स या तो ये प्लस तीन की फॉर्म में मिलेगा या फिर यहां सी एल थ्री मिलता एक ही बात है या तो ये यहां पर सीएल थ्री मिला देता या मैंने सीएल थ्री को हटा के पहले से ही कॉम्प्लेक्स को आयन की फॉर्म में दे दिया प्लस तीन वो भी चलता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां ना तो कोई वैलेंसी दी हुई है ना ही कोई ऊपर से चार्ज दिया हुआ है तो मैंने बाहर चार्ज ले लिया क्या बेटा जीरो क्या ले लिया जीरो अमोनिया की वजह से अंदर कुछ चढ़ेगा क्या अमोनिया की वजह से अंदर कुछ चढ़ेगा क्या नो क्या क्लोरीन की वजह से चढ़ेगा क्या यस सीएल होता है माइनस कितने सीएल है दो अरे दो माइनस भगाओ प्लस के दो लगाओ दो माइनस भगाओ प्लस के दो लगाओ अंदर बाहर का हिसाब निकालो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या प्लस टू बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चार ये कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह आपको और भी ज्यादा इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी ये चीजें क्या होती जाएगी और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी क्लियर है भाई CN कैसे निकालते हैं देखो बेटा अगर एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट क्या बोलते हैं उसको अगर कोई लिगेंड एक बार में जिसके पास एक ही डोनर एटम हो या यूं कहूं डोनर एटम तो हो लेकिन एक बार में एक ही सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो बता कि अमोनिया दो अमोनिया कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा दो बनाएंगे दो क्लोरिन कितने बनाएंगे दो बनाएंगे टोटल चार सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर चार बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है साइनाइड नहीं है है ना कंफ्यूज नहीं होना है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेड के केस में अलग आएगा यस yes, आएगा लेकिन उसकी प्रैक्टिस में यहां नहीं करवा सकता क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि बाइडेंटेड लिगेन क्या होता है तो मैं मैं यही कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सवाल आपके लिए हलवा हो जाएंगे यह सवाल सबसे आसान कैटेगरी में सवाल आएगा है ना मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वर्क एज लिगेंड कौन है जो अपने जीवन में लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा पहला पी एच थ्री दूसरा एन एच फोर प्लस तीसरा एन एच थ्री और चौथा है यहां पर आपका मान लेते हैं एफ एफ माइनस मान लिया चलो जरा बताओ कौन है जो लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता लिगेंड के लिए सबसे पहली और सबसे बेसिक जरूरत होती है किसी को जमाना लिगेंड तब बोलेगा बेटा किसी को जमाना लिगेंड तब बोलेगा जब उसके पास लोन पेयर होएगा सेंट्रल एटम के पास क्या होएगा लोन पेयर होएगा क्या इसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है यस yes. क्या इसके पास है यस क्या इसके पास है यस तीन तीन है हैं हैं तीन -तीन है. तो जरा बताओ आंसर क्या हो गया दूसरा अरे भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो था लेकिन उस महाराज ने उसको डोनेट कर दिया था पहले ही जरा बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है या नहीं है नहीं है नो लोन पेयर इज अवेलेबल आंसर इज टू ऐसे सवाल आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सवाल आपको नीट में मिल सकता है ऐसे सवाल कह रहा कौन लिगेंड हो सकता है कौन लिगेंड नहीं हो सकता है, तो लिगेंड होने की सबसे पहली शर्त है कि उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए ताकि वो सेंट्रल मेटल आयन के डब्बे में जाके दे सके ठीक है भाई सर ये तो सारी पीपीटी लक्ष्य और यकीन से मैच हो रही है हां तो इसमें एक बात बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है तो जो अगर तुम पढ़े हुए हो तो वो भी समझ आ जाएगा जो यहां नहीं पढ़े हुए हैं वो भी समझ लेंगे बेचारे क्या मतलब है अबे चीजें थोड़ी बदलती है चीजें नहीं बदलती है कभी भी किताब में जो लिखा है वही पढ़ाएगा मास्टर बदलते हैं चीजें नहीं बदलती ठीक है सब्जेक्ट नहीं बदलता है बेटा बदलता मास्टर है और आपको तो है सब बदल गया आओ आगे चले होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स अरे वो ऑक्सीडेशन नंबर और वो सब तो प्रैक्टिस में हर जगह करवा दूंगा आप उसको लेकर इतना परेशान मत हो चल करें शुरू होमोलैप्टिक नाम से पता चल रहा है होमो होमो मतलब सेम सेम मतलब सारे लिगेंड्स सेम सेम मतलब इस डब्बे के अंदर अगर सारे लिगेंड एक ही जैसे हो तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है होमोलेप्टिक है ना ट्वेल्थ लेवल पर ज्यादातर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछे जाते हैं नीट में हेट्रोलेप्टिक भी पूछे जाते हैं लेकिन मैं बता रहा हूं ज्यादातर आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मिलते हैं ये देखो सारे साइनाइड सारे इथाइलिन डाइमिन ई एन अभी आएगा आगे ये भी एक तरह का लिगेंड होता है जो लोग ऐसे इसको ई एन को देखकर ऐसे देख रहे हैं कि ई का है अरे तो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे तो समझ आएगा ना लिगेंड लिगेंड होता है लिगेंड क्या होता है ये बता दिया लिगेंड कितने होते हैं लिगेंड कैसे होते हैं एक बड़ी सी लिस्ट दूंगा सब समझ आ जाएगा तुमको ठीक है भाई आओ आगे बढ़े हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब हेट्रो अलग-अलग अलग-अलग बोले तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल आयन इज बाउंड टू द मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स NH3 है Cl2 है हो गया क्या NH3 2 हो गया Cl2 हो गया ये क्या हो गया आपका यहां पे इसको 4 कर देना भाई ठीक है है ना छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया और बाहर हो गया प्लस दो तो ये आपका हो गया क्या प्लैटिनम एन एस थ्री फोर सी एल टू ये देखो तो इसमें क्या है चार एन एस थ्री है दो दो क्लोराइड है मतलब अलग तरह के हैं फिर आता है ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन क्या बला है ये सारी टर्म्स एनसीईआरटी में दी हुई है वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या बताया देखो सीधी सी बात है डब्बे की जिमेट्री रे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन का मतलब क्या होता है डब्बे की जिमेट्री है ना कोई कह रहा था कि लक्ष्य से मिल रहे हैं नीट से मिल रहे हैं ए इधर ये देखिए ये देखिए यकीन ही तो है ए, दिख रहा है रंगों वाले हाथ ये यकीन ही तो है बेटा इतना का परेशान हो रहा है। मुझसे पूछ ले तो उसमें जासूसी मत कर <coughs> डब्बे की जमेट्री डब्बे की जेमेट्री कैसी कैसी हो सकती है अरे लीनियर हो सकती अरे ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है टेट्राहाइड्रल हो सकती है स्क्वायर प्लेनर हो सकती है ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकती है ऑक्टाहेड्रल हो सकती है जिन तीन पर मैंने स्टार लगाए हैं वो सबसे ज्यादा मिलने वाला कॉम्प्लेक्स है सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्क्वायर पिरामिडल बोल दो या ऑक्टाहेड्रल बोल दो सबसे ज्यादा यही मिलेगा उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर चार में ये दो मिलते हैं जिसमें स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा और उसके बाद टेट्राहेड्रल तो हम लोगों के सामने कोऑर्डिनेशन नंबर तीन वाले कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर पांच वाले कॉम्प्लेक्स गलती से कोई एक आ जाए तो आ जाए वरना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल जोमेट्री के मिलते हैं बेटा आओ आगे बढ़े एक कह रहा है मैं ग्यारहवीं में हूं आई एम इन इलेवेंथ ओ तो अच्छी बात है बेटा अच्छे से पढ़ो बढ़िया से किसी और चीजों पे ध्यान मत देना जीवन में है ना पढ़ते रहना इलेवेंथ क्लास का चैप्टर तो ये वैसे नहीं है पर तू आया है तो तेरे सम्मान में ऐसे बोल दिया मैंने कि आओ बैठ दो मिनट बैठ कर देख सीख क्या होता है लिगेंड्स लिगेंड्स की बात हम अलग से करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सीएमआई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं लिगेंड्स को हमने पता है कि हमको पता है लिगेंड्स क्या होते हैं हम सबने देख लिया कहरा लड़की के चक्कर में मत पड़ना अरे भाई तू किसी के चक्कर में मत पड़ना चक्कर में नहीं आजकल तो चक्कर बहुत सारे हैं उनके चक्कर में भी मत पड़ना ठीक है तो आजकल तो क्या है कि सिर्फ लड़की का चक्कर नहीं रह गया पैसों का चक्कर ज्यादा हो गया समझ रहे हो उनके चक्कर में तुम मत पड़ जाना कहीं नहीं तो ऐसे चक्कर आएंगे कि गोल गोल घूमोगे डेंटिसिटी <coughs> की बात करते हैं जब आंधी आती है तो बरगद का पेड़ ही पकड़ना चाहिए बेटा छोटे मोटे पौधे अक्सर उखड़ जाया करते आओ आगे चले डेंटिसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अलीगेंट टू मेटल आयंस साइमल्टेनियसली क्या होता है साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ देखो पहली चीज ये आपके लिए एक शब्द नया आया है डेंटिसिटी हम है ना धीरे धीरे समझाते हैं इस चीज को है ना जहां मेरा पेन चल रहा है वहीं पर नजर रखिए। स्लाइड पे क्या लिखा है सब बताऊंगा इसमें से एक कोमा भी छोड़ के नहीं जाऊंगा ऐसे बोल के जाऊंगा बराबर बोल के जाऊंगा है ना बेटा कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा तो विश्वास रखें यहां पे जो लिखा है सब समझ में आएगा तुमको लेकिन सीक्वेंस मेरी रखें मैं अभी की तरफ यहां पर, यहां पर 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 पढ़ा रहा हूं तो यहीं पर नजर होनी चाहिए कि होती क्या है पहली चीज ये जो वर्ड है डेंटिसिटी ये किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू लिगेंड्स बात होती है ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है ये किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है डेंटिसिटी मतलब और डेंटिसिटी इज ऑलवेज डेंटिसिटी इज ऑलवेज मेजर फॉर अ सिंगल लिगेंड मतलब एक यूनिट की डेंटिसिटी चेक होती है हमेशा मान लीजिए मेरी बात समझना बात को मान लीजिए यहां पर छह लिगेंड है मान लीजिए यहां पर लिगेंड्स कितने हैं छह लिगेंड्स हैं लेकिन मुझे जब डेंटिसिटी की बात करनी होगी तो मैं छह के छह साइनाइड की एक साथ नहीं बात करूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा कि छह साइनाइड की डेंटिसिटी छह हो गई नहीं मैं डेंटिसिटी हमेशा एक सिंगल यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा इसमें अगर साइनाइड छ हैं तो इसका मतलब है जो साइनाइड आयन है एक मैं इसकी डेंटिसिटी की बात करूंगा मैं इसकी डेंटिसिटी की बात करूंगा तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर छे साइनाइड है ना या कोऑर्डिनेशन नंबर हैं तो मैं डायरेक्ट डेंटिसिटी छह नहीं कर सकता डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में फर्क होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल बॉन्ड कितने हैं और डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है एक लिगेंड कितने बॉन्ड बॉन्ड बना बना रहा है इसमें रहे हैं लेकिन वो तो लिगेंड लिगेंड बना 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 रहे हैं एक एक कितने रहा रहा है एक बना रहा है इसीलिए उसकी डेंटिसिटी हमेशा एक बोली जाएगी तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि डेंटिसिटी कभी भी ग्रुप में मत चेक करना डेंटिसिटी कभी भी ग्रुप में मत चेक करना डेंटिसिटी टर्म जो होती है वो किसी एक लिगेंड के रेस्पेक्ट में होती है कि उस लिगेंड की एक यूनिट कितने बॉन्ड बना रही है वो उसकी डेंटिसिटी होती है और वो भी एक साथ जैसे यहां आओ देखो ये होता है इथाइलिन डाइएमीन क्या नाम होता है इसका इथाइलिन डाइमीन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई एन भी बोल देते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में इथाइलिन वाइन वा, है ना या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं है ना इथेन वन टू डाइमीन ये भी इसका नाम है इथेन वन टू डाइमीन भी बोल सकते हैं और इसको इथाइलिन डाइमीन भी बोल सकते हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अब कनेक्ट हो चुका है तो जब ये ग्रुप कनेक्ट हो जाता है किसी से तो हम उसको अब देखो इसमें ये एक नाइट्रोजन डोनर है और इधर एक नाइट्रोजन डोनर है दोनों नाइट्रोजन के पास लोन है बेटा अगर ये मेटल को एक साथ डोनेट कर सकते हैं क्या तो आंसर है यस सर कर सकते जब ये ऐसा करेंगे तो ये लिगेंड की पूरी यूनिट इस लिगेंड की एक यूनिट एक साथ दो बॉन्ड बनाएगी इस लिगेंड की एक यूनिट एक साथ दो बॉन्ड बनाएगी तो इसका मतलब है इसकी डेंटिसिटी को फिर एक नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे दो और इसका नाम होता है या तो बाईडेंटेड लिख दो या कुछ जगहों पे डाइडेंटेड भी लिख सकते भाई डाइडेंटेड लिख सकते हो और डाइडेंटेड भी लिख सकते हो देखो बेटा तो डेंटिसिटी का मतलब हो गया सीधी सीधी सी बात है कि जो भी लिगेंड है उसको पकड़ के साइड में करो एक को तुम एक के कितने हो तुम छे हो छे के छे एक जैसे हो बोला हां छे इधर आ एक आ उस एक को साइड में लिया

तो वो बोलेगा कि मैं दो बॉन्ड बनाता हूं तो अगर एक ई दो बॉन्ड बनाता है तो तीन ई छह बॉन्ड बना लेंगे क्या फर्क पड़ता है तो इसका मतलब हुआ कि डेंटिसिटी हमेशा एक सिंगल लिगेंड के रेस्पेक्ट में देखना कभी भी गलती मत करना कोऑर्डिनेशन नंबर को और डेंटिसिटी को मिक्स मत करना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो होता है टोटल कितने बॉन्ड हैं और डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड की औकात कितनी है बॉन्ड बनाने की एक सिंगल लिगेंड की तो इसलिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कैन बी डोनेटेड बाय ए लिगेंड टू ए मेटल आयन साइमल्टेनियसली तो यहां पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो या तो मैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर को देखकर बोल दू दो या मैं दो बॉन्डी काउंट कर लू भाई हो गया आइडेंटिसिटी आगे चले चले भाई चलो हाँ देख रहा हूं मैं देख रहा हूं आगे बढ़े आगे चलिए और यहां देखिए यहां पर आपको एक कुछ नई बात सिखाते हैं क्या सुनो अगर किसी लिगेंड में अगर किसी लिगेंड में तीन एटम है कितने एटम है बेटा तीन एटम एक दो तीन और तीन एटम में से मान लो दावा करते हैं दो कि मेरे पास भी लोन पेयर है और मेरे पास भी लोन पेयर है ये दावा कर रहे हैं कि मैं भी डोनर बन सकता हूं और सी जो है वो दावा कर रहा है कि मैं भी डोनर बन सकता हूं आपने इन दोनों को बुलाया मतलब आपने इस पूरे लिगेंड को बुलाया जिसमें तीन एटम है एक एटम ए बी और सी ए और सी दोनों दावा करते हैं कि हम दोनों लोन पेयर डोनर बन सकते हैं तो आपने बुलाया और कहा कि ये एक मेटल रखा नीचे और बोला दे के दिखाओ क्या बोला बोला दे के दिखाओ जब इन्होंने दोनों ने एक साथ दिया जब इन दोनों ने एक साथ दिया एक साथ दिया बोले दे भाई कह रहे हैं ना बहुत कुदरत है डोनर 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 बहुत कुदरित थे तो आपने बुलाया बोले इधर आ, इनको इनको एक साथ डोनेट करो बोले किया कर दिया डोनेट कितने मेंबर की रिंग बनी राजा एक मेटल और तीन ये एटम दिख रहे हैं अरे कितने मेंबर की रिंग बनी रहे राजा अरे चार मेंबर की रिंग बनी रहे राजा और चार मेंबर की रिंग जो है वो स्टेबल होती नहीं है तो आपने कहा कि आज के बाद बोलेगा क्या तू आज के बाद बोलेगा क्या तू ते कि तेरी डेंटिसिटी दो है बोलेगा क्या बोल बोलेगा क्या तो इसने कहा नहीं बोलो गलती होगी भाई साहब कह रहा कि तू आकर मेरी स्टेबिलिटी खराब करेगा तू आकर मेरी स्टेबिलिटी खराब करेगा तुम दोनों के पास चाहे लोन पेयर हो लेकिन आज के बाद जीवन में एक बार में एक ही देना या तो तू देना या तू देना ठीक है या तो आके तू जुड़ जाना मेरे से या आके तू जुड़ जाना दोनों एक साथ मत देना रिंग बनेगी चार की और मैं ऐसा लाफा मारूंगा ना कि है ना ये मेरी स्टेबिलिटी खराब करने आए हो तुम चलो निकलो यहां से तो इसको बाइडेंटेड कभी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको मोनोडेंटेड बोलेंगे ठीक है भाई अब आओ आगे ऐसा और कहां हो सकता है ये देखो ये देखो देख रहे हो वो तो उसकी नहीं मानी जिसमें तीन थे जिसमें तीन वो थे जिसमें तीन वो थे और एक चौथा ये आ गया तो मेंबर चार रिंग, चार मेंबर की रिंग बन गई अब आप सोचो तो सोचो हमने उसको नहीं उसको नहीं माने हम हम इसको क्या मानेंगे ये कह रहा है मैं भी दूंगा ये क्या कह रहा है मैं भी दूंगा कह रहा मेरे पास भी लोन पेयर मेरे पास भी लोन पेयर कह रहा ले आ भाई तुम भी अपनी मन की कर लो दे दो दे दो दिया कितने मेंबर की रिंग बनी तीन मेंबर की रिंग बनी चुपचाप छोटा सा मुंह करके वापस चले गए बोले यार काम खराब हो गया अपन नहीं कर पाएंगे अपन नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है यहां से एक जुगाड़ आया यहां से एक जुगाड़ निकल के आया वो जुगाड़ आया कि अगर किसी लिगेंड में अगर किसी लिगेंड में इन एनी लिगेंड इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर थ्री और लेस देन थ्री अगर किसी लिगेंड में टोटल नंबर एटम के तीन हो या तीन से कम हो तो रिंग या तो चार मेंबर की बनेगी या तीन मेंबर की रिंग बनेगी इसीलिए उनकी डेंटिसिटी को कभी भी एक से ज्यादा नहीं माना जाएगा तो ये जुगाड़ आ गया कि आप कभी भी आप कभी भी आप देखो बेटा ये एनओ टू माइनस क्या है ये एनओ टू माइनस अब आपको पता है इसमें एटम कितने हैं तीन एटम है डोनर कितने हैं दो हैं ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है बेटा नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है इसको हम ओ एनओ भी लिख सकते हैं लेकिन पॉइंट यह है कि ये दोनों कभी साथ में डोनेट ही नहीं कर पाएंगे कारण इसमें एटम कितने हैं तीन और हमने जुगाड़ बना दिया कि अगर किसी लिगेंड में तीन एटम हो और तीन से कम एटम हो उसकी डेंटिसिटी ऑलवेज वन होगी वो कभी डेंटिसिटी ज्यादा रख ही नहीं सकता बात खत्म तो डेंटिसिटी का एक जुगाड़ हमको समझ आया उसका कारण क्या है क्योंकि जो रिंग्स बनेगी अगर तीन एटम वाला जुड़ेगा दोनों से तो रिंग चार की बनेगी खेल खत्म अगर दो वाला जुड़ेगा तो रिंग बनेगी तीन की खेल खत्म वट अबाउट EDTA? तो बेटा उसमें कितने एटम है पहले जाकर तो देख जाएस। ए एस ए देख ना तू पहले EDTA की बात करता जयस ए जयस भाई चल क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करते क्लासिफिकेशन आगे आएंगे जयियेस भाई सब आ जाएंगे आगे आ जाएंगे ना अभी मैंने कहा कि किसको मोनोडेंटेड मानना है मैंने यह थोड़ी समझा दिया एक सेकंड जयस भाई जयस भाई इधर देख मैंने यह बताया कि तीन हो या तीन से कम हो तो उसको मोनोडेंटेड मानना है मैंने यह नहीं बताया कि तीन से ज्यादा हो चार हो पांच हो छे हो यह थोड़ी बताया मैंने कि फिर उसको कितना मानना है समझ में आ भी गए हो भाई तुम्हारे हैं आओ आओ बढ़े आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज चार्ज के बेसिस पर, पर तीन ही तरह के होते हैं एनाइनिक फिर न्यूट्रल और फिर कैटाइनिक क्या उम्मीद करते हो कोई पहले से प्लस होगा तो ऐसे कोई लिगेंड्स होंगे क्या गलती से एक या दो इसीलिए कैटाइनिक लिगेंड्स बहुत कम होते हैं अरे जिस लिगेंड पर प्लस चार्ज है जिस पर प्लस चार्ज है अरे जिस पर प्लस चार्ज है, उससे तुम क्या इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है ठीक है भाई चलो तो आओ यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी डेंटिसिटी पर बात करते डेंटिसिटी पर हमने बात करी कि हो सकते हैं मोनोडेंटेट हो सकते हैं डाइडेंटेड है ना हो सकते हैं पॉलीडेंटेड। पॉली में हम वैसे तो ये सब भी पॉली में ही आ रहा है एक काम करते हैं इसको हम पॉली ले लेते हैं दो वाले को भी हम मान लेते हैं पॉलीडेंटेड ही मान लेते हैं चलो उसमें सब मान लेते हैं पॉलीडेंटेड। तो इनकी डेंटिसिटी होती है वन इनकी डेंटिसिटी इज मोर देन वन ठीक है भाई और एक होता है एम्बीडेंटेड सर ये क्या होता है अभी आगे आएगा बेटा एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड ये क्या होता है अभी आगे आएगा बेटा ये फ्लेक्सीडेंटेड अभी सिर्फ नाम चलो नाम नाम से पता चलेगा अभी सिर्फ डेंटिसिटी के बेस पर बेस्ड ऑन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस इस पर दो तरह के होते हैं क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल जो क्लासिकल होते हैं वो पुराने जमाने के लोग हैं पुराने जमाने के लिगेंड्स सिर्फ देने का काम करते थे है ना तो ये होते हैं ओनली डोनर ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और जो नॉन क्लासिकल होते हैं नया जमाने का है बेटा देने के साथ साथ लेने की बातें भी करता है इसीलिए कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है इसीलिए नॉन क्लासिकल मतलब नया जमाना लेटेस्ट तो ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर ओ माई गॉड ये नए जमाने के देते भी हैं करो को ले भी लेंगे मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक्सेप्ट कर लेंगे मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक्सेप्ट कर लेंगे इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल अरे कितनी देर से कोई लिख रहा है पी ब्लॉक कब पढ़ाएंगे पी ब्लॉक कब पढ़ाएंगे जब शेड्यूल होगा तब तो आ जाएगा मेरे भाई हैं मुझे थोड़ी पता है मेरे पास भी वीकली शेड्यूल आता है पढ़ा देंगे ठीक चलो कह रहे सी एन पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया जबकि वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा मन में लड्डू फूटा सी एन माइनस लेकर आया था हम इमेजनरी चार्ज की बात कर रहे हैं ये अपने किस चार्ज के साथ आया है वो चार्ज हटाना है हमको यहां आकर इसने डोनेट कर दिया उसके बाद इसके साथ क्या हुआ है कौन पूछ रहा है तेरे से नहीं ना ऐसा नहीं होगा ये इंडिविजुअल आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन आयन न्यूट्रल है हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं देयर रेस्पेक्टिव चार्ज आपको लिगेंट्स हटाने हैं विध देयर रेस्पेक्टिव चार्ज आप लिगेंट्स को हटाकर देख लीजिए उनके रेस्पेक्टिव चार्ज के साथ पीछे बचा हुआ जो भी चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है बेटा इतना सफिशियंट है क्या अरे नहीं नहीं इतना सफिशियंट नहीं है वैसे सही बताओ ना सफिशियंट तो जुगाड़ ही है सिर्फ ये तो क्या है कि समाज सेवा की जा रही है अभी तुमको दस जुगाड़ दूंगा चैप्टर खत्म हो जाएगा सिर्फ दस जुगाड़ चैप्टर खत्म सारे सवाल खटाखट लेकिन बात यह है कि फिर आएंगे लोग सर ये मेरा बेकलोक हो गया था सर प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा उम्मीद में आके बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं हम कर भी रहे हैं क्या कर सकते हैं मेडिकल स्टोर पे आकर खीरा मांग रहे हैं बताओ कि खीरा दे दीजिए नहीं भाई मेडिकल स्टोर पे कुछ और मिलता है वहाँ तुम गलत चीज़ लेने गए हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या करें जमाना ख़राब है हमको खीरा भी बेचना पड़ रहा है हम मेडिकल स्टोर पर खीरा भी रखते हैं इसीलिए हम उम्मीद में बेसिक से भी पढ़ा रहे हैं चलेगा ठीक है भाई बढ़े आगे ये सब लोग अपनी उम्र क्यों लिखते हैं मुझे समझ नहीं आता हर कोई लोग हा मुझे पता है तुम सब 18 से ऊपर के ही हो लिखते क्यों बार बार 18 प्लस 18 प्लस क्यों अपनी उम्र क्यों बताते हो है अपने हैं मुझे पता है तुम सब वयस्को अपनी उम्र मत बताओ ये लो अब सुनो जितने भी एनायनिक लिगेंट्स होते हैं जितने भी एनाइनिक लिगेंट्स होते हैं वो ओ सफिक्स के साथ खत्म होंगे उनका नाम किसके साथ खत्म होगा ओ सफिक्स के साथ खत्म होगा ठीक है भाई तो जैसे सल्फेट है तो उसका नाम होगा सल्फेटो क्या नाम होगा कर सल्फेटो ए कपड़ा वैसे टाइप है ना तो कार्बोनेट नाम बिगाड़ना है इज्जत नहीं देने का एनाइनिक लिगेंड को इज्जत देने का इज्जत नहीं है ना कार्बोनेट तो कार्बोनेट तो होता है इज्जत की आइए कार्बोनेट बैठिए ए कार्बोनेटो कार्बोनेटो क्लोरिडो ब्रोमिडो हाइड्रोक्सीडो फ्लोरिडो अमिडो इमिडो एजाइडो नाइट्राइडो तिड़िया उबूतर उड ऐसा वाला है है ना तो ये देखो यहां है ऑक्सीडो है ना यहाँ है सुपर ऑक्सीडो यहां है पर ऑक्सीडो साइनाइडो आइसोसाइनाइडो नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ अरे ये क्या बवाल आ गया अरे ये क्या बवाल आ गया ये क्या बवाल आ गया अरे सर यहां हैं फिर यहां ओ फिर ये, एन, फिर ये एस फिर ये एन, ये क्यों लिख रखे हैं अभी देख बेटा मैंने इनका रंग भी बदला हुआ है मैंने इनका रंग भी बदला हुआ है ये कहने को सबके सब, सब एनाइनिक लिगेंड्स हैं लेकिन कुछ बात इनमें अलग है और वो बात इनमें क्या है उसको हम जानते हैं आगे जब हम डेंटिसिटी के बेस्ट पर इनको करेंगे आपको ये सब नोट करने हैं ठीक है ठीके? ये बहुत कॉमन लिगेंट है।, है ना ये बहुत क्या है कॉमन लिगेंड्स है एक कह रहा है मोहित जी सुनिए ना अजी कहिए ना कहिए हम सुनेंगे सब सुनने के लिए ही तो बैठे हैं यहां पर आओ आगे बढ़े एक होता है ऑक्सी उक... देखो बेटा एक चीज ध्यान से देख लेना एक चीज ये ट्वेंटी वन है हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में हमने देखा कि यहां कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप के लिगेंट्स आ गए ऑक्सिलिक एसिड से बना हुआ ऑक्सिलेटो। क्या होता है ऑक्जेलेट बनता है और ऑक्जेलेट आयन को अब क्योंकि माइनस है तो हम उसको ऑक्जेलेटो बोलेंगे इसका एक और नाम ओ एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है सर इसमें हमको क्या क्या याद रखना है बेटा एक तो याद रखना है कि इसके माथे पे चार्ज कितना है एक ऑक्जेलेट माइनस दो उठाता है एक ऑक्जेलेट पर कितना होता है माइनस दो होता है यानी एक ऑक्जेलेट को जब हटाओगे तो मेटल पर पीछे प्लस दो छूटेगा मेटल पर पीछे क्या छूटेगा प्लस दो तो ये काम आएगा चार्ज कहां पर जहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फिर ये रहा देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो मेरे से बेहतर जानते हो आप इनकी स्ट्रक्चर्स माइनस माइनस देखो ये अगर डोनेट करेगा दोनों दोनों डोनर हैं दोनों डोनेट करेंगे अब आप सोचो अब आप सोचो कि इसमें क्या तीन से ज्यादा एटम है यस है तो इसका मतलब है हमारा जुगाड़ जो यहां लगेगा ही नहीं हमने जुगाड़ तीन और तीन से कम के लिए लिया था यहां तो तीन से ज्यादा एटम है तो हो सकता है कि अगर दो डोनर हैं तो काम हो जाए हमारा हो गया देखो यहां पे देखो अब इस कितने मेंबर की रिंग बन गई एक दो तीन चार पांच पांच मेंबर की रिंग होती है स्टेबल तो इसका मतलब है हम इसको बाइडेंटेड बोल देंगे हम इसको क्या बोल देंगे बाइडेंटेड अगर डोनर एटम सेम हो अगर डोनर एटम सेम हो तो हम उसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट्स बोलते हैं तो आपसे पूछा जाएगा इसमें डोनर एटम्स कौन है तो आंसर है इसमें ऐसे लिगेंड्स में आंसर ऐसे लिगेंड्स में सवाल लिगेंड्स से भी आ सकता है कि ऑक्सिलेटो में डोनर एटम्स कौन होते हैं दोनों ऑक्सीजन होते हैं कौन होते, होते हैं बेटा दोनों ऑक्सीजन ही डोनर होते क्लियर है भाई आगे चले ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिन से बनता है बेसिकली ये ग्लाइसिन से बनता है है ना ग्लाइसिन से बनेगा इस तरह से जब एक H प्लस निकाल दोगे तो ये बन जाएगा ग्लाइसिनटो है ना ना बन जाएगा ये रहा आपका, है ना? ये रहा रहा आपका है नेगेटिव इस पर कितना माइनस होता है एक माइनस देख बेटा एक तरफ तो एन एच टू ग्रुप है तो ये अमोनिया डोनर है मतलब सॉरी ये एमीन डोनर है नाइट्रोजन डोनर है और एक तरफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डोनर है अब जब काउंट करेगा तो इसमें भी पांच मेंबर की रिंग हो जाएगी लेकिन शर्त यह है कि यह सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है क्योंकि यहां पर एक डोनर नाइट्रोजन है दूसरा डोनर ऑक्सीजन है अगर डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसको बोला जाता है बेटा क्या अनसिमेट्रिकल लिगेंड क्या बोला जाता है उसको अनसिमेट्रिकल लिगेंड क्या बोला जाएगा उसको अनसिमेट्रिकल लिगेंड चलो आगे और पूछा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है तो वो भी है अब देखो ये सब इन लिगेंड्स के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब पीछे लिखी हुई है ये होता है डीएमजी नेगेटिव डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम आपको इनकी स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है ना ही इनकी स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत है इन पर क्या क्या सवाल आएगा वो पीछे लिखे हुए हैं मैंने सब समझा दूंगा मैं है ना जल्दी जल्दी मैंने कहा ना कि काम की चीज हमको पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है वो हम देखेंगे होता क्या है बेटा कि ये जो डीएमजी होता है डीएमजी होता है डाई मिथाइल ग्लायोक्म डीएमजी क्या होता है बेटा डाई मिथाइल ग्लायोगीम और डीएमजी नेगेटिव क्या होता है डाई मिथाइल ग्लायोक्सी मेटो है ना क्या बनेगा डाई मिथाइल ग्लायोक्सी मेट बनेगा उसको हम आयनायनिक है तो हम उसका ओ सफिक्स लगा देंगे तो डाई मिथाइल ग्लायोगक्सी मेटो हो जाएगा इसका एक ही यूज है कि जब एन आई प्लस टू किसी सैंपल में होता है तो यह उसके टेस्ट में काम आता है निकल प्लस टू के सैंपल में निकिल प्लस टू टेस्टिंग में काम आता है डीएमजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेट में पूछा जा सकता है कि डीएमजी का यूज क्या है डीएमजी Ni+2, प्लस टू प्लस टू की निकल प्लस टू की टेस्टिंग में काम आता है क्या होता है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली ले ली आपने एक सैंपल मिला दिया मिला दिया उस सैंपल में मैं पहले से बता रहा हूं कि एनआई है मैं पहले से बता रहा हूं कि उसमें क्या पड़ा हुआ है? प्लस टू में। प्लस टू में पड़ा हुआ हुआ है है प्लस प्लस में में वो सैंपल आपने ले लिया अब उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या मिला रहे हो डीएमजी क्या मिलाओगे डीएमजी लेकिन सर डीएमजी तो माइनस होता है आप तो डीएमजी ले रहे हो सुन बेटे बेटा डीएमजी जो है डीएमजी जो है वो लिगेंड की तरह काम नहीं करता डीएमजी नेगेटिव लिगेंड की तरह काम करता है तो मेरा पहला काम है मैं डीएमजी को मैं डीएमजी को डीएमजी नेगेटिव बनाऊंगा यानी कि डीएमजी का एच प्लस निकालूंगा देख इधर आजा ये रहा डीएमजी ये क्या है डीएमजी अब मैं अगर बेसिक मीडियम ले लूं जो कि मैंने इसमें साथ में लेना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें मैंने सैंपल डाला उस सैंपल में उस सैंपल वाली टेस्ट ट्यूब में उसी में मैं डीएम डालूंगा और उसी में मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा जब डी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स होंगे जब डीएम और हमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो इसका एच प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन का ओ एच माइनस सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ओ एच माइनस पानी निकाल देंगे क्या निकाल देंगे बेटा पानी जब पानी निकाल देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा जब पानी निकाल देंगे तो वहां से H प्लस निकल गया तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा तो इसका नाम हो गया DMG नेगेटिव ये था आपका DMG। DMG जो है वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता DMG नेगेटिव करता है पहली चीज ऐसा क्यों सर क्योंकि बेटा ये हमेशा एक डाइमर बन के ही काम करता है हमेशा कैसा बनता है एक डाइमर तो अगर ऐसी दो यूनिट को आपस में चिपका दूं ऐसी दो यूनिट को आपस में चिपका दूं, तो वो डाइमर होता है है ना वो क्या कहलाता है डाइमर देख बेटा इधर देख एक यूनिट ये रही और दूसरी यूनिट को उल्टा घुमा ले यानी कि जिस तरफ ये माइनस था इस तरफ उल्टा इस तरफ से एच प्लस निकल जाएगा ये माइनस हो जाएगा और उधर ओ एच आ जाएगा इस यूनिट को मतलब इसके पास ऐसी ही एक यूनिट लेकर आ इसके पास ऐसी ही एक यूनिट लेकर आ और और उसको पलट के ला। पलट के के ला ला मतलब इस इस तरफ तरफ तो उसका ओएच आएगा, और इस तरफ उसका आएगा माइनस आएगा घुमा के ले आ और दोनों को चिपका दे जो दोनों चिपकते हैं वो चिपकते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से किससे चिपकते हैं ये सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से दोनों जुड़ जाते हैं अब ये जब डाइमर बन गया डायमर जब बन गया तो एनआई प्लस टू जो है वो बीच में बैठता है और एनआई प्लस टू को डोनेट करता है नाइट्रोजन एक डोनर नाइट्रोजन दूसरा डोनर नाइट्रोजन तीसरा डोनर नाइट्रोजन चौथा डोनर कितने डोनर एटम हो गए चार इस कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम चार हैं लेकिन अगेन मैं आपसे पूछूं कि डेंटिसिटी बताइए मैं आपसे पूछूं मेरा सवाल मेरा सवाल डीएमजी की डीएमजी नेगेटिव की डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो की डेंटिसिटी चार होगी या दो आंसर बताइए डेंटिसिटी चार होगी या दो ये तो देख लोगे बताओ हां डेंटिसिटी चार होगी या दो टीप लोगे जल्दी बताओ चार होगी या दो यस yes, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं सभी लोग दो लिख रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा अच्छा लग कुछ लोग चार लिख रहे हैं बेटा जो चार लिख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी भाषा में बताया था कि हमेशा एक यूनिट के रेस्पेक्ट में डेंटिसिटी चेक की जाती है डाइमर इज बेसिकली टू यूनिट ना डाइमर तो टू यूनिट है डाइमर की थोड़ी डेंटिसिटी देखेंगे ये तो दो मिलकर चार डोनर दिखा रहे हैं आपको ये दो मिलकर चार डोनर हैं मैं अकेले डीएमजी नेगेटिव से पूछू तो वो तो ये रहा इसकी डेंटिसिटी तो दो ही होगी इसमें डोनर एटम दो ही होंगे वो तो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स वो तो ये रिजल्ट है एनआईडीएमजी टू चेरी रेड पीपीटी करके कॉम्प्लेक्स आ जाता है बट हमेशा जब भी सवाल पूछा जाता है ना तो वो अगर किसी दिन किसी दिन डीएमजी नेगेटिव की अकेले की आपसे ऐसे पूछ लिया कि डाईमिथाइड ग्लायोक्सीमेटो की डेंटिसिटी क्या होगी आधी दुनिया टेट्राडेंटेड लिख के आएगी उसको मैं बता रहा हूं लेकिन बेटा टेट्राडेंटेट है ही नहीं इसमें तो दो यूनिट है और मैंने अभी बोला एक यूनिट का ही देखा जाता है इसके एक यूनिट की औकात तो दो जगह से देने की है इसको बाइडेंटेट बोला जाएगा तो ध्यान रखनेगा का डीएमजी नेगेटिव हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड होता है क्या इसमें एच बॉन्डिंग होती है यस अब सुनो जब ये इस तरह से जुड़ेगा ये देखो ये का ये चित्र यहां बनाया हुआ है जब ये इस तरह से जुड़ेगा तो आप एक चीज नोट करना आप एक चीज नोट करना कि मैं यहां पर कुछ रिंग्स बना रहा हूं ये देखो ये एक पांच मेंबर की रिंग दिख रही है दिख रही है राइट ये भी एक पांच मेंबर की रिंग दिख रही है दिख रही है राइट ये सिक्स मेंबर की रिंग है ये सिक्स मेंबर की रिंग है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है वरना मैं जरूर करवाता मैन बैचेस में तो मैं बता देता हूं बट सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग क्या होती है हमारे सिलेबस में नहीं है आपका डाउट सबसे ज्यादा खतरनाक डाउट क्या है पता है कि सर आपने हाइड्रोजन को रिंग में कैसे काउंट कर लिया अरे सर ये क्या कर दिया हाइड्रोजन को रिंग में काउंट कर लिया हाइड्रोजन के मतलब आपने दोनों तरफ बॉन्ड काउंट कर लिए मैं बोलूंगा कि बेटा सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग जो होती है वो रेजोनेंस असिस्ट एच बॉन्डिंग होती है मतलब ये हाइड्रोजन के दोनों तरफ जो बॉन्ड है ना बेटा वो ऐसे, ऐसे 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 फ्लिपिंग टाइप है मतलब दोनों तरफ बराबर तरीके के बॉन्ड है ये रेजोनेंस चल रहा है इन दोनों बॉन्ड में ऐसे तो हाइड्रोजन इसीलिए बीच में आ जाता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग जब हाइड्रोजन के दोनों तरफ बॉन्ड एक जैसे हो जाए जो कि इस चित्र में नहीं दिख रहा लेकिन रेजोनेंस की वजह से होता है रेजोनेंस की वजह से होता है एक 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 ये जो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग होती है ना बेटा वो आर ए एच बी होती है रेजोनेंस असिस्ट एच बॉन्डिंग इस तरह की एच बॉन्डिंग को रेजोनेंस असिस्ट करता है हमने ऐसी एच बॉन्डिंग नहीं पढ़ी क्योंकि ये हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं है तो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है

मेरी तरफ से अगर मुझे मानते हो तो सिर्फ नाम ध्यान रख लेना पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूं बट फिलहाल फालतू में जाएगा कोई मतलब नहीं है समझ आएगा तो छः मेंबर की दो रिंग पांच मेंबर की दो रिंग टोटल रिंग हो गई चार अब हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छा इस एन के अराउंड इस निकल के अराउंड अगर आप कॉम्प्लेक्स देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर है देखो इस एन के अराउंड जिमेट्री देखो बाकी सबको भूल जाओ बाकी सबको भूल जाओ इस एनआई के अराउंड जेमेट्री देखो इस एनआई के अराउंड जेमेट्री देखो बाकी सबको भूल जाओ ये आपको ऐसे ही दिखेगी ये देखो बाकी सब भूल जाओ ये तो ऐसे ही है स्क्वायर प्लेनर क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें पीओएस तो होगा ही होगा स्क्वायर प्लेनर में पीओएस तो होगा ही होगा तो देखो आगे इसके बारे में क्या क्या बातें लिखी हुई है देखो जल्दी आ जाओ इसके बारे में क्या क्या बातें लिखी होगी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एन आई डी एम जी टू कॉम्प्लेक्स एक एक पॉइंट नीट का सवाल है और नीट के पीवाईक्यू में इसमें से तीन पॉइंट बना के सवाल पूछ लिया गया है पहला क्या ये एनआई प्लस टू की टेस्टिंग के दौरान बनता है बेहतरीन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत आसान रोजी रेड या चेरी रेड पीपीटी होता है ये ऑलमोस्ट हर एक कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होता है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स की प्रेसिपिटेशन हो जाती है उनमें से ये कुछ छटे हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें से ये रहा एनआईडीएमजी क्योंकि स्क्वायर प्लेनर जिमेट्री है अराउंड द एन आई तो उसका हाइब्रिडाइजेशन डी टू होगा सर ये डी एस टू हाइब्रिडाइशन तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं बेटा आगे जब इसमें विबिटी आएगी तो पढ़ा दूंगा हो जाएगा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव ऑब्वियसली इनएक्टिव क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का मतलब है उसमें पी तो होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगी क्या इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन्स होते हैं यस yes. क्या टोटल रिंग चार होती है यस yes. कितनी दो छह मेंबर की और दो पांच मेंबर की क्या इसमें सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है यस yes. ये सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट इसका एक एक सवाल है इस एन को बहुत मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी कॉम्पलेक्स जो भी लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूं इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स ऐसा एक और लिगेंड ऐसा होता है विच इज़ ई डाईमिन एसीटो सर सर ये चित्र डरा रहा है अरे बेटा छोड़ जानना ही नहीं करना है क्या है छोड़ हटा तू इधर देख इसका नाम पढ़ नाम इथाइलिन इथाइलिन डाई एमिन दो नाइट्रोजन टेट्रा एसिटेटो एसिटेटो ग्रुप सी एस टू सीओ ने एक दो तीन चार कितने चार तो टेट्रा एसिटेटो अरे भाई इसके तो नाम में इसकी डेंटिसिटी छुपी हुई है इसके तो नाम में ही इसकी हुई है ये कह रहा है डाई एमीन दो नाइट्रोजन ये कह रहा है टेट्रा एसिटेटो चार ऑक्सीजन मिलकर हो गए छह डोनर छह डोनर बोले तो क्या हेग्जा छह डोनर बोले तो क्या हो गया हेग्जाडेंटेड हो गया ये इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये रहा एनसीआर में जो दिया हुआ है फॉर्मूला या स्ट्रक्चर वो ऐसा दिया हुआ है ऐसा चित्तर नहीं बनाया हुआ सुन मेरे पुत्र ऐसा चित्तर वहां नहीं बनाया हुआ ये तो बताया है कि ये मेटल से जब अटैच होता है तो किस तरह से होता है है ना ये किस तरह से होता है थ्री डी में बनाने की कोशिश करी गई है डायग्राम दो नाइट्रोजन चार ऑक्सीजन डोनर आइटम्स बताने की जरूरत नहीं है टोटल रिंग्स इसमें पांच बनती हैं हर एक रिंग इसमें पांच ही मेंबर की होती है क्योंकि इसमें सारी रिंग एक प्लेन में नहीं है इसीलिए ऑल एडिट कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली एक्टिव और ये आप जानते हो कि अगर रिंग्स आ गई नॉन को प्लैनर रिंग्स आ गई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता सॉरी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है नॉन कोप्लैनर रिंग्स मतलब सारी रिंग एक प्लेन में नहीं है अब जरा ध्यान से देख ये तीन रिंग तो तुमको एक ही प्लेन में दिख रही है इस वाले में तीन रिंग तो तुमको एक ही प्लेन में दिख रही है ऐसे हैं। इस पर है वो इस वाले प्लेन में है लेकिन यहां पर अगर बीच में मेटल रखा हुआ है तो एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है यानी कि इसके अंदर सारी रिंग्स ये वाली दिख रही है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे ये दो रिंग अलग प्लेन में है इन बाकी तीन रिंग से तो टोटल रिंग कितनी है पांच कौन कौन सी मैंने कलर से पहले से ही कलर अलग अलग कर रखा है आपको समझ आ जाएगा ठीक है भाई तो ये कितने मेंबर पांच ये कितने पांच ये कितना पांच ये कितना पांच ये कितना पांच सारी पांच पांच मेंबर की रिंग है और टोटल रिंग कितनी है पांच है ईच वन इज फाइव मेंबर चले भाई डीएमजी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए ना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर तो किसी कॉम्प्लेक्स में देखोगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड की प्रॉपर्टी नहीं है एक बेटा एक लिगेंड अपने घर पे चुपचाप बैठा है तो उसको ऐसे जाके थोड़ी पूछेगा कि तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो बोलेगा मेरे को किसी मेटल से कोऑर्डिनेशन तो करवाओ तब बताऊंगा मेरा कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है लाइक like अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करो तो इसमें कॉर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली चार है इसमें कॉर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली चार है कॉम्प्लेक्स हो गया ना बेटा स्क्वायर प्लेनर में कॉर्डिनेशन नंबर चार ही होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर का मतलब चार बॉन्ड चार बॉन्ड का मतलब स्क्वायर प्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर चार ये ले कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिविजुअल लिगेंड की प्रॉपर्टी नहीं होती वो तो डेंटिसिटी होती कोऑर्डिनेशन नंबर तो बदल सकता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर तो बदल सकता है ओके तो तो <laughs> okay भाई क्षत्रिय का डाउट पूरा हुआ फिर आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स ये न्यूट्रल डिगेंट्स है बेटा इनका नाम इनके नाम में ओ मत लगा देना इनके अजीबो गरीब नाम होते हैं एक्वा एमीन और कार्बोनिल नाइट्रोसिल फोस्फिन है ना ट्राइफिनाइल फोस्फीन पेरिडीन ये सब नाम होते हैं इनके है ना ये सब नाम होते हैं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बहुत कम होते हैं बेटा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं दो ही लिखे हुए हैं इसमें कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स सिर्फ क्या लिखे हुए हैं दो ही लिखे हुए हैं थोड़ा गले को आराम दे दू क्या बताओ ठीक है भाई जैसे ये ई एन पीएन टीएन डाई एन ट्राईन क्या होता है है ना? तो पहली चीज तो ये है ये भी न्यूट्रल इगेंटी है यह एनो प्लस को नाइट्रोसोनियम बोला जाएगा सर एनओ तो न्यूट्रल भी होता है यस एनओ प्लस भी होता है एनओ NO न्यूट्रल भी होता है जब वो न्यूट्रल होता है तो नाइट्रोसिल नाम होता है और जब प्लस होता है तो नाइट्रोसोनियम नाम होता है फिर ये है हाइड्राजीनियम हाइड्राजीनियम इनके इनके कॉम्प्लेक्स मतलब हाइड्राजीनियम का कॉम्प्लेक्स तो देखने को नहीं मिलेगा आपको है ना मतलब हमारे लेवल पे एग्जाम्पल नहीं आएगा ऐसा एनो प्लस के दो कॉम्प्लेक्स हम जरूर पढ़ लेंगे और उसमें भी कंडीशन लगा देंगे कि जब ए, एनो कब प्लस की तरह काम करेगा और कब जीरो की तरह काम करेगा तो हम बता देंगे ठीक है देखो नाम से क्या पता चल रहा है इथाइलिन डाइमीन इनकी डेंटिसिटी आप यहां पर लिखे हुए शब्द को पकड़ लें डाइएमीन मतलब दो नाइट्रोजन होंगे जो डोनर होंगे डेंटिसिटी दो डाई एमिन डेंटिसिटी डो डाइएमीन डेंटिसिटी डो डाइएमीन सॉरी ट्राई डेंटिसिटी थ्री टेट्रा डेंटिसिटी चार जैसे इस ई एन को बना वैसे तो बना दिया सी एच टू हमने बना दिया ना बना दिया था सी एच टू सी एच टू इथाइलिनका ई एन ये क्या हो गया आपका ई एन ये कहलाता है ये जब देगा तो क्या देगा ऐसे दे देगा ये डोनेट कर देगा ये डोनेट कर देगा यह फाइव मेंबर की रिंग बनेगी बाइडेंटेड होगा न्यूट्रल है इस पर कोई चार्ज नहीं है है ना न्यूट्रल है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है आओ आगे ये देखो ये क्या लिखा है पीएन और टीएन पीएन और टीएन में आप एक चीज नोट करोगे कि अगर आप देखोगे ना तो फर्क क्या है कि ये ये जो है वन टू पोजिशन पे जुड़े हुए हैं और वन थ्री पोजिशन पर जुड़ा हुआ है बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं लेकिन वन मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको पोजिशन आइसोमर बोलते हो ना आप पोजिशन आइसोमर बोलते हो ना राइट right? है ना पोजिशन आइसोमर ये दोनों आपस में पॉजिशन आइसोमर बट पॉजिशन आइसोमर होने की वजह से हमारे जब इसके लिगेंड की तरह काम करोगे लिगेंड तो लिगेंड की तरह इसका यूज बहुत बदल जाता है आप देखो अगर आप वन टू डाइमीन की बात करोगे तो पांच ही मेंबर की रिंग बना रहा है लेकिन अगर आप वन थ्री डाइएमिन की बात करोगे तो छह मेंबर की रिंग बना रहा है सिक्स मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल सिक्स मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल तो इसका मतलब है यह वाला लीगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यह स्टेबिलिटी ज्यादा लाएगा क्योंकि पांच मेंबर और छह मेंबर में छह मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है राइट right? तो यह हो गई सिक्स मेंबर रिंग इसका नाम हो गया वन थ्री डाई एम प्रोपेन क्या नाम हो गया इसका वन थ्री डाई एम प्रोपेन इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा वन टू डाईमिन प्रोपेन क्या नाम हो जाएगा इसका वन वन टू डाई है और वो भी है वो वन थ्री है ये वन टू है ये लो लेकिन दोनों के पोजीशन ये पोजीशन आइसोमर्स हैं इनकी वजह से इनके लिगेंड का टाइप बदल जाता है एक पांच मेंबर की रिंग देता है जबकि एक छह मेंबर की रिंग बना रहे दोनों के दोनों बाइडेंटेड है एक कह रहा आपने क्यों नहीं लिया पांच करोड़ का पैक अबे पहले वाले ही नहीं संभल रहे मेरे से पहले ही बहुत ले लिया मैंने तो इसलिए मैंने नहीं लिया ठीक है पहले ही बहुत है मेरे पास इतना पैसा है इतना पैसा है कि समझ ही नहीं आ रहा तो मेरे को टेंशन हुई कि मैं कैसे संभालूंगा तो इसलिए नहीं लिया एक होता ना कि यार ले सकते हैं बट संभालने वाली भी बात होती मेरे से तो संभलते नहीं ठीक है तो इसलिए मैंने नहीं लिया डिनर ब्रेक अभी देते हैं हाँ वैसे एट थर्टी हो गया वन एंड हाफ आवर हो गया है हम एक ब्रेक कर ही लेते हैं वैसे अगर आप थोड़ी देर रुक जाओ एक मिनट एक सेकेंड सुनो ये दो स्ट्रक्चर पढ़ जाओ सिर्फ दो स्ट्रक्चर पढ़ जाओ उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है ताकि एक तरह का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा डाई ई और हाँ जिन लोगों जो खाना खाते खाते घर पे हैं जो लोग खाना खाते खाते बेटा लिगेंड्स की उस लिस्ट में फटाफट फटाफट फट रीडिंग लगा देना कि कौन सा लिगेंड क्या है और उसका नाम क्या है और उस पर चार्ज क्या है ना बेटा चलो डाई ई का मतलब क्या होता है है ना डाईन का मतलब डाई इथाइलिन ये देख डाई इथिन ट्राई एमीन नाम से चलना डाई इथाइलिन दो इथाइलिन ट्राई एमीन अगर मेटल यहां बैठेगा तो एक यहां एक ये यह, एक ये पांच पांच मेंबर की दो रिंग बनेगी टू रिंग्स है ना फाइव मेंबर्ड आओ आगे ट्राइयन

तीन चार अगर ये मेटल के साथ जुड़ेंगे तो एक दो तीन रिंग बनेगी है ना थ्री रिंग्स बनेगी और हर एक रिंग जो होगी वो फाइव होगी, है ना? खाना मैं भी खा लूंगा आप भी खा लीजिए कोई बात नहीं है ना वन एंड हाफ आवर के बाद हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना जैसा भी है क्योंकि पढ़ा पढ़ा के तो सारा जाऊंगा चाहे वहां एक देख रहा होगा ना तो भी पढ़ा के जाऊंगा क्योंकि मुझे लाइव दिखाने में इंटरेस्ट इतना नहीं है मैं तो ये चाहता हूं कि ये वीडियो जब पढ़ा रहे तो तुम इसको चाहे तीन टुकड़ों में देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बस देखो इस वीडियो से मैक्सिमम लोगों का भला हो बस मेरा यही काम है बाकी ज़्यादा बातें तो मैं नहीं कर सकता है ना मेरा काम में यहां पढ़ाने का लिए तो मैं पढ़ाने आया हूं पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद मैं ये नहीं बताता कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं आप बेवकूफ नहीं हो आपके लिए सभी लोग काम ही कर रहे हैं आपके लिए सभी लोग काम ही कर रहे हैं तो खुद को बेचना इज जस्ट लाइक बेवकूफी मैं नहीं बेचता है ना मैं तो बोल रहा हूं मेरा काम है पढ़ाना अब मैं ये बोलूं कि मेरा काम पढ़ाना है अरे भाई यहां सब्जी थोड़ी बेच रहा हूं मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना तो मैं अगले दस मिनट तो आपको यह बताऊं कि बेटा देखो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं हम सिर्फ ये करते हैं अरे भैया यहां कोई नहीं नाचता यहां सब पढ़ाते हैं यहां सब पढ़ाने आए यहां सब पढ़ाते हैं आओ आगे आ जाओ तो अब हम ब्रेक ले ले फिर लो आओ फिर है ना पंद्रह मिनट का ब्रेक है सिर्फ पंद्रह मिनट का ठीक है हम मिलते हैं पंद्रह मिनट बाद और वो टाइमर वाइमर लगाना तो मुझे आता नहीं है वरना मैं लगा देता मेरे को मैं गरीब आदमी मैं बिल्कुल हाँ चलो आओ आगे चले मतलब मैं तो जा रहा हूं खाना खा लेना उसके बाद कोई नहीं बोलेगा कि खाने का ब्रेक दे दो ठीक है भाई हाँ और ज्यादा मत खाना वरना फिर किसी और चीज़ के लिए ब्रेक मांगोगे है ना तो जितना है उतना ही ज़्यादा खाने से नींद आती है बेटा है ना प्याज मत खाना छाछ मत पीना खट्टी चीजें मत खाना रे अभी नींद निकालोगे नहीं तो सात्विक खाना खा गया हो एकदम बिना चुपड़ी हुई रोटी और दाल चलो जाओ चलो भाग जाओ भगो भगो वापिस मिलते थोड़ी देर बाद हाँ भाई क्या हाल है खाना वाना हो गया खाना वाना हो गया या नहीं हुआ ये बताओ तुम तो चलो छोड़ो वो सब रोटी शोटी खा ली गए रोटी शोटी खा ली या नहीं खाई ये बताओ पहले नहीं खाई करते हैं, करते हैं। लोग आ जाएं मुझे पता है कि फ़िक्स टाइम पे कोई नहीं आना चाहता मेरी तरह मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ मैं आ गया लेकिन मैं रुक रहा हूँ पाँच मिनट तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए बहुत कम लोग देख रहे हैं कंपटीशन हो गया है बट गए हैं बच्चे <laughs> करते भाई शुरू आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी डेंटिसिटी के बेस पर हमको पता है मोनोडेंटेड वो सब होते हैं जिनकी डेंटिसिटी वन होती है सर इसके बेसिस पर आप फिर से क्लासिफिकेशन करोगे नहीं रे मैं क्या करूंगा तेरे को पता है मैं लिखूंगा मैं ये लिखूंगा कि एनाइनिक लिगेंड्स थे हमारे पास न्यूट्रल भी थे एनाइनिक लिगेंड्स में वन टू ट्वेंटी फाइव वन टू ट्वेंटी फाइव सॉरी वन टू सॉरी वन टू ट्वेंटी वन जो थे वो थे मोनोडेंटेड और न्यूट्रल में ये देख न्यूट्रल में एक से लेकर बारह तक जो थे वो थे मोनोडेंटेड सॉरी एक से लेकर एक से लेके सात तक जो थे वो मोनोडेंटेड थे और ये सब पॉलीडेंटेड थे तो यहां से यहां तक इसको हम बोल देते हैं तो ये पॉलीडेंटेड हो जाएगा और इसको हम क्या बोल देंगे ये सब क्या हो जाएंगे मोनोडेंटेड ठीक है उसी तरह से उस वाले क्लासिफिकेशन में वापस चल लेते हैं यहां हमने इनको चार्ज के बेसिस पे बांट रखा था मैं ये कह रहा हूं कि एक से लेके इक्कीस तक सारे के सारे वन टू ट्वेंटी वन क्या है मोनोडेंटेड वन टू ट्वेंटी वन क्या है मोनोडेंटेड है और जो आपका फोर्टीन से ट्वेंटी वन है वो एम्बीडेंटेड है एम्बिडेंटेड क्या होता है सर आइए देख भाई इनमें डोनर एटम तो दो हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है क्योंकि अगर दोनों साथ डोनेट करेंगे तो जो रिंग बनेगी वो अनस्टेबल बनेगी जो रिंग बनेगी वो क्या बनेगी अनस्टेबल बनेगी है ना तो एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकते हैं वन मिनट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है इनमें डोनर एटम्स दो हैं लेकिन ये फिर भी एम्बीडेंटेड क्यों कहलाते हैं एमबीडेंटेड एम्बीडेंटेड का मतलब होता है डोनर एटम एक से ज्यादा हो बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा तो जैसे नाइट राइटो एन लिखा है इसका मतलब इसमें डोनर एटम है ये जो लिखा होता है ये डोनर होता है डोनर और यहां पर जो है ये ऑक्सीजन डोनर है तो दोनों का लिंकेज बदल गया इस NO2- में नाइट्रोजन जाकर बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ जबकि ONO में है सेम लेकिन ONO- में ऑक्सीजन जाके डोनर बना रहा है तो ये जो पीछे लिखे हुए ये सब डोनर हैं डोनर एटम डिफरेंट हो जाए लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा दोनों एक साथ नहीं कर सकते वो हमको पता है क्यों नहीं कर सकते क्योंकि टोटल एटम कितने हैं तीन हैं अगर टोटल एटम ही तीन है टोटल एटम ही कितने हैं तीन है तो इसका मतलब है रिंग तो अनस्टेबल बनेगी इसीलिए हमने इसकी डेंटिसिटी को कभी दो नहीं बोला और इनको बोल दिया हमने क्या एक अलग से एम्बी लिगेंड्स, ठीक है जिसकी डेफिनेशन यहां लिखी हुई है अब जरा आप एक चीज नोट करो कि 22 से लेकर ट्वेंटी टू है ना ट्वेंटी फोर ये जो हैं ये पॉलीडेंटेड हैं इन केस ऑफ एनाइनिक तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ये तो हो गए वन टू ट्वेंटी वन न्यूट्रल के अंदर हो गए वन टू सेवन वाले सारे और पॉलीडेंटेड के अंदर अगर हम बात करें तो डेंटिसिटी इज मोर देन वन तो ये हो गए आपके ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव तो एनाइनिक के केस में ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव तो एनाइनिक केस में भाई रुक जाओ कोई मक्खी आ गई यार कोई चींटा आ गया भयंकर वाला रुक जाओ निकालने दो इसको एक मिनट हाँ इसको मैंने अगर ये मान जाता तो मैं इसको रूम से बाहर निकालता ये नहीं माना इसने जिद करी मैंने इसको गोले से बाहर निकाल दिया इस गोले से ही बाहर चला गया यस न्यूट्रल न्यूट्रल में पॉलीडेंटेड कहां से कहां तक ये देखो आठ से बारह है ना न्यूट्रल में पॉलीडेंटेड कहां से आठ से बारह हमने जो किए हैं ये सब पॉलिडेंटेड बेटा ये सब क्या है पॉलीडेंटेड जिसकी डेंटिसिटी वन से ज्यादा हो तो ये न्यूट्रल के केस में हो गए एट टू ट्वेल्व एम्बीडेंटेड लिगेंट क्या होते हैं बट ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली फंक्शनल सारे के सारे एक साथ फंक्शनल नहीं होंगे यानी कि अगर दो डोनर आइटम है तो दोनों एक साथ लिगेंट नहीं दोनों एक साथ डोनर नहीं बन सकते है दो लेकिन एक बार में एक ही देगा और एक बार में एक ही देगा तो उसको एम्बीडेंटेड बोलेंगे ये आपके हो हो गए टू वाले केस हो गया फ्लेक्सीडेंटेड आउट ऑफ सिलेबस की चीज है वैसे तो ऐसे लिगेंड्स जो वेरिएबल डेंटिसिटी शो कर सकते हैं सल्फेट वैसे तो मोनोडेंटिटी होता है जिस पर स्टार लगा हुआ है वो उसकी प्राइम डेंटिसिटी well, uh, है प्राइम मतलब वो ही ज्यादा मिलेगा आपको वो उसकी प्राइम डेंटिसिटी है इसकी वन है इसकी वन है इडीटीए की सिक्स है लेकिन ईडीटीए को हमने जनरली हेक्साडेंटेड डेंटेड बोला है बट इन सम केसेस इडीटीए कैन बी टेट्राडेंटेड ओके तो ये आपको खाली फॉर इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है फॉर इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है जो स्टार वाला है वो मेन है ना स्टार वाला है वो उसकी मेन डेंसिटी डेंटिसिटी है चले आगे भाई तो ये हो गया हमने डेंटिसिटी के बेसिस पे सारा एक्सप्लेन कर दिया तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन होता है एलिगेंट्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस आपको पता है ये क्लासिकल होते हैं ये नॉन क्लासिकल होते हैं क्लासिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर होते हैं है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लोन पेयर डोनर बोल दो आप उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जो नॉन क्लासिकल होते हैं बेटा नॉन क्लासिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो होते हैं एज वेल एज एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल ये डोनेट तो करते हैं जो काम इनका है ये वो तो करते हैं लेकिन ये बदले में मेटल से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं ये नए जमाने के एलिगेंट्स होते हैं जैसे ये हो गया इथिन हो गया सीओ हो गया सी एन नेगेटिव हो गया बेंजीन हो गया क्या सर इसके अलावा भी होते हैं होते हैं बेटा होते हैं इनके अलावा भी होते हैं है ना लेकिन हम आगे आएंगे एग्जाम्पल तो देख लेंगे क्योंकि इस कैटेगरी की चीजें अच्छा इनको पाई एसिड लिगेंट्स क्यों बोला गया है अभी बताएंगे क्योंकि ये लिगेंड्स जब मेटल से है ना है ना फॉर्म पाई बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सीएमआई अगर सेंट्रल मेटल एटम से अगर सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कहा जाता जाता है 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 पाई 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 एसिड 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 लिगेंड लिगेंड देखो को acid, acid की टर्म में बोला गया है, अगर कोई लिगेंड मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसकी एक शर्त होती है कि भाई तू मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले तभी मेरे पर प्लस आएगा और जब मेरे पर प्लस आएगा तभी मैं तेरे से ले पाऊंगा तो इसलिए ये दोनों काम करते हैं ये नए जमाने के लिगेंड से बेटा ये दोनों काम करते हैं ठीक है भाई पहले ब्रेक में लोग गए थे डेडिकेशन लेवल इतना है कि वापस नहीं आ पाए ये ऐसे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं जिसमें अगर एक यू टर्न मारने के लिए एक कट छूट गया डिवाइडर से तो अब इनको कम से कम 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा ये तब यू टर्न मारेंगे है ना ये तब तक आगे ही जा रहे हैं तो ये नहीं मुड़ पाए कोई बात नहीं बेटा है ना आप गए थे खाना खाने आप नहीं लौट पाए शायद खाना बहुत होगा इसीलिए चलो आगे चलो सर ए के एम सर की तरह मर्सिडीज खरीद लो हाँ ये बात है अबे तो ए के एम सर की मे ही घूम लेता हूँ ना मैं तू तो टेंशन क्यों ले रहा है ए के एम सर की में और भी सर हैं मैं उनकी में ही घूम लेता हूँ अपने को जिस दिन अपन उसमें बैठते हैं अपन सबसे पहले चल्लू करते हैं अपने मोबाइल का कैमरा ठीक है और बनाते हैं धांसू रील ठीक है और उसमें ऐसे जानबूझ के ऐसे, ऐसे 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 बीच का दिखाते हैं क्योंकि मेरी कार में तो मैं रील भी नहीं बना सकता मेरी कार में मैंने रील अगर बनाई तो लोग मुझे कार गिफ्ट कर देंगे कह रहा है एक काम करिए आप ये कार हमारी तरफ से रखिए रील बाद में सोचना तो इसीलिए मैं तो सबसे पहले रील बना देता हूँ उनकी गाड़ी में बैठ के आओ आगे चले जो नॉन क्लास ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो लाइक आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हैं ये बट फिर भी हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस एक तो होता है ओनली डोनेशन वो क्लासिकल होते हैं लेकिन जो नॉन क्लासिकल होते हैं उनको हम सबको पाई एसिड लिगेंट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको पाई एसिड लिगेंट्स बोलते हैं है ना क्या बोलते हैं उसको पाई एसिड लिगेंट्स बोलते हैं ये दो तरह के होते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर मतलब डोनेट करके तो सिग्मा बनाएंगे ऐसे लिगेंड्स जो डोनेट करके क्या बनाएंगे सिग्मा एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे पाई एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे पाई पहली चीज हम किस जमाने की बात कर रहे हैं अत्याधुनिक जमाने की बात कर रहे हैं जहां पर देने वाला कभी कभी ले भी लेता है इसीलिए हम सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर देने की और लेने की दोनों की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिगेंड्स जो देकर सिग्मा बनाए और लेकर पाई बनाए उनको बोला जाता है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर मेटल को अपना लोन पेयर देगा सिग्मा बनाएगा मेटल से अपना मेटल से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा बनाएगा यह और यूनिक कैटेगरी है जो कि ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है हमारे क्योंकि ये वाली कैटेगरी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला केस है कार्बोनिल वाला केस है वो हमारे सिलेबस में है सिनर्जिक बॉन्डिंग करके एक टर्म आती है सिनर्जिक बॉन्डिंग करके एक टर्म आती है जिसमें बताया जाता है कि कार्बन सी जो है वो किस तरह से इस तरह का, का काम करता है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर का, का काम करता है एनी आप जो कुछ लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना दे एक करके सारी चीजें मैं धीरे 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 सुलझा दूंगा ठीक है धागे में लगी हुई घाटे बहुत सारे धागे अगर उलझे हुए हैं और अगर आप उसको इस तरह से सुलझाना चाहेंगे तो वो सुलझेंगे नहीं उलझेंगे एक एक चीज को पकड़िए एक एक धागे को पकड़िए सब सुलझेगा सब सुलझेगा और मैं सुल जाऊंगा इसीलिए एक साथ पूरी पीपीटी को कभी मत देखा करो एक साथ पूरी पीपीटी पे जो लिखा हुआ है उसको मत पढ़ा करो ये आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन को शो करता है अगर आप लिखी हुई इस पीपीटी में से सबसे पहले यहां नजर मारते हो वैकंडी ऑर्बिटल डी और बाइटल फिर यहां देख रहे हो ए बी फिर यहां देख रहे हो ओनली फिर देख रहे हो क्लासिफिकेशन फिर देख रहे हो नोन ये आपका कंसंट्रेशन जीरो बताता है ऐसा सोचता है कि आपको फोकस ही नहीं आप फोकस्ड नहीं है यह बताता है फोकस का मतलब होता है आप स्टेप बाय चलिए मेरा पेन जहां है जो मैं समझा रहा हूं आप उन शब्दों पे ध्यान दीजिए आइए आगे आइए फिर दूसरे टाइप के नॉन क्लासिकल लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो देखकर देते क्या है अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देते हैं इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही डोनेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देते हैं और एक्सेप्ट करके तो वही सेम पाई एक्सेप्टर बनाएंगे एक्सेप्टर के केस में सारे के सारे पाई एक्सेप्टर ही है इसीलिए इन दोनों कैटेगरी को कहा तो हम पाई एसिड लिगेंड ही कहेंगे ठीक है भाई अब ये जो कैटेगरी है इसमें बेसिकली दो और पार्ट हो चुके हैं ये जो कैटेगरी है इसमें बेसिकली दो पार्ट आ चुके हैं ऐसे लिगेंट्स ऐसे लिगेंड्स जो अपना लोन पेयर ऐसे लिगेंड्स जो लोन पेयर तो पी से देंगे सॉरी लोन पेयर तो हां पी से देंगे ठीक है तो उसकी बात तो यहां पर की नहीं है जो सिग्मा बॉन्ड है ये रहा उसकी बात यहां पर नहीं की गई है बात की गई है पाई बॉन्ड की तो ऐसे लिगेंड्स किस तरह का पाई बनाते हैं डी पाई पी पाई ऐसा क्यों सर क्योंकि पहली चीज ये जो पाई बन रहा है ये है सेकेंडरी बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है सेकेंडरी बॉन्ड तो सीओ सी एन एनओ एटसेट्रा इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं ये मेटल से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेते हैं वापस है ना क्योंकि इनको पाई एसिड लिगेंड बोला है तो ये मेटल से एक्सेप्ट करेंगे ये जब मेटल से एक्सेप्ट करते हैं तो अपने एंटी बॉन्डिंग के पी और बाइटल में एक्सेप्ट करते हैं इसमें एक्सेप्ट करते हैं ये एंटी बॉन्डिंग के पी और बाइटल में तो ये करते हैं एक्सेप्ट इन टू एबीएमओ एक्सेप्ट इन टू एबीएमओ और ये करते हैं एक्सेप्ट इन टू वैकेंट डी और बाइटल मेटल तो अपने डी से ही देगा बेटा मेटल तो अपने डी से ही देगा मेटल तो अच्छा इस इस वाले बॉन्ड को मत देखो ये तो दोनों जगह सिग्मा है यानी कि जो डोनर वाली बात हो रही है वो तो सिग्मा ही है लिगेंड जो देगा वो तो उसकी क्लासिकल अप्रोच है वो तो देगा ही उसकी बात नहीं कर रहे हम वो तो सिग्मा ही होगा बेटा ये तो सिग्मा ही है ये भी सिग्मा बना रहा है ये भी सिग्मा बना रहा है हम बात कर रहे हैं मेटल से रिटर्न गिफ्ट लेने की मेटल से रिटर्न गिफ्ट लेने की वो रिटर्न गिफ्ट दो जगह रखा जा सकता है ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो डी तो इनके पास होता नहीं है क्योंकि कार्बन के पास डी नहीं होता कार्बन सेकंड पीरियड का है नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है इनके पास डी नहीं होता तो ये जब दोबारा रिटर्न गिफ्ट लेंगे तो रिटर्न गिफ्ट अपने बॉन्डिंग के पी और बाइटल में लेंगे यानी मेटल देगा डी से मेटल देगा डी से ये लेगा के ए बी एमओ में यानी बॉन्ड बनेगा डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड बनेगा पाई एसिड लिगेंड है पाई बॉन्ड बनेगा रिटर्न गिफ्ट में पाई बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा डी पाई पी पाई लेकिन ऐसे लिगेंड्स जो देकर सिग्मा बना रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो क्लासिकल अप्रोच है लेकिन मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल से मेटल के भरे ऑर्बिटल से अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में ही ले हैं अरे भाई ले भी मेटल भी डी से दे रहा है और ये ले भी डी में रहे हैं क्योंकि ये होते हैं थर्ड पीरियड या उससे ऊपर वाले और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है यानी कि ये मेटल के डी से अपने ही डी में लेते हैं बताओ रे बॉन्ड का टाइप क्या हो गया बॉन्ड का टाइप हो गया डी पाई डी पाई डी पाई डी पाई क्लियर है भाई एक कह रहा है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा तुम गलत चैनल पर आ गए हो तुमको बहुत सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले चैनल्स होते हैं शायद तुम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो तुम यूपीएससी वगैरह उसकी तैयारी कर रहे हो तुमको पॉलिटिकल साइंस वगैरह वो सब पढ़ना चाहिए ठीक है भाई दो कैटेगरी आपको समझ आई आ गई ये होता है पाइड ओनर एंड पाई, पाई एक्सेप्टर अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन है ना बेटा ये बेंजीन इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये वाला। ये ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर देता है और बदले में मेटल से लेगा, वो भी पाई ही लेगा। तो ये कैटेगरी हो गई कौन सी पाई डोनर पाई एक्सेप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में हालांकि मैंने आपको इनकी दो कैटेगरी बताई है आपके सिलेबस में स्टार लगा हुआ है सीओ आपके सिलेबस में स्टार लगा हुआ है ओनली सीओ तो चिंता ना करें सिर्फ सीओ पर ध्यान दें ठीक है भाई ठीक है तो ये एक जस्ट मैंने आपको ब्रीफ किया है जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी वैसे मैं आपको बता दूं इस कैटेगरी में हमको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आगे बढ़ना है हमको सिर्फ कहां आगे बढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आगे बढ़ना है दैट्स इट हमारे सिलेबस में सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स हैं बट मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा बता दिया क्योंकि पी ब्लॉक ट्वेल्थ क्लास पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं कि ये कंपाउंड्स लिगेंड्स का काम करते हैं और डीपाई डीपाई बॉन्ड्स बनाते हैं ये पी ब्लॉक में लिखी हुई बात है आओ आगे चलें चलिए तो अब बात करते हैं आई की हमने ऑलमोस्ट एक सेगमेंट पूरा कर लिया है अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है आई यू पी एस सी नेमिंग दूसरा सेगमेंट क्या बेटा आई यू पी एस सी नेमिंग है तो आज हम अब जो है अब जो हम हैं वो क्या शुरू करने वाले हैं आई यू पी एस सी नेमिंग जो है वो शुरू करने वाले आओ करें शुरू इसमें मैं दो चार एग्जाम्पल्स लिख के बता दूंगा अगर आई यू पी एस सी से सवाल आया वैसे तो आप रोज प्रार्थना करिए भगवान से कि आई यू से ही सवाल आए क्योंकि आई यू से जब भी सवाल आता है तो उसको एक ऑप्शन सही और तीन ऑप्शन गलत बनाने ही पड़ेंगे और वो गलत किस तरह की गलती कर सकता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट गलत लिख सकता है मेटल का नाम गलत लिख सकता है लिगेंड्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर गलत लिख सकता है ऐसी कुछ गलतियां कर सकता है इसीलिए आई का सवाल मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन होता है नीट में अगर आ जाता है तो दुआ करिए कि वही सवाल आ जाए ताकि आप ऑप्शन देकर पहली चीज़ आपको आई का नाम लिखना ही नहीं है है ना आपको आई का नाम लिखना ही नहीं है आपको करना क्या है आपको लिखे हुए को सही गलत बताना है तो तो ये तो बहुत आसान काम हो गया ना बेटा तीन तो गलत बनाएगा वो तो नेम द फर्स्ट कुछ हैं ये तो यहाँ का रूल नहीं ये तो पूरी का रूल है कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा अब हमारे पास कितने तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं एक होते हैं डब्बे पर प्लस एक होता है डब्बे पर न्यूट्रल एक होता है डब्बे पर माइनस तो सबसे पहले लिखा जाता है इसका और इसका यानी कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का सेम पैटर्न चलता है और वो पैटर्न क्या है सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं बाई ट्राई है ना टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरह से इस तरह से जितने लिगेंड्स होंगे उतना हम नाम लगा देंगे एटसेट्रा छह से ज्यादा होगा नहीं वैसे लेकिन फिर भी लिख दिया उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स उसके बाद क्या लिखना है हमको नेम ऑफ लिगेंड्स उसके बाद पहले लिगेंड्स के नंबर फिर नेम ऑफ लिगेंड्स और लिगेंड्स देता है बाई एल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखने उसके बाद लिखना है नेम ऑफ मेटल और उसके बाद लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन एनक्लोज इन ब्रैकेट ठीक है ऐसे करके ब्रैकेट में एनक्लोज होना चाहिए अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो जस्ट एड एट सफिक्स विस मेटल रेस्ट ऑल रूल्स आर सेम एज अबाउ सिर्फ मेटल के नाम में एट लगाना है बाकी सारे रूल्स सेम है बेटा सिर्फ मेटल्स के नाम में क्या लगाना है मेटल के नाम में एट लगाना है तो ऐसे कौन से मेटल हैं जिनके नाम में एट लगता है देखो इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स वी यूज एट सफिक्स और आयरन को बोला जाएगा वैसे तो इसको आयरन बोला जाता है बेटा लेकिन बोला जाएगा फेरेट स्टेनेट प्लम्बेट अर्जेंटेट कोबाल्टेट जिंकेट निकलेट क्रोमेट प्लेटिनेट पैलेडेट एंड एल्यूमिनियम को भी लिख दो एलुमिनेट क्या होता है एल्यूमिनेट कभी कभी एल्यूमिनियम बना देता है, है ना एस ब्लॉक में बेरिलियम बना सकता है कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम बना सकता है क्योंकि उनका हाईफाई होता है और अगर पी ब्लॉक की बात करें तो एल्युमिनियम बना सकता है बेटा कॉम्प्लेक्स ठीक है भाई चली एक कह रहा है देर शुड बी नो गैप इन नेम बेटा मेरी बात सुन ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा जिसमें एक में गैप होगा इसमें गैप नहीं होगा ये सब बातें जब मायने रखती थी तब यही एडवांस सब्जेक्टिव हुआ करता था यानी कि उसमें आपको लिखना पड़ता था तुमको ऑप्शन टिक करना है अप्रोच के साथ चलिए काम की बात करिए आइए अगला अगर कोई ऐसा नाम आ गया सुनना अगर लिगेंड का ऐसा नाम आ गया है ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स ये तो हमने पढ़ लिया लेकिन कहानी हमारी यहां से शुरू हुई यहां से शुरू हुई बेटा इसको इस स्टेटमेंट इस को यहां से शुरू करना व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड्स इंक्लूड एन न्यूमेरिकल प्रिफेक्ट पहले से पहले से डाई ट्राई एटसेट्रा ऐसे नाम लिगेंड के नाम में ही हो जैसे इथेन जैसे इन है इन इथाइलिन डाई एमिन क्या नाम है उसका इथाइलिन डाई एमिन उसके नाम में डाई आ रहा है पहले से उसके नाम में पहले से क्या आ रहा है बेटा डाई आ रहा है अरे जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई या इस तरह के नंबर वाले नाम नंबर वाले प्रिफिक्स यूज हो रहे हैं ऐसे लिगेंड्स के लिए हम यूज करते हैं टर्म्स बिस ट्रिस टेट्राकिस क्या होता है बिस ट्रिस और टेट्राकिस यूज होता है सर ये बिस किसके लिए होगा अगर वो नंबर में दो है तो बिस यूज होगा अगर वो नंबर में तीन है तो ट्रिस यूज होगा अगर वो नंबर में चार है तो ट्रिस यूज होगा जैसे मेरे को इसका नाम लिखना है जैसे मेरे को इसका नाम लिखना है तो देखना बेटा ध्यान से पहली चीज इस डब्बे पर चार्ज जीरो हो गया रे। इस मेटल पर चार्ज ये न्यूट्रल लिगेंड होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन नाम होता है इसका इसका नाम क्या होता है बेटा पी पी एच थ्री क्या होता है ये पी पी एच थ्री नाम होता है ट्राइफिनाइल फिनाइल फोस्फीन इसके नाम में पहले से ट्राई आ रहा है नाम में पहले से क्या आ रहा है ट्राई तो अब ये है कितने दो हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे लिगेंड्स का तो इसका टी मत देखो इसका पी देखो है ना ये जो नंबर है इसको अल्फाबेट नहीं उठाना है टी वाला अल्फाबेट नहीं उठाना है पी वाला अल्फाबेट उठाना है जो इसका ओरिजिनल नेम है वो उठाना है बेटा ओरिजिनल नेम है तो मुझे बताओ ये तो हो गया क्लोरीन ये हो गया पी ये हो गया सी ये हो गया पी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले क्या नाम आ जाएगा डाईक्लोरिडो क्या आ जाएगा डाईक्लोरिडो डाई क्लोरिडो फिर ऐसे कितने लिगेंड है दो ऐसे कितने लिगेंड है दो ऐसे कितने लिगेंड है बेटा दो लिगेंड है तो दो के लिए यूज होता है बिस तो क्या लिखेंगे बिस फिर इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद है ना बिस और इसको लिखेंगे ट्राई फिनाइल क्या लिखेंगे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है बाहर कोई चार्ज नहीं है सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बाहर कोई चार्ज नहीं चार्ज नहीं है तो एन आई सी निकल निकल ही यूज होगा एन आई सी के एल निकल 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 नहीं निकल, निकल, निकल है ठीक है भाई और अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो आओ राजा ऑक्सीडेशन नंबर का गेम मैंने कहा था ना ये ऑक्सीडेशन नंबर का गेम चलेगा ही चलेगा बाहर कोई नहीं है तो जीरो हो गया अंदर ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ये एनाइनिक लिगेंड है दो सी एल माइनस हटाओगे दो माइनस हटाओगे तो प्लस के दो लगेंगे या नहीं लगेंगे लगेंगे इसका हिसाब हो गया प्लस दो जो नीचे लिखूंगा ब्रेक गोले में वो हिसाब होगा वो हिसाब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया और यहां पे क्या लिख दोगे आप इस तरह से डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन निकल टू समझ में आया समझ में आया क्या चल इसका नाम लिख के दिखाओ सी ओ एन थ्री सी एल थ्री जल्दी बताओ फटाफट शिल्पी शर्मा पूछ रही है सर प्लीज़ एक बार ए बी एम ओ के बारे में बता दीजिए इसी चैनल पर एंटी इसी चैनल पर केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो पड़ा है बेटा जाकर देख लो वहाँ बताया हुआ है सब लोग इसका नाम लिखो फटाफट अभी आ रहा हूँ एक मिनट में हाँ भाई सब लोगों का नाम लिख दिया देख बेटा सबसे पहला काम होता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ये बाहर वाले तीन क्लोरीन हटाएगा तो इस पर माइनस सॉरी प्लस तीन आएगा अंदर वाला बेचारा न्यूट्रल लिगेंड है इथाइलिन डाइएमिन तो अंदर जीरो चढ़ेगा जीरो और प्लस तीन का हिसाब तो प्लस तीन ही आएगा ना बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस तीन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस तीन अब देख क्या लिखेगा इसको इसको लिखेगा ट्रिस क्या लिखेगा ट्रिस क्योंकि तीन है ट्रिस इसको लिखेगा या तो इथाइलिन डाइमिन लिख दे या इसको इथेन वन टू डाइमिन लिख दे एक ही बात है है ना इथेन वन टू लिख दे चलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ये क्या लिखेगा क्योंकि ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम नहीं बिगाड़ेंगे कोबाल्ट और यहां क्या आ जाएगा तीन ये ले और तीन के बाद थोड़ा स्पेस देखे क्लोराइड लिख देना

और अगर इथेन वन टू डायमेंड लिख रहे हो वो भी सही है इथाइलिन डायमेंड लिख रहे हो वो भी सही है गुड 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 ग्रेट ग्रेट एट हाँ चलो फिर कुछ नाम देख लेते हैं आसान आसान नाम पहले लिख लेते हैं एक काम करते हैं मैं ये वाली ऊपर ले आता हूं स्पेशल केस बाद में लाएंगे स्पेशल केस में क्या होता है कि हाँ लफड़ा हो जाता है आओ आगे बढ़े राइट द राइट द आई यू पी एस सी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डिनेशन कंपाउंड इन कंपाउंड के आप आई यू पी एस सी नाम लिखिए जल्दी अभी इसी वक्त जल्दी अभी बताते हैं देख, सबसे पहला काम होता है यह पता कर कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है जब काउंटर आयंस इधर दिख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पक्का पॉजिटिव है यानी मेटल का नाम नहीं बिगड़ेगा तो सबसे पहला काम इसका नाम है एमीन और इसका नाम है एक्वा ए और ए तो कॉमन हो गए फिर एम और क्यू से डिसाइड कर ली तो एम और क्यू में एम पहले आता है क्या नाम लिखेगा ट्राई एमीन ट्राई एमीन फिर क्या लिखेगा ट्राई एक्वा एमीन, ट्राइ एक्वा, ट्राइ एमीन, ट्राइ एक्वा, उसके बाद क्या लिखेगा उसके बाद क्या लिखेगा Obviously, क्रोमियम लिखेगा लेकिन अब हमको जरूरत पड़ेगी इस ब्रैकेट में नंबर लिखने की और इधर बाहर तो क्लोराइड आएगा तो अब हम इस ब्रैकेट का नंबर निकाल लेते हैं आ जाए बेटा इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाते हैं आई देख अमोनिया भी न्यूट्रल एच टू भी न्यूट्रल ये दोनों अगर भागे तो इस पर तो जीरो ही चढ़ेगा लेकिन अगर सी एल तीन सी एल भागे तो तीन माइनस भागेंगे बाहर आएगा प्लस तीन हिसाब बताओ रे प्लस तीन हो गया क्रोमियम प्लस तीन में आ गया बात खत्म क्रोमियम कहां पे आ गया बेटा प्लस तीन में क्लियर है ये वाला थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं ये ई एन ई है ना इसको देख के परेशान मत होना ये ई नहीं है लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को देखकर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है क्या बवाल इस डब्बे पे नीचे दो लिखा हुआ है इस डब्बे पे नीचे तीन लिखा हुआ है देख बेटा अगर मुझे सी ए टू प्लस और एन थ्री माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ राइट मैं बनाता हूँ सी ऐसा ही बनाता हूँ ऐसा ही बनाता हूँ अब मुझे इसको तोड़ना है वापस देखना है कि किस पे कितना चार्ज है तो मैं वापस ऊपर की तरफ जाऊंगा ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि कौन किससे बना था यानी कि जो इसके नीचे लगा है वो असल मायने में उसका चार्ज है और जो इसके नीचे लगा है वो उसका चार्ज है ये पता है तुमको है ना ये तो बहुत छोटी तो यानी कि कुल मिला के अगर इस डब्बे के नीचे दो लिखा हुआ है तो ये सल्फेट का चार्ज है विच इज़ एस ओ टू माइनस ये हम जानते हैं वही दो माइनस नीचे आकर यहां लग गया तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहां तीन लग रहा है तो मतलब डब्बे पर चार्ज प्लस तीन है डब्बे पर चार्ज क्या है प्लस तीन है हमको ये समझ आ गया हमको 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 ये समझ आ गया कि ये जो है बेसिकली सीओन थ्री और यहां पर डब्बे पर तीन प्लस है और एसओ फोर टू माइनस है बेटा ये है हमने इसको तोड़ दिया वापस से ये जिस तरह से बना था हमने इसको तोड़ दिया वापस ये मैंने आपको समझाया छोटे से एग्जांपल से हमने इसको तोड़ दिया कि ये दो इसका चार्ज होगा ये तीन उसका चार्ज होगा उधर वाला प्लस होता है इधर वाला माइनस होता है इसका मतलब इस डब्बे पर प्लस तीन था सर क्लोरिडो कब यूज करते हैं बेटा क्लोरिडो क्लोरो दोनों सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जब क्लोरीन होगा तो क्लोरिडो लिख दो क्या दिक्कत है क्लोरिडो क्लोरो दोनों सही है टेंशन वाली बात नहीं है ओके okay? ओ तो आगे चलते हैं अब आपका काम है इसका नाम लिखना लिख दो क्या लिखोगे ट्रेस इथेन वन वन टू डाई ठीक है और कोबाल्ट और अभी तो पता लग ही गया कि तीन है क्यों लग गया क्योंकि बेटा ये तो न्यूट्रल है तो अंदर जीरो हुआ और इसका हिसाब कितना हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा ये ले और यहां क्या लिख देगा सल्फेट ये लिगेंड थोड़ी है तो बाहर का आयन है तो इसको सल्फेटो नहीं बोलेंगे सल्फेट ही बोलेंगे ठीक है भाई ट्राई क्लोरिडो नहीं होगा क्या कहां पे? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं बाहर वाले के नंबर मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है बाहर वाले का नंबर मेंशन नहीं करना होता बाहर में ट्राई क्लोरिडो नहीं लिखते बेटा क्लोरिडो एक ही लिखते हेक्सेडिट्स बता रहा हूं ना मैं कि बाहर वाले के लिए नंबर मेंशन नहीं काउंटर के लिए कितना है क्या नहीं है वो सब नहीं देखा जाता जीरो हो गया ठीक है क्या लिखोगे ये बाहर जीरो कार्बोनिल तो जीरो ही होता है अंदर भी जीरो हिसाब जीरो हिसाब भी क्या हो गया जीरो <coughs> जीरो का जीरो हिजो क्या लिखोगे इसको टेट्रा कार्बोनिल निकल और यहां लिखोगे जीरो टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो ओ सी एल टू टू प्लस देखो बाहर एक प्लस वन दिया हुआ है पहले से और अंदर से दो प्लस और चढ़ेंगे क्योंकि दो क्लोरीन है ई एन से तो चढ़ेगा नहीं अंदर से दो प्लस और चढ़ेंगे क्योंकि दो क्लोरीन है दो माइनस के हटाओगे दो प्लस चढ़ेंगे बाहर का प्लस वन और अंदर का प्लस दो हिसाब का आ गया प्लस तीन अब नाम लिख दो क्या लिखोगे बेटा क्लोरिडो डाई क्लोरिडो है ना बिस इथेन वन टू डाई एमिन क्योंकि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट ही आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें लिख दो तीन और इसके आगे आयन लिखा जाता है बेटा जब किसी कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज दिया हो काउंटर वैलेंसी नहीं दी हो तो वो आयन की फॉर्म में है तो उसको आयन लिखा जाता है राइट क्लियर है ये वाला लिख सकते हो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है है ना ये आपके लिए होमवर्क है आसान है इसलिए बोल रहा हूँ अदरवाइज कुछ नहीं हाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देता हूं अगर दो क्लोरीन को हटाओगे तो डब्बे पे प्लस दो आएगा राइट और इधर से अंदर एक क्लोरीन बैठा है तो इसकी वजह से अंदर से प्लस वन आ जाएगा और यहां एन थ्री और एच टू से तो कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब हुआ इसका हिसाब प्लस तीन आ गया तो जो सर्कल में लिखी हुई है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अब कर लेना बेटा कर लोगे या मुझे बता दो एक मिनट के अंदर ऑप्शन में बता दो जल्दी बता दो फिर वीबीटी शुरू करेंगे बेटा बहुत ज्यादा देर अपन आयूपीएससी में नहीं लगाएंगे बिकॉज आई यूपीएससी का सवाल का आंसर चार ऑप्शन में छुपा होता है सल्फेट का चार्ज माइनस नहीं होगा क्या होगा ना बेटा माइनस दो ही लिखा है तो सल्फेटो थोड़ी बोलेंगे दिस इज नॉट अ लिगेंड दिस इज अ काउंटर आयन सो सल्फेट ही लिखेंगे इसको ठीक है नेहा नेहा पूछ रही है सवाल उसको जवाब दिया मैंने सुनो नेहा ये चैप्टर पता है कब आसान लगता है जब आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ये बहुत लॉजिकल चैप्टर है बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कोई इसमें रटने रुटाने वाला सवाल नहीं आता बेसिकली तो इसके सवाल जब आप करते हो ना और वो होने लगते हैं आपसे तो समझो मज़ा आ गया इस चैप्टर की डेफ्थ बहुत ज़्यादा है बेटा आपको तो सरफेस लेवल से ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा डेफ्थ है आओ आगे चले कुछ नाम और लिखते हैं फिर कुछ स्पेशल केस देखेंगे पहले कुछ नाम लिख लेते हैं फिर स्पेशल केस देखेंगे ओ हो 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बे ये नाम लिखते हैं वेट 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 यस हम्म चलिए लिखिए नाम इसका फटाफट पहले पांच छड़े का नाम बताइए जल्दी बताओ जल्दी जल्दी इतना टाइम नहीं है जल्दी बताओ क्लोरिडो या क्लोराइड बेटा अगर वो क्लोरीन बाहर है काउंटर आयन है तो इसका मतलब वो लिगेंड नहीं है फिर तो उसको क्लोराइड ही लिखेंगे ना भाई जो क्लोराइड जो सीएल लिगेंड की तरह काम कर रहा है उसके लिए लिखेंगे क्लोरीडो पढ़ाई लेकर टेंशन हो रहा है टेंशन में पढ़ाई नहीं हो रहा है पूरा साइक्लिक प्रोसेस कह रहा है साहित्य कह रहा है ओके okay, साहित कपूर एक जना शाहिद को दो शब्द कह के कह रहा है कि क्लास कब तक चलेगी अरे तो तो उस पर क्यों बोल रहा है यार अलग पंचायती बताओ आओ आगे बढ़े पीटीएनएससी टू सी एल एनओ टू देखो बेटा एनओ टू का मतलब होता है नाइट राइटो एन अगर वो ओ एन ओ होता तो नाइट्राइटो ओ होता राइट तो हम लोग जो नाम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे नाइट्राइटो एन के फॉर्मेट में लिखेंगे अब एन और सी में पहले कौन आता है सी लेकिन सी और ए में पहले कौन आता है ए तो हम लिखेंगे डाई एमिन डाई एमिन क्लोरिडो नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो, एन है ना क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है और NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन लिंक हो रहा है ONO का मतलब होता है ऑक्सीजन लिंक हो रहा है उसके बाद NO2 के ऊपर होता है -1 इसका -1 इसका -1 इसका 0 इसका -1 हटाओ -1 हटाओ इस पर पीछे +2 आएगा राइट आगे 0 है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यानी कि प्लैटिनम जो है वो आपका यहां पर आएगा प्लैटिनम और ये आ जाएगा 2 क्लियर है भाई प्लेटिनम टू सर आपका कभी दिल टूटा है क्या क्लास बंद हो जाएगी hmm? मत करे से मेरा दिल पत्थर का है नहीं टूटा आगे आ जा इन सब बातों में कुछ नहीं रखा जल्दी पढ़ ले दिल टूटने की बात कर रहा है कुछ और टूटने के जमाने में आओ बड़े चलो बेटा सीएल को हटाओ बाहर प्लस वन लगाओ और ये कार्बोनेट है CO3 ओ थ्री टू माइनस कार्बोनेट है ये है ना ये माइनस टू होता है इसका कार्बोनेट है ये कार्बोनेट है तो टू माइनस का प्लस टू चढ़ेगा प्लस टू और प्लस वन मिलके कितना हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा जरा नाम लिखेंगे इसका पेंटाएमीन पेंटाएमीन कार्बोनेटो अच्छा ये ध्यान रखना एल्फाबेटिकल ऑर्डर जब डिसाइड करते हो ना तो ये पी डिसाइड नहीं करते हो उसका एक्चुअल नेम जो है वो डिसाइड करते हो है ना आगे लगा हुआ प्रिफिक्स यूज नहीं करते हो है ना अल्फाबेटिकली कार्बोनेटो है ना पेंटाएमीन कार्बोनेटो पेंटाएमिन कार्बोनेटो कोबाल्ट और ये कितना हो जाएगा तीन और ये कितना थोड़ा स्पेस देखे क्लोराइड काउंटर वैलेंसी को जब भी लिखते हैं तो थोड़ा स्पेस देते हैं। एक कह रहा मुझे भी पत्थर दिल बनना है उम्र के साथ हो जाएगा वक्त लगता है अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो हार्डनिंग प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा एक होता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत सूख जाता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होती लेकिन सीमेंट जो है वो धीरे धीरे सूखती है लेकिन एकदम रोबस्ट और हार्ड होती है तो वक्त लगेगा बेटा चीजों को हार्ड होने में वक्त लगता है पत्थर दिल बन जाओगे पहले वजह आएगी जिंदगी में उसके बाद बनोगे आओ बेटा आगे चले ये देखो पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें काउंटर आयंस उस तरफ आए काउंटर आयंस क्या है उस तरफ आए उंटर है ना कह रहा सर आपके जैसा ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ा पाता अब लकड़ी कहां है एक तो मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मास्टर ऐसा अबे इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं मैं भाई गांजे को बारीक कूटा करके फिर फूंका करो तुम तुम सीधा फूंक लेते तो। उसके बीज अलग करने होते हैं। दिक्कत हो जाएगी नहीं तो यह ऐसी हरकतें करोगे तुम बीज वाला थोड़ी पीना होता गांजा यार बीज अलग करने होते उसके <हु�> तुम तो जानते ही नहीं हो यार चीजें कुछ जानते ही नहीं हो कदे गांजा भूं के बैठे के थ्री अगर तीन पोटेशियम हटा दूं तो यहां माइनस तीन आएगा कि नहीं आएगा बोल बेटा माइनस तीन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा आएगा माइनस तीन आएगा कि नहीं आएगा आएगा ये ऑक्जेलेटो है एक ऑक्जेलेट पे दो माइनस होते हैं मैं लिख देता हूं सी टू ओवर टू माइनस होता है सी टू ओवर टू माइनस होता है अगर दो माइनस इस पर एक पर दो माइनस है तो तीन पर तीन इंटू दो माइनस कर दे छे माइनस हो जाएंगे ये छे माइनस हटाएंगे तो पीछे प्लस छे लगेगा कि नहीं लगेगा हिसाब का बोल बेटे बोल प्लस तीन आएगा कि नहीं आएगा आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस तीन आ गई चले रे आगे चलते नाम होगा क्या पहला लिखा जाएगा पोटेशियम क्या लिखा जाएगा पोटेशियम फिर थोड़ा स्पेस दिया जाएगा क्योंकि पोटेशियम पहले है तो पहले लिखा जाएगा कैटाइन का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है अब उसका नाम होगा क्या ट्राइ और क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज है तो मेटल के नाम में एट आएगा एलुमिनेट एलुमिनेट और तीन लिख दे रहे ले ट्राई पोटेशियम ट्राई ऑग्जेलिटो एलुमिनेट पोटेशियम ट्राई ऑग्जेलिटो एलुमिनेट थ्री ठीक है भाई चलो सर मेरे दोस्त का भी ब्रेकअप हो गया देख रहा है मौका है दस्तूर है बात कर ले मौका है दस्तूर है बात कर ले अपने दोस्त से बे कि भाई उसको समझा दे दोस्ती जताने का मौका है दस्तूर है तू क्या समझ रहा था है? तब, फर्जी। थ्री एफिस पोटेशियम क्या है पोटेशियम आगे बताओ फटाफट नाम बताओ दे देख पोटेशियम हो गया इसको देख आ जा बताता हूं तीन कॉटेशियम हटा बाहर माइनस तीन लगा लगा दिया अंदर के छ माइनस हटा अंदर प्लस छ लगा हिसाब बना प्लस तीन निकाल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आगे का नाम लिख आगे चल क्या लिखेगा हेक्सा साइनाइडो एग्जा फेरेट तीन ठीक है भाई इसी तरह से ये दो आप होमवर्क करेंगे और नाम लिखेंगे ओके बेटा चलिए आई की बात हो गई खत्म कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं जब आयरन और एनो एक साथ हो तो एनो को एनो प्लस मानना है यही तो डाउट था कि कब एनो को एनो माने और कब एनो को एनो प्लस माने यही तो डाउट था तो मैंने आपका सॉल्यूशन निकाला है एक कह रहा है कि किसी सर का फोन मिल गया क्या पूछ तो लो <laughs> मेरी तलवार कहां है मुझे जंग पर जाना है मेरी तलवार कहां है मुझे जंग पर जाना है मेरी तलवार कहां है मुझे जंग पर जाना है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है एक बेटा एफ ई एच टू ओ फाइव और एनओ लिखा है आयरन और NO को जब भी साथ देखो तो इसको एनओ प्लस मान लो यानी कि नाइट्रोसोनियम नाम दे आ जाएगा इसका अब बेटा अगर ये एनओ प्लस है तो अंदर माइनस वन आएगा और सल्फेट की वजह से बाहर प्लस दो आएगा माइनस वन और प्लस दो का हिसाब तो बेटा प्लस वन होगा यहां पर आयरन जो है वो प्लस वन आ रहा है ना। यहां पर आयरन प्लस वन आ रहा है यहां पर क्या आ रहा है प्लस वन आ रहा है अब नाम लिख दो बेटा करना क्या इसको अब तो नाम लिख दो क्या लिखोगे पेंटा एक्वा पेंटा एक्वा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसोनियम आयरन प्लस वन में है कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पॉजिटिव है तो आयरन ही लिखा जाएगा आयरन ठीक है वन और बाहर सल्फेट है थोड़ा दूर सल्फेट लिख दो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नाम होता है ऐसा देखो बाहर सोडियम दिख रहा है तो उसको तो लिख ही दो सोडियम ये तो दिक्कत करेगा नहीं ये तो सोडियम हो गया फिर थोड़ा स्पेस इसकी वजह से बेटा ध्यान से सुनना दो एन ए प्लस हटाओगे तो माइनस दो आएगा या नहीं आएगा आएगा सर दो एन ए प्लस हटेगा तो डब्बे पर चार्ज माइनस दो आएगा छ सॉरी पांच साइनाइड हटाओगे तो प्लस का पांच आएगा एक एनओ प्लस हटाओगे तो माइनस का वन आएगा उल्टा चार्ज आता है बेटा तो इसका हिसाब हो गया प्लस का चार या एक काम करें इन दोनों का हिसाब निकाल देते हैं इन दोनों का हिसाब निकाल देते हैं ये हो गया प्लस का चार माइनस का दो हिसाब बन गया प्लस का दो तो नाम लिख देते हैं सोडियम है ना पेंटासाइनाइडो पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम आई फेरेट होगा बिकॉज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है फेरेट और कितना दो आ रहा है तो दो कर दो ये दो. सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट टू जब भी एनो को एफ के साथ देखो तो डाउट खत्म करो उस पर प्लस लगा दो उसको प्लस वन मानो मतलब उसको नाइट्रोसोनियम मानो नाइट्रोसिल मत मानो ठीक है भाई ऊपर वाला जो है वो यूज होता है फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रेट टेस्ट नाइट्रेट आयन के टेस्ट के दौरान बनता है और जो दूसरा है वो यूज होता है सल्फाइड आयन के टेस्ट में जब सल्फाइड आयन का कोई सैंपल होता है और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया जाता है तो उसका कल कलर जो है वो पर्पल हो जाता है बस इतनी सी बात है आगे चले आगे बढ़ें भाई चले आगे चल कहाँ आयन नहीं लिखा बे कुछ गड़बड़ करा क्या? ए वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड आयन इसमें लिखा है और कोई आयन तो है नहीं लिखा तो है ऐसे ही दुखी हो रहा तू है चलते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस है ना आई हमारा क्लियर है जो नीट लेवल की आई है वो मैंने करवा दी है होने को पाई लिगेंड्स की आई होती है होने को क्या बोलते हैं ब्रिजिंग uh, की भी IUPAC होती है बट हम उम्मीद करते हैं कि नीट नीट लेवल में सिर्फ सिंपल नाम पूछा जाएगा दैट्स इट तो हम उससे ऊपर आईयूपी पे नहीं जाएंगे ठीक है बेटा क्योंकि एनसीआर में गिवन ही नहीं है तो एनसीआरटी से बाहर तो आता नहीं है जेई मेन्स का पेपर एनसीआरटी से बाहर नहीं आता है तो फिर हम इससे क्या उम्मीद करें रोशन डांगी पूछ रहा है सर ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा भूगोल पढ़ा रहा हूं मैं है ना ये मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं तेरे को तेरे दिमाग में जो चीजें गोल गोल दिखती हैं ना बस वही पढ़ा रहा हूं मैं है ना एक सेकेंड आया मैं है ना चले भाई आगे बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग समझेंगे हम कॉम्प्लेक्स की क्या समझेंगे बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स की क्या समझेंगे बेटा बॉन्डिंग बॉन्डिंग तीन थ्योरी से हम मेजरली पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी वी और सी एफ वहीं पर लगाएंगे जहां पर हम वी से आंसर नहीं कर पाते हैं सी के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं टेंशन लेने वाली बात नहीं है सारी चीजें मैं पहले ही आपको वीबीटी में क्लियर कर दूंगा उसके बाद आप सी आसानी से लगा दोगे आते हैं, हैं सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं वर्नर पे वर्नर जो है एक साइंटिस्ट था उसने कहा कि जो मेटल बीच में बैठता है ना उसकी दो खुजली होती है उसकी खुजली कितनी होती है उसके दिमाग में दो खुजली है। उसके दिमाग में दो खुजली है उसके दिमाग में कितनी खुजली, खुजली, खुजली है दो खुजली है पहली खुजली वो ये चाहता है क्योंकि वर्नर के टाइम पे सारे मेटल जो हैं वो पॉजिटिव हुआ करते थे सारे मेटल्स क्या होते थे पॉजिटिव हुआ करते थे तो वो ये चाहता है कि मेरे प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कोई माइनस चार्ज आए पहली खुजली उसके दिमाग में ये कि मेरे प्लस को कोई माइनस आके सेटिस्फाई कर जाए दिमाग में खुजली है अगले की खुजली दूसरी खुजली मेटल की दूसरी खुजली कि एक तो कोई मेरा चार्ज सेटिस्फाई कर जाए और दूसरा कोई मेरे साथ बॉन्ड बना जाए ताकि मैं भी अपनी एनर्जी को कम करूं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करूं और स्टेबल हो जाऊं या यार यार है ना स्टेबल हो जाऊं यार तो दो तरह की खुजली पहली खुजली कोई मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करे दूसरी खुजली कोई मेरी बॉन्डिंग वाली उम्मीद को पूरा करे दो तरह की खुजली पहली खुजली का नाम प्राइमरी वैलेंसी जो आज के जमाने में इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी होती है अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आप डेफिनेटली प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं दैट्स इट इसके अलावा कुछ नहीं सेकेंडरी वैलेंसी टू डिग्री वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ सी अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है तो आपको सेकेंडरी नंबर सेकेंडरी वैलेंसी निकालना आता है आज के जमाने में आकर हमने उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया प्राइमरी वैलेंसी को आज के जमाने में आकर हमने उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिया ठीक है भाई अगर आप बताओ ऑक्सीडेशन नंबर उस वक्त वर्नर तो सिर्फ पॉजिटिव मेटल्स को जानता था तो पॉजिटिव को सेटिस्फाई कौन करता है बेटा एनायन करता है जबकि आपने देखा है कि अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं अब आप बोलोगे के, सर कैटायन का क्या तो बेटा वो उस वक्त उतने कॉम्प्लेक्स थे नहीं हमने भी दो ही पढ़े हैं अभी तक तो हमने भी कितने पढ़े हैं सिर्फ दो ही पढ़े ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना बेटा ये आयोनाइजेबल होती है ठीक है आयोनाइजेबल होती है मतलब डिसोसिएट हो जाती है ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है तो बेसिकली जो आयोनाइजेबल है वो आयनिक बॉन्ड बना के रखती है कॉम्प्लेक्स में इसीलिए नॉन डायरेक्शनल होती है आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल पता होगा आपको जबकि डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ये वो वैलेंसी है जो अंदर जाके बॉन्ड बनाएगी और बॉन्ड बनाएगी तो यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होगी ये कौन सा बॉन्ड होगी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डोटेड लाइन से इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से जोमेट्री प्रडिक्शन इससे आप नहीं कर सकते क्योंकि जोमेट्री होती है डब्बे के अंदर वाले से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन वर्ड पढ़ा था जीमेट्री किससे डिसाइड होती है डब्बे के अंदर जो है और जो डब्बे के अंदर है वो तो कोऑर्डिनेट बाउंड्री बना रहा होगा ना बेटा डब्बे के जो अंदर है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बाउंड ही बना रहा होगा तो जोमेट्रिक इससे डिसाइड होगी सेकेंडरी वैलेंसी से, से। प्राइमरी वैलेंसी कभी भी के थ्री एफ सिक्स क्या लिखा हुआ है के थ्री एफ सिक्स लिखा हुआ है के थ्री थोड़ी डिसाइड कर रहा है कि इसमें छह बॉन्ड बनेंगे वो तो सी एन सिक्स डिसाइड कर रहा है कि छह बॉन्ड बनेंगे इसीलिए जो डब्बे के अंदर है उससे डिसाइड होती है यानी जो अगर है वो टेट्रा हेड्रल हो सकता है स्क्वायर प्लेनर हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर छह है वो एक्टाहाड्रल हो सकता है समझ गए मोहित भैया नींद आ रहा है मेडिटेशन नेचर म्यूजिक बेटा मेडिटेशन कराने वाले तो रहे नहीं अब है ना देख लो तुम तेने नाम तो बड़ा गंभीर डाल रखा है और बात तो सोने की कर रहा है भाई मेडिटेशन वाला है तो समय पे सोएगा सोजा सोजा लल्ला सोजा लाल पिलंग पे सोजा तेरी मम्मी आगे रहने दे पीटी आएगी तुझको खिलौना लाएगी ठीक है भाई आगे चलते हैं PtNs34Cl2Cl2 एन एस थ्री फोर टू टू ठीक है भाई PtNs34Cl2 थ्री फोर PT, सी एल टू प्राइमरी वैलेंसी में काउंटर आयंस की बात हो रही है क्या यस 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 एक पूछ रहा है सर आपका क्या नाम है भि तू दे दे वही है कोई टेंशन ले दे रहा देख बेटा इस पी टी एन एस थ्री फोर सी एल टू मुझे मेरी बात सुनना सबसे पहला काम होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल निकाल डब्बे पर प्लस दो अंदर से प्लस दो राइट मिलकर हो गए प्लस चार तो जरा बता या तो ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे या प्राइमरी वैलेंसी बोल दे कितना हो गया चार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है चार ये लिगेंड है दो ये लिगेंड है तो कितना हो गया छे ठीक है भाई जो डब्बे के अंदर है जो डब्बे के अंदर है वो तो सेकेंडरी वैलेंसी है ही जो डब्बे के अंदर है वो तो सेकेंडरी वैलेंसी है ही तो बीच में लिख दे प्लेटिनम लिख दिया एक अमोनिया दो अमोनिया तीन अमोनिया चार अमोनिया ए एम का मतलब अमोनिया है है ना एमीन जिसको बोलते हैं हम एक एमीन दो एमीन तीन एमीन चार एमीन ये चारों एमीन का इसके इस चारों एमीन का इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने में कोई रोल नहीं है बिकॉज ये तो न्यूट्रल है ये तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब है इसको तो हम सेकेंडरी वैलेंसी मानकर सॉलिड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे हमने डोटेड लाइन से दो क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया हमने डॉटेड लाइन से दो क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये वो दो क्लोरीन हैं जो बाहर हैं काउंटर आयंस हैं लेकिन सर इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चार है यहां तो क्लोरीन दो ही हैं बेटा दो क्लोरीन में से दो ऐसे क्लोरीन हैं टोटल चार क्लोरीन है चार क्लोरीन में से दो ऐसे क्लोरीन हैं जिसने मेटल की दोनों खुजलियाँ मिटाई हैं, उसने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई किया है और जरूरत पड़ने पर उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को यानी उसके बॉन्ड बनाने की खुजली को भी खत्म किया है इसीलिए इन दो क्लोरीन्स को हमने डोटेड प्लस सॉलिड डोटेड प्लस सॉलिड दोनों से रिप्रेजेंट किया है ये ड्यूअल नेचर वाली वैलेंसी हो गई ये ऐसी वैलेंसी है जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी के दोनों तरह से काम कर रही है तो जो दो क्लोरीन जो दो क्लोरीन डब्बे के अंदर चले गए वो कभी आयोनाइजेबल तो होंगे नहीं तो प्राइमरी वैलेंसी तो चार ही आएगी बट आयोनाइजेबल दो ही होगी क्योंकि बाहर तो दो ही है ना बेटा बाहर तो क्या है दो ही है तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल क्लोरीन क्लोराइड आयन इज 50 परसेंट वाई सो क्योंकि टोटल हो गए चार चार में से अगर दो आयोनाइजेबल है तो 50 परसेंट आयोनाइजेबल हो गए और 50 परसेंट ही नॉन आयोनाइजेबल हो जाएंगे 50 परसेंट क्या हो जाएंगे बेटा नॉन आयोनाइजेबल हो जाएंगे ठीक है भाई इसी के अंदर एक चीज और बनाता हूं इसी के अंदर एक चीज और बताता हूं कि ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 थ्री नंबर ऑफ एजीसीएल मॉल्स Produced, by प्रोड्यूस्ड produced कि इसकी रिएक्शन तुमने AgNO3 के साथ करवा दी तो अभी तुमने कहा कि दो ऐसे हैं दो ऐसे क्लोरीन हैं जो आयोनाइजेबल हैं यानी अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपके इस एक मोल को इस कॉम्प्लेक्स के एक मोल को सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो जितने क्लोरीन बाहर हैं उतना ए आ जाएगा टू ए का पीपीटी आ जाएगा बेटा दो मोल ए का पीपीटी आएगा जितना जितना क्लोराइड बाहर उतना एजीसीएल का पीपीटी उतना एजीसीएल का पीपीटी बात खत्म लो जितना डब्बे के बाहर वाला क्लोरीन है उतना एजीसीएल आ जाएगा एक पांच मिनट का ब्रेक पागल वागल है क्या ये देख अगला देख फिर भी बीबीटी शुरू करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एबीसीडी कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए एबीसीडी और उनके बारे में सारी बात निकालनी वर्नर के सारे सवाल एक झटके में हो जाएंगे आगे देख इधर आजा ये प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन सब में क्रोमियम प्लस तीन है यानी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तीन हो गया तो वन डिग्री वैलेंसी इज थ्री टू डिग्री वैलेंसी हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्रोमियम प्लस तीन में छह बॉन्ड बनाता है यानी कि हम टू डिग्री वैलेंसी को सिक्स ही लिखेंगे अब हम उस सिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे इधर देख, ये क्रोमियम अब हम इसका मॉडर्न फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे हम इसका मॉडर्न फॉर्मूला देसी तरीके से मतलब ये तो देसी ये वर्नर फॉर्मूला है ये मॉडर्न फॉर्मूला है कि सी आर के के H2O बाहर अंदर ले लो तो बाहर जो बचे हुए तीन सी एल थ्री है आ जाएंगे अब सी आर एच टू ओ है ही बेटा पांच तो पांच एच टू ओ ले लो पांच क्या ले लो एच टू ओ ले लो और पांच तो एच टू ओ है लेकिन छह करने के लिए एक सीएल को अंदर आना पड़ेगा तो बाहर दो ही बचेंगे फिर यहां पर सी आर एच टू ओ बाहर के चार हैं चारों ले लो बाहर के चार हैं चारों ले लो चार प्लस दो करके छह होना पड़ेगा यानी एक सीएल बाहर बचेगा फिर यहां पर है सी आर तीन एच टू ओ अंदर ले लो और सी एल भी अंदर तीन लेने पड़ेंगे बाहर कुछ नहीं बटेगा बाहर कुछ नहीं बचेगा ये इनके नॉर्मल फार्मूला हो गए अब बात आती है कि मोल ऑफ ए जी सी एल पी पी टी तो बता ए जी एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करने पर ये कितने एजी सी एल देगा तीन ये तीन ए जी सी एल देगा ये कितने देगा दो ए जी सी एल ये कितना देगा एक ए जी सी एल इसमें बाहर कोई क्लोरीन नहीं है ये जीरो ए जी सी एल देगा इलेक्ट्रोलाइट बेटा ध्यान से देखना इलेक्ट्रोलाइट ये तीन आयन है तीन सीएल है, तीन आयन, तीन आयन है, है, है एक, ये तीन अलग दोनों क्लोरिन इस इसको डिसोसिएट करोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना तीन सीएल माइनस ऐसे ही तो लिखोगे तो तीन तो क्लोराइड आयन है और एक पूरा डब्बा है तो टोटल तो आयन कितने हुए चार टोटल आयन कितने हुए बेटा चार टोटल आयन की बात करें तो कितने हुए चार अगर टोटल चार हैं, तो एक तो है और तीन एनायन है, तो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या हो गया One three. वापिस देख लो तीन क्लोराइड है और एक डब्बा है एक पूरा केटायन. केटायन पूरा डब्बा है बेटा पूरा डब्बा को कैटायन समझो तीन एक पूरा प्लस ये बड़ा सा प्लस और ये तीन छोटे छोटे माइनस तीन वन इज टू थ्री रेशियो होगा इसी तरह से देखोगे तो ये पूरा एक और ये दो तो वन इज टू टू रेशियो हो गया ये पूरा एक और ये फिर एक तो वन इज टू वन इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये जीरो हो गया ये क्या हो गया जीरो हो गया अगर नंबर ऑफ आयंस की बात करें अगर नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो सबसे ज्यादा आयंस कहां है नंबर ऑफ आयंस की बात करें सबसे पहले नीचे वाले ऑर्डर पे आ जाओ नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तीन और एक चार आयंस हैं तो यानी कि ए की मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा दो और एक तीन आयंस हैं तो बी की मोलर कंडक्टिविटी उससे कम एक और एक दो आयंस हैं तो सी और डी की तो हो गई जीरो ये जीरो मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या हो गया रहे? ठीक है ये जीरो मोलर कंडक्टिविटी हो गई परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन इन एबीसीडी रेस्पेक्टिवली देख बेटा कितने क्लोराइड तीन है ही तीन तो तीनों के तीनों बाहर हैं तो हंड्रेड परसेंट हो गया रेस्पेक्ट टोटल तीन जिसमें से दो बाहर यानी कि सिक्सटी सिक्स परसेंट हो गया टोटल तीन जिसमें से दो अंदर एक ही बाहर यानी थर्टी थ्री परसेंट हो गया और आयोनाइजेबल इसमें जीरो परसेंट हो गया क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं ये ले लेकिन नॉन आयोनाइजेबल का मतलब होता है अंदर वाला अंदर कुछ भी नहीं है जीरो परसेंट हो गया उल्टा लिख दे अंदर एक है तो थर्टी थ्री परसेंट हो गया अंदर दो है तो सिक्सटी सिक्स परसेंट हो गया और अंदर तीनों के तीनों अंदर हैं तो हंड्रेड परसेंट हो गया इसी का ऊपर वाले का उल्टा ऑर्डर ही तो होगा बेटा इसे ऊपर वाले का उल्टा ऑर्डर ही होगा बात समझ में आया क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चला बेटा कोई भी प्लस तीन में अगर मेटल आ गया ना तो 99.9 परसेंट चार्ज से वो छह कोऑर्डिनेशन नंबर ही रखेगा ये थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है इसके अलावा कुछ नहीं हो और कोई चारा नहीं है ना आप आप डिसाइड नहीं कर सकते उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो तो कॉम्प्लेक्स होता है जो आपको बताता है कि उसका कॉर्डिनेशन नंबर क्या है जितने ज्यादा आयंस होंगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी इसमें आयंस ज़्यादा हैं ज़्यादा होगी बी सी डी यही ऑर्डर होगा कंडक्टेंस का भी जीरो कंडक्टिविटी आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा क्या इस पर लिखा हुआ सब कुछ क्लियर है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं है ना एक मिनट में मैं आया हाँ भाई चले आगे यस सेकेंडरी वैलेंसी इज जस्ट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर छह कोऑर्डिनेशन नंबर पांच और एक यहां पे भी छह चार और दो यहां पे भी छह तीन और तीन यहां पर भी छह तो छह ही होंगे ना बेटा बॉन्ड तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं वो छह ही तो हैं इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर बोला जाता है ऐसा भी क्या हो गया यार गजब एक कह रही है बार बार कि थर्टी नाइन नंबर स्लाइड समझ नहीं आ रही है तो बेटा तुझे फिर फोर्टी कैसे आ गई फोर्टी तो उसका भी बाप है तेरे को फोर्टी कैसे आ गई ये बता वापिस सुन लेना वीडियो आ जाएगी अब आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखा हुआ है जिमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन जिमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एटसेट्रा इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन कह रहा है मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर से आप ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो तो जैसे मान लिया जैसे मान लिया कि ये तो हमको पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल मेटल आयन के वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और बनाएंगे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंट्स के लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता रखा है कि भरे हुए आधे भरे हुए और खाली ये सब ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें हाइब्रिडाइशन में यहां पर हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि इसको लिगेंड से लोन पेयर लेना है तो यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा ही जो खाली डब्बे हैं वही हाइब्रिडाइजेशन है में पार्टिसिपेट करते हैं करेक्ट है भाई बढ़ते हैं आगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर चार स्क्वायर प्लेनर चार में टेट्राहेड्रल पांच में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल छे में स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन लीनियर का एस इसका एस इसका डी एस ये आपके लिए नया है तो आपसे पहला सवाल यहीं से होगा कि ये डी कौन सा है रे तो आंसर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थोड़ा याद रखना पड़ेगा आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है टेट्राहेड्रल में डाउट नहीं है एस थ्री होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमने एस पी थ्री डी पढ़ा है हमने एस पी थ्री डी पढ़ा है लेकिन एक डी एस पी थ्री और होता है इस डी को इधर लगा दो डी को पहले लगाना और डी को बाद लगाने में क्या फर्क है थोड़ी देर बाद जान जाओगे ये जो डी है चाहे ये बाद में लगा हुआ हो चाहे ये पहले लगा हुआ हो ये डी कौन सा होता है डीज स्क्वायर होता है ये सेम है ये आपके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में कर रखा है वैसा ही है आपके लिए नया सिर्फ ये है फिर उसके बाद आता है एस पी या फिर डी टू भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं d बाद में भी हो सकता है d पहले भी हो सकता है फर्क पड़े अभी पता चलेगा क्या फर्क होता है दो डी है ये भी के से आपने पड़ा है, square और DX square, y square होता है। तो यह चीज ये चीज तो आपके लिए सेम है मतलब नई नहीं, नहीं है यही एक चीज नई है कि स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन आपने डी एस पी टू पहली बारी देखा है और उसमें जो डी होता है वो कौन सा होता है बेटा डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्लास कब तक चलेगी सर कोका कोला पी रहे हैं? हाँ भाई कोका कोला पी रहे हैं। देख भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो हमेशा एक्स वाई प्लेन में बनता है किसमें बनता है एक्स वाई प्लेन में ये जस्ट आपको एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आइडिया दे दिया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा प्लेन में बनता है तो तुझे एक डी की जरूरत पड़ेगी अगर वो प्लेन में बनता है तो यहां पे एक बॉन्ड दो बॉन्ड बॉन्ड तीन बॉंड, चार बॉन्ड बॉन्ड चार चार के लिए चार डब्बों की जरूरत पड़ती है एस तो ले, ले तू एस तो हर जगह होता है फिर एक्स वाई एक्स इस पर ले पीवाई ले लेकिन पीजेड नहीं ले सकता क्योंकि पीजेड तो ऊपर होता है पीजेड तो इसके परपेंडिकुलर होता है तो यानी कि तू पीजेड तो नहीं ले सकता चौथा डब्बा तुझे एक्स वाई वाला लाना पड़ेगा इसीलिए यूज होता है DSP2 में बात समझ आ गई क्योंकि स्क्वायर प्लेनर हमेशा प्लेन में बनता है जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं होता है ऐसे समझ ले क्योंकि हमको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है इसको एक्स वाई प्लेन में मानेंगे दूसरा है ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में बेसिकली जेड एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल में जेड एक्सिस जो है वो आ जाता है अब एक्सिस अगर ऑक्टाहेड्रल में आ गया तो देख पहली चीज कितने डब्बे डब्बे चाहिए एक S, तीन P, चार और दो छह डब्बे चाहिए छह डब्बे के लिए मैं एक एस ले लूं क्योंकि एस तो हर जगह है फिर मैं एक्स वाई पर पी एक्स ले लूं पी वाई ले लूं ठीक है और एक्स वाई पर मुझे एक डी की जरूरत पड़ेगी तो मैं डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेता हूं अब जेड पर मुझे एक वैलेंसी चाहिए तो एक तो मुझे पी जेड मिल रहा है और एक मुझे डीजेड स्क्वायर की और जरूरत पड़ेगी तो मैं डीजेड स्क्वायर ले लूंगा तो बेसिकली मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं वैसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं कि जो एसपी थ्री डी टू है वो डीजेड स्क्वायर और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है क्लियर भाई यह चीज आपको पता होनी चाहिए है ना यह चीज ये, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही बता दी थी कि ऑक्टाहेड्रल में जेड एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पीजेड भी काम आएगा और पीजेड के साथ डीजेड भी काम आएगा क्योंकि जेड पर तो जेड वाले ही रहेंगे और इस वैलेंसी में यहां पर चार चाहिए हमको एक दो तीन चार इधर चार बॉन्ड बनाने हैं तो चार डब्बे चाहिए और चार डब्बे कहां से लाएंगे एक्स वाई वाले चाहिए एस तो ले लो क्योंकि वो तो हर जगह है एस ले लिया फिर एक्स पे पी एक्स ले सकते हो पी वाई ले सकते हो लेकिन फिर एक और चाहिए ये तो तीन ही हुए ना बेटा एक और चाहिए तो डी एक्स स्क्सपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों काम आते खैर आपको ये चीज बॉन्डिंग से पता थी फिर आपको एक जुगाड़ देते हैं वो जुगाड़ क्या है वो सुनो आपको कुछ नाम याद करवाने की ट्रिक देता हूं ये पहली चीज टॉप टू बॉटम ट्रिक है ये टॉप टू बॉटम पढ़ना है स्कूटर या लाऊं एसी टी जरा हाफ वे नवाब थे करोड़ मोल वाला मन तक रह जा फिर रूठा ऑफिसर कौन रहेगा इरेगुलर नहीं पढ़ोगे पिटोगे क्यों आगे आया जिंदगी कबाड़ा हो गई जिंदगी कबाड़ा हो गई ठीक है भाई चलो अब आपको एक जुगाड़ देते हैं, ये तो नाम हो गए टॉप टू बॉटम आपको दे दिया मैंने अब आपको एक चीज और बताते हैं कि जुगाड़ क्या है जुगाड़ सुनो कि एस एन का मतलब पहली चीज तो सत्यनारायण नहीं है क्रम संख्या है सीरियल नंबर अगर आप थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज किसी को भी देखो जुगाड़ दे रहा हूं बहुत तगड़ा जुगाड़ है बहुत काम आएगा सबको प्लस दो में अज्यूम करो सारे मेटल्स को प्लस दो में अज्यूम करो ये देखो मैंने सबके माथे पे प्लस दो लगाया है सबके माथे पे क्या लगाया बेटा प्लस दो लगाया है अब मुझे सीरियल नंबर लिखना है सीरियल नंबर हूं नॉट नॉट आई एम राइटिंग ग्रुप नंबर हियर आई एम राइटिंग सीरियल नंबर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड टेन सीरियल नंबर लिखा जस्ट मैंने एक दो तीन चार पांच गिनती लिखी है जितना सीरियल नंबर यानी जितनी उसकी पॉजिशन उतना ही उसमें डी में इलेक्ट्रॉन होगा वन वाले में वन टू वाले में टू थ्री वाले में थ्री चार वाले में चार पांच वाले में पांच छह वाले में छे सात वाले में सात आठ वाले में आठ नौ वाले में नौ दस वाले में दस ऐसा इनमें भी होगा रे ऐसा इन सब में होगा यानी बहुत तगड़ा जुगाड़ दे रहा हूं बहुत तगड़ा जुगाड़ दे रहा हूं कि प्लस टू में कोई एक्सेप्शन नहीं होता प्लस टू में जो जहां है वहीं रहता है यानी कि अगर आप इस बात को नहीं समझे हो तो मैं समझाता हूं अगर आप क्रोमियम का कॉन्फिग्रेशन लिखते हो तो थ्री डी होता है राइट क्रोमियम होता है ट्वेंटी फोर हमारे दिमाग में आता है एक दो तीन चार अरे सर ये नियम से डी फोर होना चाहिए था पांच हो गया गड़बड़ किया ना इसने गड़बड़ किया ना जीरो में गड़बड़ होती है जीरो में एक्सेप्शन होते हैं लेकिन इसी क्रोमियम को तुम प्लस दो में लिख दोगे तो जो तुम सोच रहे थे वही हो जाएगा तुम इसको चार में चाहते थे ये चार में आएगा प्लस दो में तुम जो चाहते हो वही होगा प्लस दो में कोई एक्सेप्शन नहीं होता यानी आप किसी भी मेटल का प्लस दो में कॉन्फ़िगरेशन सोचते हो तो फिंगर्स पे उसकी पोजीशन पता कीजिए और उसके डी के इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए लाइक like, आपको पूछा एफ प्लस टू आपको क्या पूछ दिया एफ ई प्लस टू फिंगर्स पे काउंट कीजिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन अरे छह नंबर पे आया सर थ्रीटी सिक्स होता है और तो और आयरन के नीचे फिर रूठा ओशो फिर रूठा ऑफिसर ऐसे बोल दो तो इसका मतलब है आयरन प्लस टू में भी छह होगा रुथेनियम प्लस टू में भी छह होगा और प्लस टू में भी छे होगा. ये कभी चेंज नहीं होगा मेरे भाई बात समझ में आई ये जुगाड़ हो गया सर इसका क्या फायदा है अरे भाई मान ले तुझे किसी का प्लस तीन सोचना है तुझे किसी का प्लस तीन सोचना है तो एक तरीका तो है कि तू जीरो से प्लस वन फिर प्लस दो फिर प्लस तीन सोचेगा बहुत टाइम लगेगा मान ले तेरे सामने आयरन प्लस तीन लिखा हुआ है मान ले तेरे सामने क्या लिखा हुआ है आयरन प्लस तीन लिखा हुआ है तुझे आयरन प्लस तीन का पता नहीं है लेकिन तुझे बेटा आयरन प्लस टू का पता है कि थ्री डी सिक्स होगा अरे एक और कम कर दे यार थ्री डी फाइव हो जाएगा तू दो तक तो सीधा पहुंच रहा है ना मैंने तेरे को दो तक सीधा पहुंचा दिया तू तीन में एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दे क्या फर्क पड़ रहा है सीधा जुगाड़ खटाखट आंसर निकालने का तरीका आयरन प्लस तीन में एक तो तू जीरो फिर जीर जीरो फिर प्लस वन फिर प्लस टू फिर प्लस तीन निकालेगा बहुत टाइम लगेगा टाइम बचाओ एमडीजे लगाओ एमडीजे लगाओ टाइम बचाओ ये ले जुगाड़ लगा खत्म बात प्लस टू लगा प्लस टू में पोजीशन देख उतना ही डी का इलेक्ट्रॉन बोल अगर वो तीन है तो एक और कम कर अगर वो चार है तो दो और कम कर बात खत्म कर चलो ठीक है भाई तो ये आपको हेल्प करेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपको मतलब ऐसा रटने वाली बात नहीं है लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा कब जब आप कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस करोगे आपको जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी तो निकाल लोगे फिर आपको उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर उसका डी का कॉन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा बेटा मेटल की कॉन्फिग्रेशन स्टेट में पहुंच मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच के आपको कॉन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा वहां ये पूरी स्लाइड आपको बहुत हेल्प करने वाली है पूरी स्लाइड बहुत हेल्प करने वाली है सर आपने कभी समोसे खाए क्या अरे भाई क्या चाह रहा है तू जीवन में कब से एक ही लिख रहा है क्या आपने समोसे खाए हैं क्या क्या आपने समोसे खाए है क्या है अब मोटू पतलू समझाए क्या मेरे को जो समोसे खाऊंगा खाए हैं भाई लेकिन ये कोई टाइम है समोसे की बात करने का है? फिर वही बात आएगी खाया पिया लगता है मुझे थोड़ा सा गले में आराम चाहिए और मैंने अभी खाना नहीं खाया तो मैं खाना खा के आऊंगा ब्रेक लेते हैं फिर खींचते हैं कोर्स को चलिए है ना जो बेसिक बेसिक बातें वो हो चुकी हैं एक ब्रेक लेते हैं पंद्रह मिनट का एक ब्रेक लेंगे बेटा ठीक है, पंद्रह मिनट का एक ब्रेक लेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी थकावट सी महसूस हो रही है आई थिंक मुझे खाना खा लेना चाहिए है ना तो पंद्रह मिनट का एक ब्रेक लेंगे सॉरी कि ये मेरी वजह से ब्रेक है लेकिन मुझे जरूरत पड़ रही है प्लीज सॉरी हाँ लेकिन लेना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे वीकनेस सी फील हो रही है तो मैं थोड़ा खाना खाऊंगा एनर्जी डाउन लग रही है बेटा सॉरी चलिए शुरू करते भाई क्या पढ़ रहे थे हम हाँ यस हम वीबीटी शुरू कर चुके थे और वीबीटी के अंदर हमको डोनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे हम कि देखो लिगेंड जो होते हैं ना लिगेंड होते हैं डोनर लिगेंड क्या होते हैं डोनर होते हैं और लिगेंड के अंदर डोनर आइटम होता है जैसे सीओ है तो कार्बन डोनर है सी एन है तो कार्बन डोनर है एनओ टू है तो नाइट्रोजन डोनर है ओ एन ओ है तो ऑक्सीजन डोनर है यानी कि सारी कहानी डोनेशन स्ट्रेंथ पे चलती है और अगर हमको डोनर स्ट्रेंथ की डोनेशन स्ट्रेंथ पता लग जाए डोनर एटम की डोनेशन स्ट्रेंथ पता लग जाए तो हम ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन तो स्ट्रॉन्ग डोनर है और कौन वीक डोनर है जो स्ट्रोंग डोनर हैं वो स्ट्रोंग लिगेंड में कैटेगरी में आएंगी कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग डोनर होते हैं ऑक्सीजन और हेलोजन वीक लिगेंड्स होते हैं क्योंकि ये वीक डोनर हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जिस भी लिगेंड में डोनर आइटम कार्बन और नाइट्रोजन होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है युवान के चलिए और ऑक्सीजन और हेलोजन वाले क्या होते हैं अभी ये सारी चीजें हम जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर जरूरत पड़ती है तो डी इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग कर सकता है यानी कि हो सकता है कोई डी सिक्स हो और उसमें चार अनपेड हो तो पेयरिंग होने के बाद एक भी ना बचे हो सकता है ये पेयरिंग करवा सकता है लाइक like मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर है तो पेयरिंग हो सकती है और ये जनरली अगर पेयरिंग कर देगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो जनरली ये डाया कॉम्प्लेक्स बना सकता है जनरली ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकता है सर ये इनर ऑर्बिटल क्या होता है बेटा एक एग्जाम्पल मुझे समझाने दे एक एग्जाम्पल सिर्फ एक एग्जाम्पल और सारी चीजें तेरे को पता लग जाएगी सार, सिर्फ एक एग्जाम्पल सिर्फ एक एक चीज बताऊंगा तुझे सब चीजें ये जितने लिखे हुए हैं ना डिफरेंसेस वो सब क्लियर हो जाएंगे जनरली फॉर्म्स लो स्पिन स्पिन जो होती है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या होती है डिसाइड होती है अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर पहले फ्री स्टेट में मेटल में जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उसकी स्पिन घट जाएगी उसको बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको क्या बोला जाएगा बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से रुक जाओ एक मच्छर आया है उसको हटाया जाएगा सारी मुसीबतें आज ही आ रही है रुक जाना बेटा हाँ गया, गया हाँ भाई चलिए 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 तंदूर बना दिए मच्छर का उस रैकेट से एकदम तंदूरी मच्छर हो चुका है वो यस तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई इसका उल्टे होते हैं वीक लिगेंड्स इसके उल्टे होते हैं वीक लिगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन को पैर नहीं कर सकते डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग में नहीं ले जा सकते ये पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जनरली और ये आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यानी कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मेटल की फ्री स्टेट में होते हैं अगर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे तो उसको बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको क्या बोला जाता है बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और अगर मेटल के फ्री स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं अनपेयर्ड उससे कम हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं तो फिर उसको बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको क्या बोला जाता है बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स चलो तो आगे बढ़ते हैं अब इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा कॉम्प्लेक्सेस में जब हम करेंगे सबसे पहला स्टेट सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं के फोर सिक्स सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा देखेंगे के फोर एफ सिक्स सर हमको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा सबसे पहले आपको एक ही चीज देखनी है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर छ साइनाइड की वजह से इधर प्लस छह आएगा चार पोटेशियम बाहर हैं तो प्लस चार बाहर हैं तो बाहर माइनस चार आएगा हिसाब में निकालेगा तो प्लस दो आएगा यानी तेरा आयरन आया प्लस दो में और प्लस दो में जो आयरन होता है वो होता है सिक्स नंबर पर थ्रीडी सिक्स और फोर एस जीरो अब थ्रीडी सिक्स के छ इलेक्ट्रॉन भर दे एक दो तीन चार पाँच छ इलेक्ट्रॉन भर दिए एक दो एक दो तीन चार पाँच छ भर दिए बेटा छः इलेक्ट्रॉन एस इसका खाली है इसका पी खाली है और इसका फोर डी भी खाली है इसका फोर डी भी खाली है फोर डी होता है है ना फोर डी होता है हम इसका जब नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमको फोर डी की जरूरत नहीं पड़ती बट वो वैकेंट पड़ा होता है है ना वैकेंट पड़ा होता है साइनाइड आयन में कार्बन डोनर है स्ट्रॉन्ग लिगोन्ड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बताओ पेयरिंग हो जाएगी क्या क्या पेयरिंग हो जाएगी तो आंसर है यस पेयरिंग हो जाएगी तो एक बात बताओ हमको कोऑर्डिनेशन नंबर छः है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा सिक्स है सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए या तो एस पी थ्री डी टू होगा या डी टू एस पी थ्री होगा इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता तो अगर पेयरिंग हो गई अगर पेयरिंग हो गई जो कि साइनाइड आयन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयरिंग करवा सकता है हमको कितने डी ऑर्बिटल्स चाहिए दो कितने डी ऑर्बिटल चाहिए बेटा डी दो डी चाहिए कोऑर्डिनेशन में हमको जितने की जरूरत पड़ती है वो होते हैं दो डी अगर मैं इसकी पेरिंग करवा दूं इनकी पेरिंग करवा दूं तो मेरे पास दो डब्बे खाली हो गए देखो मैंने इसकी पेरिंग करवा दी मैंने इसकी क्या करवा दी पेरिंग अब पेरिंग होने पर ये दो डी और ये एक एस और तीन पी यानी कि मैं इसको बोल दूं डी टू ये एक एस और ये पी थ्री तो इसका क्या हो गया एक तो हो गया डी टू एस पी थ्री क्योंकि अंदर वाला डी काम में आ गया अगर थ्री डी का डी काम में आ जाए अंदर वाला डी काम में आ जाए तो उसको बोला जाता है बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाता है इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो सबसे पहले लिखेंगे इसको इनर डी ऑरबाइटल कॉम्प्लेक्स उसके अलावा क्योंकि ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये भी ऑक्टाहाइड्रल है ये भी ऑक्टाहाइड्रल है तो इसको क्या लिखेंगे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉम्प्लेक्स बनने से पहले कॉम्प्लेक्स बनने से पहले चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या खत्म खत्म तो इसको बोलेंगे डाया मैग्नेटिक क्या बोलेंगे बेटा इसको डाया मैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है प्लस 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 इसको बोलेंगे लो स्पिन क्यों बोलेंगे इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि पहले इसमें चार अनपेड थे अब इसमें एक भी अनपेड नहीं है किसी को कोई डाउट क्लियर है ओके गुड 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 तो हमारे लिए इसका मतलब है ये वाला गलत हो गया हम यहां पर मूव कर रहे हैं डी टू एसपी थ्री हो जाएगा जब अंदर वाला डी हो तो D2 पहले लिख दो D2 D2 sp3 D2 sp3 अगर बाहर वाला D यूज होता तो हम sp3 D2 बोलते बेटा ठीक है भाई क्लियर है ये जो खाली डब्बे है ये जो खाली डब्बे हैं ये जो खाली डब्बे हैं इन खाली डब्बों में साइनाइड आयन आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ओके मैंने वो मेंशन नहीं किया है बट इन खाली डब्बों में साइनाइड यहाँ पे, पे लोन पेयर यहाँ 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 पे लोन पेयर साइनाइड आयन छे साइनाइड आयन, आयन आएंगे और इन खाली डब्बों को इन हाइब्रिडाइज्ड खाली डब्बों में वैकेंट इन हाइब्रिडाइज्ड खाली डब्बों में अपना लोन पेयर डोनेट कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कार्बन डोनर है बेटा साइनाइड में आइसो साइनाइड में नाइट्रोजन डोनर होता है नेक्स्ट के थ्री एफ एफ सिक्स तीन आया आया इस फ्लोरीन की वजह से यहां पर प्लस छाया आया इसकी वजह से यहां पर प्लस तीन आया आया आयरन आ गया बेटा प्लस तीन में आयरन कहां आ गया प्लस तीन में प्लस दो में आयरन थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो होता है हमको पता है हमने जुगाड़ से निकाल दिया तो प्लस तीन में एक और कम कर दे डी फाइव फोर एस जीरो पेयरिंग नहीं हो सकती वन टू थ्री फोर फाइव पांच इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं फोर एस जीरो हैं फोर पी जीरो है और यहां पे फोर डी भी है तो अब हम जानते हैं कि पेरिंग नहीं हो सकती तो हमको छ कोड छह डब्बे है ना छह बॉन्ड बनाने हैं तो छह डब्बे चाहिए एक डब्बा एस का तीन डब्बे पी के और दो डब्बे डी के ले लेंगे बोलो एस हो गया पी थ्री हो गया और डी टू हो गया इस बार हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा एस पी थ्री डी टू क्या आपने बाहर का डी लिया या अंदर का डी तो आंसर है आपने बाहर का डी लिया तो इसको क्या बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे बेटा इसको आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या मेटल की फ्री स्टेट में पहले पांच अनपेयर्ड थे अभी भी पांच हैं कोई फर्क नहीं पड़ा इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक चीज ये जो है ये जो है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं पांच हैं ये पैरा मैग्नेटिक है ये क्या है पैरा मैग्नेटिक है क्या है बेटा ये पैरा मैग्नेटिक है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो फाइव पॉइंट समथिंग होगा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन पॉइंट समथिंग एन पॉइंट समथिंग जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइव फाइव पॉइंट समथिंग आप चाहे तो फार्मूला लगा लीजिए रूट थर्टी फाइव आएगा है ना फॉर्मूला क्या होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है एन एन प्लस टू यही होता है बेटा फॉर्मूला ये होता है एन प्लस एन प्लस टू तो आप पाँच पाँच प्लस दो सात सात इंटू फाइव सेवन इंटू फाइव हो जाएगा थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव की वैल्यू फाइव पॉइंट समथिंग ही आएगी थर्टी फाइव की वैल्यू फाइव पॉइंट समथिंग आएगी इस तरह से हम देखते हैं यहां किसी को कोई डाउट क्लियर 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 ओके 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 गुड सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे मूव करते हैं चार कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पे मूव करते हैं एनआईसीएन फोर टू माइनस क्या लिखते हैं हम एनआईसीएन फोर टू माइनस देखो बेटा एन आई यहाँ पर प्लस टू में है कैसे निकाला सर साइनाइड की वजह से इस पर प्लस चार आया प्लस चार और माइनस दो का हिसाब प्लस दो होता है एन आई प्लस दो में आठवें नंबर पे होता है तो थ्री डी एट फोर एस जी हो गया आठ इलेक्ट्रॉन भर दीजिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं लेकिन 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 कॉर्डिनेशन नंबर कितना है चार हैं कोऑर्डिनेशन नंबर चार होने पर या तो वो एस थ्री हो सकता है या वो डी एस टू हो सकता है या तो वो एस थ्री हो सकता है या वो क्या हो सकता है बेटा डी एस टू हो सकता है दोनों में से एक चीज हो सकती है अभी देखते हैं अगर हमको अंदर का एक डी का डब्बा मिल जाए तो हम डीएसपी टू लिख देंगे और अगर नहीं मिल सकता तो फिर हम sp3 लिख देंगे देखते हैं जरा क्या साइनाइड स्ट्रोंग लिगेंड है यस क्या पेयरिंग हो सकती है यस अगर मैं इन दोनों की पेयरिंग करा दूं तो मेरे पास एक डब्बा खाली हो जाता है राइट और अगर डब्बा खाली हो गया तो मैं अंदर का एक d बाहर का s और दो p ले सकता हूं यानी कि हाइब्राइशन हो गया डी एस जरा बताओ इसका हाइब्राइशन ये हो जाएगा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगा और इसका हाइब्राइशन क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो जाएगा और इसका हाइब्राइशन क्या हो जाएगा बेटा डी एस पी टू डी एस पी टू इज योर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टू कैसा होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर अगर sp3 थ्री होता तो टेट्रा होता डी एस पी टू अपने आप में इनर ही होता है क्योंकि अंदर वाला sp2d टू डी तो कुछ होता नहीं है तो डी एस पी टू अपने आप में इनर ही होता है इनर ही होता है दूसरा ये डाया हो गया इसमें एन जीरो है, है ना और dsp2 टू यानी कि स्क्वायर प्लेनर अपने आप में अपने आप में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होता है ना डी अपने आप में क्या होता है बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होता है अरे यार, यार ये मच्छर कहां से आ रहे हैं यार है वो एक सेकंड बेटा एक सेकंड थोड़ी दिक्कत ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे ये मच्छर कहां से आ रहे हैं वो जो भंवर होता है ना भंवर भंवर है यार ये भंवर आ रहा है अभी कहां से आ रहा है पता नहीं है एक मिनट रुको ये काटता भी बहुत बुरा है यार वेट करो यार प्लीज सॉरी लेकिन ये एक बार फिर से मच्छर आया है मच्छर भी वो आ रहा है जिससे डर लगता है भंवर होता है ना भंवर जो काटता है ना मधुमक्खी का मधुमक्खी का पति हाँ वो होता है हस्बैंड ऑफ मधुमक्खी मधुमक्खा गंदा काटता है वो दिल का भंवर करे पुकार प्यार की राग सुनो वो वाला भंवर है फूलों का रस चूसने आ रहा है लग रहा है फूल यहां है नहीं रस चूसने आ रहा है पता नहीं कहां से चार फूल कोई बचा नहीं सब खत्म हो गया हम्म तो ये समझ आ गया आपको आगे बढ़ सकता हूँ क्या डी टू स्क्वायर प्लेनर इनर डाया मैग्नेटिक एन जीरो कह रहा सर क्या मतलब आपका खून मीठा रेपट दे लूंगा मैं मेरे नहीं काट रहा वो ठीक है मेरे तो लड़ाई है भवरे से चूसना चूसने रहने दे अभी तू रह दे बन आई सी एल फोर अभी निकल जाएगा मुंह से कुछ अंडश यूट्यूब पे हाँ एन आई सी एल फोर टू माइनस अब ये देखते हैं अरे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है चार है क्लोरीन क्लोराइड आयन इज ए लिगेंड पेयरिंग नहीं हो सकती मेरे राजा तो पेयरिंग नहीं हो सकती तो एन आई प्लस टू थ्री डी टेन फोर एस जीरो होता ही है यहाँ पे भी प्लस टू है वहां पे भी प्लस टू था अब पहले पेयरिंग हो गई थी अब ये दोनों अनपेयर्ड ही रहेंगे तो यहां पर क्लोरीन 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 तो यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा एस पी थ्री और इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा ये टेट्राहेड्रल अनपेड इलेक्ट्रॉन दो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट इज टू पॉइंट समथिंग यस ओके ये पैरा मैग्नेटिक हो गया ओके क्लियर है भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है चलो नेक्स्ट ये देखो थोड़ा स्पेशल केस नहीं ये वाला देखो पहले पहले ये देखो एक चीज यहां आप नई सीखोगे क्या सीखोगे इसमें इसमें आप ये सीखोगे कि पेरिंग जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी ही की जाती है ऐसा नहीं है कि हमको डब्बे तो चाहिए दो और हम चिपका के डब्बे खाली कर रहे हैं तीन हमको जरूरत होगी हमको जितने डी ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी हम पेरिंग उसी हिसाब से करवाएंगे करेक्ट है तो पेयरिंग का ध्यान रखना थोड़ा इस एग्जांपल से मैं आपको यह समझाने आया हूं कि देखो थ्री को हटाया माइनस तीन आया साइनाइड की वजह से प्लस छ आया प्लस छह माइनस तीन का हिसाब प्लस तीन हो गया राइट ये तो अब क्लियर हो ही गया होगा सबको तो मैंगनीज हमारा प्लस तीन में आया है मैंगनीज प्लस टू में मैंगनीज प्लस टू में क्या होता है बेटा थ्री डी फाइव फोर एस टू थ्री डी फाइव फोर एस जीरो होता है राइट तो प्लस तीन में क्या हो जाएगा थ्री डी फोर फोर एस जीरो हो जाएगा प्लस तीन में क्या हो जाएगा बेटा थ्री डी फोर फोर एस जीरो हो जाएगा ये देख एक दो तीन चार हमको एक डब्बा खाली मिल रहा है हमको एक डब्बा पहले से ही खाली मिल रहा है ये थ्री डी है ये फोर एस है और ये फोर पी है एक डब्बा हमको पहले से खाली मिल रहा है ठीक है अब आपको ऐसा लगेगा कि यार इन सबको चिपका के दो डब्बे और खाली कर सकते हैं मुझे कितने डब्बों की जरूरत है सिर्फ दो मुझे कितने डब्बों की जरूरत है सिर्फ दो क्योंकि मेरा हाइब्रिडाइजेशन या तो डी टू एस पी थ्री निकल के आएगा या एस पी थ्री डी टू निकल के आएगा मुझे अगर डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजन करना है तो मुझे डी के कितने ऑर्बिटल चाहिए तीन ऑर्बिटल चाहिए सॉरी डी के कितने ऑर्बिटल चाहिए डी के सिर्फ दो ही ऑर्बिटल चाहिए एक में जो पहले से मिला हुआ है तो मुझे जरूरत तो एक की है तो मैं इन सब की पेयरिंग क्यों करूंगा इसीलिए ऐसा वाला तो हो जाएगा गलत सबको पेयर नहीं करना है तो फिर हम जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही पैर करेंगे यानी इस एक सेट को ही हम पैर करेंगे दो अनपेड हम बचा लेंगे दो अनपेड हम क्या करेंगे बचा लेंगे ये देखो बच गए दो अनपेड अब जो बच गए वो उसमें साइनाइडन एक दो तीन चार पांच तो आंसर हो गया डी टू एक एस और तीन पी ऑक्टाइड्रल डी टू एस पी थ्री लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा क्योंकि पहले स्पिन चार थी अब स्पिन दो ही बच गई कम हो गई खत्म नहीं हुई कम हो गई इनर डी ऑरबाइटल हो गया एन इज इक्वल्स टू टू हो गया म्यू इज इक्वल्स टू टू पॉइंट समथिंग हो गया और आंसर हो गया पैरा मैग्नेटिक स्ट्रोंग लिगेंड होते हुए भी पैरा मैग्नेटिक हो गया इसीलिए स्ट्रोंग और वीक के क्लासिफिकेशन में जनरली वर्ड यूज किया गया है कि यहां है तो स्ट्रोंग लिगेंड लेकिन फिर भी डाया मैग्नेटिक नहीं हुआ कारण हमको जरूरत ही बेटा दो डब्बों की है एक पहले से मिल रहा था एक और कर दिया तो दो अनपेड बच जाएंगे तो नीचे लिख ये जुगाड़ लिखा है पेरिंग उतनी ही करवानी है जितनी रिक्वायर्ड हो जरूरत से ज्यादा डब्बे खाली नहीं करवाने हैं चलो बात समझ आई तो मैं आगे बढ़ जाऊं नोट स्पेशल केस दिस इज ए कॉमन सेंस कि रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी पेयरिंग करवाएंगे नॉट स्पेशल केस आगे बढ़े चल एक क्राफ्टी स्कूल कह रहा है कि नहीं समझ आया तो बेटा मैन बैच देख किसने कहा तुझे है ना जो सच है वो सच है कि केवल उम्मीद देखने से सिलेक्शन नहीं होता ठीक है यही सच है है तो है इसमें बड़ी बात तो है नहीं तूने पहले कोई नहीं देखा तू चाहता है कि सिर्फ उम्मीद देखकर मैं सेलेक्ट हो जाऊं हर चीज का एक प्रोसेस होता है हर चीज का एक मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है अगर आप उसको उतना दोगे तो उस चीज़ के बारे में सोच पाओगे ठीक है डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ सच बता रहा हूँ है ना और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मेरी इस बात से डीमोटिवेट होंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता जो सच है वो सच है हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है जो चीज़ सेलेक्शन अगर मिनिमम टाइम ऑफ रिक्वायर मिनिमम टाइम आपसे मांगती है कि इतना टाइम तो चाहिए भाई इतना टाइम पढ़ना पड़ेगा तुझे तो बेटा कोई यहां पर जादू नहीं हो रहा है कि तुमको एक दिन में सब कुछ सिखा देंगे ठीक है ठीक है हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं बट आप सोचते हो कि यही सब करके चल जाए नहीं समझ आया तो इसका मतलब है तेरा कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है अब नहीं पढ़ा हुआ है तो कैसे क्या करेगा बेटा यार है उम्मीद उसके लिए तो नहीं है जिसने कभी एक बार भी नहीं पढ़ा सीधी सी बात में बोलू तो बुरा मत मानना लेकिन नहीं है क्योंकि दूसरे चैनल पे लोग बोल देंगे तुमको कि तुमने आज दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब भी अगर ये देख लोगे तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे गलत अरे बनाने वाले तो पांच दिन पहले भी वीडियो बनाएंगे सात मई को अगर एग्जाम है तो दो मई को भी आके बोल रहे होंगे पांच दिन में नीट कैसे क्रेक करें और तुम उसको भी जाकर देख रहे होंगे तुम उस पर भी जाकर देख रहे होंगे सच सच होता है उसको एक्सेप्ट करिए ठीक है पांच दिन में नीट नहीं होती वीडियो कोई बना रहा है तो वो व्यूज के लिए बना रहा होगा जाके तुम देख लो उसका काम हो गया आओ कह रहा है एक इतना भी सच नहीं बोलना था बेटा सच सच होता है ना सच को आप बोल सकते हो इतना उतना कुछ नहीं होता बोलिए आप सच को सच को बोलने के लिए जिगरा होना चाहिए जिगरा सच बोलने वाला हिम्मत चाहिए सच बोलने के लिए झूठ तो कमजोर आदमी बोलता है मेरे भाई एन फोर देख अब इसको समझ कार्बोनल इज ए न्यूट्रल लिगेंड्स, राइट right? तो Ni पर चार्ज जीरो प्लस टू में नहीं है तो इसका मतलब है इसके S के दो इलेक्ट्रॉन खाली नहीं हुए लेकिन विदाउट एस कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ना एस का इस मतलब मान के चलिए कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है एस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बेटा एस का इन्वॉल्वमेंट सर एस का इन्वॉल्वमेंट मतलब देख भाई अगर एस का डब्बा खाली नहीं होगा ना तो मैं हाइब्रिडाइजेशन करवा ही नहीं पाऊंगा तो मेरी सबसे पहली मजबूरी है इन दो इलेक्ट्रॉन को अंदर फेंकूंगा इन दो इलेक्ट्रॉन को अंदर फेंकूंगा ट्रांसफर ऑफ फोर एस इलेक्ट्रॉन इंटू तो थ्री डी मजबूरी है मुझे एस खाली चाहिए तो मैंने एस खाली किया मैंने बोला बेटा इधरा दो इलेक्ट्रॉन इधर आओ इधर बच्चा कैसा हो सब लोग बोले बढ़िया बोले अंदर जाओ है ना पापा बुला रहे हैं अंदर जाओ जाओ तो थ्री डी एट से ये थ्री डी टेन हो गया फोर एस जीरो हो गया हमने इसको ऐसा लिख दिया अब इसमें हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम अंदर से कोई डब्बा ले पाए जो थ्री डी टेन ही हो गया उसको क्या बोलोगे तो हमारे पास बचा एक एस और तीन पी तो ये बचा फोर पी एस और तीन पी बोलो क्या बोलोगे एस पी थ्री टेटरा एन जीरो डाया बात खत्म स्पेशल केस हाँ, ये आप स्पेशल केस कह सकते हो कि एस के इलेक्ट्रॉन को आपने अंदर ट्रांसफर किया कोई है ना, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जुगाड़ है या ट्रिक है कुछ नहीं है मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है विदाउट एस और बाइटल एनी काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल किसी भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एस और बाइटल का होना जरूरी है बिकॉज एस एंगल की दुकान है और हाइब्रिडाइजेशन में एंगल की जरूरत पड़ती है सो दैट्स वाई हमको एस तो खाली करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए इधर भेजा दस हो गया बात खत्म हमने एस पी थ्री ले लिया दिस इज नॉट ट्रांसफर रूल ये दिस इज नॉट ट्रांसफर रूल आप एस के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बोल सकते हो ट्रांसफर रूल आगे आएगा राजा रुक जा क्या आप इसका आंसर समझ सकते हो एफ ई सी ओ फाइव जल्दी बताओ एफ ई सी ओ फाइव देख इसमें भी आयरन जो है वो ज़ीरो में हो गया इसमें भी जो आयरन है वो कहाँ हो गया जीरो में हो गया अंदर भी जीरो सब जीरो आयरन अगर जीरो में है तो थ्री डी सिक्स फोर एस टू होगा एस के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे कहीं पे तो लेकिन हमको तो एस खाली चाहिए तो वो एस के इलेक्ट्रॉन इधर दूंगा तो मैं थ्री डी एस फोर एस जीरो कर दूंगा जब मैं थ्री डी एट को भरूंगा तो कैसा भरूंगा एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अभी भी मेरे पास दो अनपेयर्ड तो तब भी आएंगे मैं एस के दो इलेक्ट्रॉन अंदर डाल भी दूंगा तो दो अनपेयर्ड आएंगे एंड सी ओ इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी तो यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन को भी मैं वापस चिपका सकता हूँ जब इन दो इलेक्ट्रॉन को मैं वापस चिपका दूंगा तो मेरे पास एक डब्बा खाली हो जाएगा एक डब्बा ये खाली हो गया और ये सारे डब्बे खाली हो गए नाम हो गया डी एस पी थ्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एन ए जीरो डाया मैग्नेटिक इनर और बाइटल लो स्पिन और बाइटल ये आपका पांच कोऑर्डिनेशन नंबर वाला केस है जल्दी से इसको समझ लो मैं एक मिनट के लिए बैठ रहा हूं सिर्फ हाँ भाई चले आगे बोलो यार चले बेटा चले ओके ओके गुड 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 चल चलते चलते हैं बेटा चलते हैं एक स्पेशल केस और देखो फिर आगे फटाफट फटाफट जुगाड़ वाली चीजें करके खत्म करेंगे फिर सी शुरू करेंगे है ना और फिर सवाल करेंगे सी के बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं सी एफ के बाद सिर्फ एक आइसोमेरिज्म एक जो है वो बड़ा टॉपिक बचेगा आइसोमेरिज्म में जो सवाल है वो डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा उससे हो जाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं है एफ ई एच टू ओ फाइव एनओ ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने देखा था इसमें आयरन प्लस वन में होता है जब आयरन प्लस वन में होगा तो थ्री डी सिक्स फोर एस वन होगा आयरन प्लस आयरन जीरो में थ्री डी सिक्स फोर एस टू होता है प्लस वन में एक यहाँ से चला जाएगा तो थ्री डी सिक्स फोर एस वन बचेगा बट हमको तो एस खाली चाहिए एस खाली चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अंदर कर दो ये हो गया थ्री डी सेवन अब ये क्या हो गया थ्री डी सेवन ये थ्री डी ये फोर एस ये फोर पी और ये फोर डी है ना क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया पहली चीज़ प्लस वन में ये फोर एस वन हुआ वो एक इलेक्ट्रॉन भी अंदर गया तो थ्री डी सेवन फोरेस्ट जीरो हो गया हमको एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर वीक लिगेंड है ये सारे के दोनों के दोनों क्या है वीक लिगेंड एच टू तो ऑक्सीजन डोनर है वीक हो गया किसी कैटाइन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाए तो वो कभी भी स्ट्रांग लिगेंड नहीं होगा एनो स्ट्रांग लिगेंड होगा बट एनो प्लस कभी भी स्ट्रांग लिगेंड नहीं होगा तो ये वीक लिगेंड है यहां पेयरिंग नहीं हो सकती अब जब पेयरिंग नहीं हो सकती तो इनको छोड़ दो यार एज इट इज जैसा है वैसा छोड़ दो तो यहां से आपको चाहिए कितने आपको चाहिए डब्बे पांच इसके और एक इसके लिए तो एक दो तीन चार पांच छ हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस डू फिर एसपी थ्री डी टू इज इज इक्वल टू थ्री देखो तीन पहले थे अभी भी तीन है पैरामैग्नेटिक बोल देंगे इसको हम क्लियर है भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स चलिए आइए जुगाड़ जिस जुगाड़ का इंतजार था उसको समझते हैं देख बेटा यहां समझ बात को कि ये रहा एक दो तीन चार डी अगर मैं डी में अगर मैं डी में अगर मैं डी में एक इलेक्ट्रॉन भरूं, यानी कि डी वन सिस्टम अगर हो तो मेरे पास एक डब्बा दो डब्बा तीन डब्बा चार डब्बा खाली पड़े तो मुझे पेरिंग करनी है नहीं करनी है फर्क ही नहीं पड़ता ना यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चार डब्बे तो पहले से खाली पड़े हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता सब अंदर आएंगे सबके सब अंदर आएंगे और अंदर वाला और बाइटल होता है बेटा डी टू डी टू एस पी थ्री ऑलवेज जुगाड़ सीधा जुगाड़ अगर आप डी वन है ना डी वन देखो D2 देखो अभी भी तीन डब्बे खाली हैं, D3 देखो अभी भी दो डब्बे खाली है अरे हमको मिनिमम D के तो दो ही डब्बे चाहिए ना तो हमको डब्बे कितने चाहिए दो तो चाहे D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिगेंड है तो हम देखेंगे ही नहीं कि पेरिंग होगी नहीं होगी फर्क ही नहीं पड़ता हमको ऑलवेज दो डब्बे तो खाली मिल ही जाएंगे ऑलवेज डी पी थ्री ऑलवेज इनर ऑलवेज पैरा मैग्नेटिक बिकॉज जो डी वन होगा वो वन पॉइंट समथिंग होगा जो टू डी टू होगा वो टू पॉइंट समथिंग होगा और जो थ्री होगा वो थ्री पॉइंट समथिंग होगा इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर कोई भी असर नहीं आएगा बात समझ आई ऑलवेज ऑक्टाहीड्रल ऑक्टाहीड्रल ठीक है बट ऑक्टाहीड्रल तो बाहर वाला भी होता है ये भी ऑक्टाहीड्रल है बेटा देख अगर D8 है D9 है D10 है अब ध्यान से सुनना बेटा अगर 8, 9, 10 हैं, तो देख एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तुम इन दो की पेयरिंग करवा भी दोगे तो डब्बा होगा खाली एक और एक डब्बा नहीं चाहिए हमको D के दो डब्बे चाहिए एक साथ तो इसलिए D8 आठ वाला अगर कोऑर्डिनेशन नंबर छ के साथ हो D8 D8 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर छ के साथ हो तो हमको पेरिंग करवा के भी कुछ नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे पेरिंग करवा के क्योंकि एक डब्बा खाली करोगे मतलब नहीं उसका D9 नाइन हो गया कोई मतलब नहीं है डी टेन हो गया तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है यानी आठ नौ दस में अगर छिगेंट्स आ रहे हो आठ नौ दस में अगर छिगेंट्स आ रहे हो तो चाहे स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो ऑलवेज आउटर होगा ऑलवेज आउटर होगा और इसमें इसमें ये दो तो पैरा मैग्नेटिक होंगे आठ वाला पैरा होगा जिसमें दो अनपेड होंगे नो वाले में एक होगा पैरा मैग्नेटिक दस वाले में तो कुछ भी नहीं बचेगा तो वो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा यस yes, ये जुगाड़ सिर्फ ऑक्टा हेड्रल के लिए है अदिति कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स लिखा है अधिति कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स लिखा है अधिति अदिति कभी कभी अदिति हाँ अदिति देख छह कोऑर्डिनेशन नंबर है देख देख अदिति ये डी टू एस पी थ्री है देख अदिति ये एस पी थ्री डी टू है अदिति अदिति देख अदिति कोऑर्डिनेशन नंबर छे है तो ये तो ऑक्टाहेड्रल होगा ना बेटा मीडियम जहरीली बच्ची नाम देख रहे हो कि इसने लोगों को मारा नहीं है तड़फाया है मीडियम जहरीली है एक होता है कि प्रो लेवल जहरीली यानी कि इसने मारा नहीं है इसने सिर्फ मुंह में से जाग निकाले हैं लोगों के ये मीडियम जहरीली है ठीक है बहुत तगड़ी इसकी जो लीथल डोज हैं वो ज्यादा है किसी इसकी लीथल डोज थोड़ी सी ज्यादा है मीडियम जहरीली है एक होता है जिसकी लिथल डोज बहुत कम होती है वो तुरंत टपका देता है लिथल डोज बहुत कम होती है ना वो जहर सबसे अच्छा होता है ये मीडियम जहरीली है तो इसकी लिथल डोज बहुत ज्यादा चली चली चलिए मोहित जी पीवाई क्यों करवाएं मोहित जी पीवाई क्यों करवाएं।, करवाएं अरे भाई करवा देंगे है हाँ भैया कबूतर उड़ जाएगा भैया करवा देंगे हैं ट्रांसफ़र रूल की बात करते हैं आगे चलते हैं ट्रांसफ़र रूल ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें स्पेशल केस देखा जाएगा और उस स्पेशल केस में ये देखा जाएगा कि अगर ज़रूरत हुई तो ओनली ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स बट इन प्रेजेंस ऑफ ओनली स्ट्रॉन्गली गैंड ओनली जरूरत पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले डब्बे में शिफ्ट किया जा सकता है कभी कोई तुम्हारी आंखों में चुभ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो मेरे दो डब्बे खाली हो जाएंगे यार उस केस में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा जा सकता है बट इट इज पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड इट इज पॉसिबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन आप ऐसा नहीं है कि सब हो मेरी आंखों में सारे बाहर आ जाओ खाली करो ऐसा नहीं है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज हायर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे भेजने पर पैसा लगता है पैसा जैसे ये देख, ये देख रहा कोबाल्ट अगर प्लस दो में है और साइनाइड है तो कॉम्प्लेक्स बनता है सीओ सी एन सिक्स क्या बनेगा सीओ सी एन सिक्स क्या बनेगा सीओ सी एन सिक्स और माइनस फोर क्या बनेगा सीओ सी एन सिक्स माइनस फोर कोबाल्ट प्लस टू में क्या होता है बेटा थ्री डी सेवन होता है क्या होता है थ्री डी सेवन अब थ्री डी सेवन में एक दो तीन चार पांच छ सात राइट कितने अनपेड बचे एक दो तीन अगर तुम दो की पेरिंग करवाते हो तो एक डब्बा खाली हो जाता है हो गया लेकिन एक तुम्हारी आंखों में तब भी चुभेगा तो एक काम करो इस एक इलेक्ट्रॉन को तुम यहां भेज सकते हो क्या ट्रांसफर रूल ये कहलाता है ट्रांसफर रूल इस एक इलेक्ट्रॉन को तुमने कहा भेज दिया बाहर भेज दिया तो अब बचे अंदर सिर्फ छे छे बचे अब तुम इन दोनों को पेरिंग करवा दो करवा दी दो डब्बे खाली हो गए तुम अब ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हो विच इज डी टू एस पी थ्री ओक्टा क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यस कितना है एक ठीक है क्या यह पैरा है या डाया है पैरा है क्या हो जाएगा यह पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा इसको बोलते हैं ट्रांसफर रूल सर ऐसा ट्रांसफर रूल किसके लिए लगेगा सिर्फ बेटा जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसी के लिए सोचो जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है इसके लिए सोचो क्योंकि स्पेशल कॉम्प्लेक्स है और मेन एग्जाम में पूछे जाते टाइप है ना मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ये वाले कॉम्प्लेक्स थोड़ा ध्यान रखना इसका, CO, CN6, अगर प्लस टू में तो थ्री डी सेवन है थ्री डी सेवन में तीन अनपेड बचते हैं दो की तुम पेयरिंग कराओगे तो एक तुम्हारी आंखों में चुभेगा उसको बाहर फेंक दो तुम्हारे दो डब्बे खाली हो जाएंगे ये लोग डी टू एस पी थ्री ओक्टा एन इज इक्वल टू वन पैरा मैग्नेटिक होगा बट सर फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं आएगा आएगा ना बेटा वो लिखा है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैंने पैरा मैग्नेटिक लिखा है ना राजा लिखा है चचा लिखा है लिखा है लिखा है देख आया है पैरा मैग्नेटिक क्यों बोल रहा हूं मैं इसको लिखा है क्या ऐसा और कहीं हो सकता है देख कॉपर अगर प्लस दो में है और चार अमोनिया है सेम जिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैं बता रहा हूं बस उसी के लिए देखिएगा अदरवाइज आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है जिन कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बता रहा हूं बस उन्हीं के लिए देखिएगा कॉपर प्लस टू और सी यू एन एस थ्री फोर टू टू प्लस ये हो गया देखो कॉपर में थ्री डी नाइन है बेटा थ्री डी नाइन है कैसे भरेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये एक इलेक्ट्रॉन आपकी आंखों में चुभेगा इसको आप क्या कर सकते हो यहां पे ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो तो आपका जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया एक डब्बा खाली हो गया अब आप इसको क्या बोल सकते हो डी एस पी टू आप इसको क्या बोल सकते हो स्क्वायर प्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पेक् कॉम्प्लेक्स हैं आई आई टी जई मेन्स तो इस कॉम्प्लेक्स को हर बार देता है नीट भी पता नहीं क्या दे दे हर बार है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है ये पेरा होगा ट्रांसफ़र रूल लग गया बेटा कौन सा रूल लग गया इसमें भी ट्रांसफ़र रूल तो मैंने आपको ट्रांसफ़र रूल दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ाया है मैंने आपको ट्रांसफर रूल कितने कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ाया बेटा दो कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ाया है अन दोनों कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं स्पेशल केस एक और अगर निकल प्लस फोर में है और उसके बाद अगर उसके पास फ्लोराइड आयन है, है ना मैं आपको एक काम करता हूं निकल प्लस फोर छोड़ो मैं आपको लिख देता हूं अगर M प्लस फोर है तो इनके साथ ऑल लिगेंड्स वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर मेटल प्लस चार में है तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं बेटा मेटल प्लस चार है तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं हालांकि मैंने ये रूल जो है वो एन प्लस के लिए ही लिखा है हालांकि ये मैंने ये स्ट्रेंथ रूल है क्या कहलाता है बेटा ये स्ट्रेंथ रूल एन आई प्लस फोर एफ माइनस होना चाहिए था फ्लोरीन हो जाएगा क्या क्या हो सकता है जैसे एन आई एफ सिक्स टू माइनस है ना ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें फ्लोरिन स्ट्रॉन्ग लिगेंट की तरह काम करेगा कोबाल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये नीट लेवल पे आ जाता है बेटा ये नीट लेवल पे आ जाता है कि कोबाल्ट अगर प्लस तीन में है तो ऑक्सीजन डोनर होना तो चाहिए था वीक लिगेंड ऑक्सीजन डोनर क्या होता है वीक लिगेंड होता है लेकिन हो जाएगा क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंट जैसे सी हो गया ओ हो गया ओ हो गया और यहां पर आपने लिख दिया इसकी वजह से ये माइनस हो गया है ना जैसे या और लिख सकते हो सी ओ एच टू ओ सिक्स और बाहर लिख दिया आपने थ्री प्लस इन दोनों में कोबाल्ट प्लस तीन में है ऑक्सीजन डोनर है इसमें भी ऑक्सीजन डोनर है तो ये क्या कहलाएगा आपका कोबाल्ट प्लस तीन में आ रहा है इन दोनों में कोबाल्ट प्लस तीन में आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन डोनर को भी स्ट्रोंग माना जाएगा और एच टू ओ मतलब ऑक्सीजन डोनर इन दोनों में स्ट्रोंग लिगेंड की तरह काम करेंगे एक्स ऑक्लेटो और एच टू ओ दोनों ही क्या काम करेंगे बेटा स्ट्रांग लिगेंड की तरह काम करता है कितना देर चलेगा सीओ सबके साथ स्ट्रोंग लिखे नारे पगले कोबाल्ट प्लस तीन ध्यान रखना बाकी कहीं इधर उधर से पढ़ के आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जा दुनिया पूरा केमिस्ट्री भी पढ़ाती है यस फोर डी फाइव डी के सीरीज का मेटल होगा फोर डी फाइव डी सीरीज का कोई भी मेटल होगा तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्ट और तो ट्रांसफर रूल कैसे लगेगा एक सेकेंड हा हाँ भाई चले आगे एक्चुअली वीडियो एक बार के लिए रुका था राइट अभी वापस चल गया है देखते फोर डी फाइव डी सीरीज का कोई भी एलिमेंट है किसी भी लिगेंड्स के साथ वो वीक लिगेंड नहीं होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा क्योंकि वो मेटल जेड इफेक्टिव की वजह से बहुत पावरफुल हो जाता है क्रोमियम प्लस टू मैगनीस प्लस टू आयरन प्लस टू एंड कोबाल्ट प्लस टू अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगे मतलब अमोनिया उनके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा वीक लिगेंड की तरह काम करेगा किस किस के साथ वापस देख लो सी आर प्लस टू मैगनीस प्लस टू एफ टू सीओ प्लस टू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं आपके कॉन्फिग config... मतलब आपको सवाल करते टाइम अगर कोई आपका सवाल गलत होता है ना तो इसका मतलब है आप यहां से दिक्कत करोगे क्योंकि ये स्पेशल केस हो गए अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और आपका सवाल गलत हो रहा है आपको सब आ रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक कंपाउंड आपका गलत हो रहा है कॉम्प्लेक्स गलत हो रहा है तो उसका रीजन हो सकता है कि आपने इन स्पेशल केसेस पे ध्यान ना दिया हो तो पहले ही बोल रहा हूं इन स्पेशल केसेस पे पहले ही ध्यान दे देना बेटा लफड़ा पड़ जाएगा नहीं तो चलो अब आपको करना क्या है वो देख लो आपको होमवर्क दे रहा हूं बहुत बड़ा होमवर्क है हालांकि लेकिन वो मैं इसलिए बड़ा नहीं मान रहा हूं क्योंकि ये 20 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा और इन 20 सवालों के सॉल्यूशंस भी साथ में दे रहा हूं इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें एंड जहां पे आप गलती करोगे वो हिंट भी दे रहा हूं जहां पे आप गलती करोगे वो हिंट भी दे रहा हूं जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ये मैंने करवा दिया ये मैंने करवा दिया ये मैंने करवा दिया ये 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 हम कर चुके हैं ये न, ये हम कर चुके हैं है ना तो मैं जो जिस पर राइट लगा रहा हूँ वो तो हम कर चुके हैं एन आई सी ओ फोर हम कर चुके हैं ये हम कर चुके हैं उस केस में जिसमें बताता है कि पेयरिंग कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है एन आई सी एन फोर कर चुके हैं एन आई सी एल फोर कर चुके हैं है ना ये हम कर चुके हैं कॉपर का ट्रांसफर रूल वाला कर चुके हैं हम कॉपर का ट्रांसफर रूल वाला कर चुके हैं और हम कौन सा कर चुके हैं मैं बता देता हूँ जो एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं है

ऐसा नहीं है कि आंसर लिखना है आपको मेहनत करनी है करनी पड़ेगी वरना मज़ा नहीं आएगा आपको ये सवाल करने पड़ेंगे इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि कितना क्या आ रहा है और अच्छी बात यह है कि मैं आपको इनके आंसर लिख के दे रहा हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि गलती कहाँ है ये आंसर जब तक नहीं आ जाए करते रहिएगा यही आंसर सही है नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टल फील्ड थेरी क्रिस्टल फील्ड थेरी यस क्रिस्टल फील्ड थेरी की बात करते हैं पहली चीज CFT बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच रखती है विबीटी से विबीटी जो है वो कंप्लीटली बॉन्डिंग वॉन्डिंग ओवरलैपिंग और इन सब की बातें करती है सी कहता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो अप्रोच है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक अप्रोच है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टेटिक मॉडल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टेटिक मॉडल कंसिडर मेटल कैटायन एज ए ये क्या करता है मेटल कैटायन को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मानता है और लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानता है अब लिगेंड दो तरह के हो सकते हैं लिगेंड्स जो हैं वो मेजरली दो तरह के हो सकते हैं एक तो हो सकता है, तो है एनाइनिक और एक होता है न्यूट्रल एक क्या होता है न्यूट्रल जो एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं जो एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं वो पॉइंट वो तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह काम ही कर जाएंगे ठीक है वो तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह काम ही कर जाएंगे जो न्यूट्रल होता है वो पॉइंट डायपोल की तरह काम करेंगे hmm. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ अमोनिया ले लूँ तो इसका लोन पेयर यहाँ है ये एच ये एच ये एच इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगा तो इसका मतलब है इस पर पार्शियल नेगेटिव इस तरफ आएगा तो ये पार्शियल नेगेटिव वाला हिस्सा ही पॉइंट नेगेटिव की तरह काम करेगा वहाँ कंप्लीट नेगेटिव मिलेगा क्योंकि वो एनाइनिक लिगेंड होगा अगर कोई लिगेंड न्यूट्रल है तो वो पॉइंट डाइपोल की तरह काम करेगा बेटा यानी कि न्यूट्रल वाले पर आपको कंप्लीट माइनस चार्ज देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ वो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसीलिए वो माइनस पार्शल माइनस का काम तो करेगा पार्शल नेगेटिव का काम तो वो करेगा बेटा सर ऑक्जेलेटो में अगर स्ट्रॉन्ग बेटा ट्रांसफर रूल जिन दो कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ाया है इसके अलावा उसके बाद किस उसके बाद किसी से भी मत पड़िएगा ठीक है जो दो कॉम्प्लेक्स मैंने बताए हैं COCN64- सी एन सिक्स फोर माइनस एंड सी यू एन एस थ्री टू प्लस इसके अलावा आपको किसी के लिए भी ट्रांसफर रूल सोचने की जरूरत नहीं है सुन रहे हो अपना दिमाग ना लगाएं, अपना दिमाग मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद लगाएं, जिस भी काम में तो ये कहता है कि भैया मेटल और लिगेंड के बीच में प्लस माइनस का रिलेशन है मेटल को हम प्लस मानेंगे लिगेंड को हम माइनस मानेंगे लेकिन लिगेंड तो माइनस हुआ प्योर माइनस हुआ तो माइनस मान ही लेंगे लेकिन अगर लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो क्या करेंगे लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो क्या करेंगे तो फिर हम उसको पॉइंट डाइपोल मानेंगे क्या मानेंगे बेटा उसको पॉइंट डाइपोल अब बात है कि जब लिगेंड मेटल के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन लाता है और इलेक्ट्रॉन लाएगा तो मेटल के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे रिपल्शन करेंगे रिपल्शन करने की वजह से एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी अगर ये एनर्जी बराबर तरीके से बढ़ती तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन ये एनर्जी जो है वो बराबर तरीके से नहीं बढ़ती अनसिमेट्रिकल तरीके से बढ़ती हैं और अनसिमेट्रिकल तरीके से अगर बढ़ेगी तो कुछ की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी और कुछ की कम बढ़ेगी अगर कुछ की ज्यादा बढ़ेगी और कुछ की कम बढ़ेगी तो इसका मतलब है एनर्जी का गैप आएगा उसी एनर्जी के गैप को बोला जाता है बेटा स्प्लिटिंग क्या बोला जाता है उसको स्प्लिटिंग तो लिखा हुआ है वेन लिगेंड अप्रोचेस मेटल आयन एनर्जी ऑफ डी और इनक्रीजेस ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रिपल्शन ऑफ ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिपल्शन भी बराबर अगर होता तो सारे डब्बों में रिपल्शन बराबर होता लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि रिपल्शन जो है वो बराबर नहीं होता इसीलिए डब्बे टूट जाते हैं पांच डब्बे होते हैं बेटा डी के है ना पांच डब्बे होते हैं किसके डी के पांच डब्बे डी के होते हैं अगर पांचों की एनर्जी बराबर बढ़ती तो पांचों की एनर्जी बराबर ही रहती यहां होती फिर यहां जाती लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पांच में से कुछ की एनर्जी ज्यादा बढ़ती और कुछ की कम बढ़ती है तो इसका मतलब हुआ कि वो पांच एक एनर्जी पे नहीं रहेंगे स्प्लिट हो जाएंगे टूट जाएंगे दो पार्ट में टूट जाएंगे ये स्प्लिटिंग टाइप ऑफ लिगेंड पर और टाइप ऑफ अटैक पर डिपेंड करती है यहां अगले वाले में आपको ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं ये ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं आपको पता है कि दो डी ऑर्बिटल्स एक्सियल होते हैं और तीन ऑर्बिटल्स बिटवीन एक्सिस होते हैं ये शायद इससे बेसिक चीज तो कुछ भी नहीं होगी आज के इस चैप्टर में और आपको ये चीज पता होगी कि बेसिक जो है वो यही कहलाता है आपने इन ऑर्बिटल्स को पहले ही पढ़ रखा होगा आपने इन ऑर्बिटल्स को पहले ही पढ़ रखा होगा डी ऑर्बिटल्स पांच डब्बे होते हैं डी के कितने डब्बे होते हैं बेटा पांच डब्बे होते हैं डी के कितने डब्बे होते हैं पांच अब पांच डब्बों में से पांच डब्बों में से अगर हम बात करें पांच डब्बों में से अगर हम बात करें तो दो डब्बे एक्सीएल हैं और तीन डब्बे क्या हैं बिटवीन एक्सिस हैं तो एक काम करते हैं इनको देख लो अच्छे से फिर हम ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग समझते हैं देख लिया आपने इनको आगे बढ़ सकता हूं ये तो मेरे ख्याल से आप बहुत डे वन से जानते हैं है ना ये तो सबको पता होगा ये तो सबको पता होगा ना बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ी हुई बात होगी आगे बढ़ते स्प्लिटिंग इन देखो सीएफटी को पढ़ना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सीएफटी के क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूंगा देख भाई ये पूरा डायग्राम है एनर्जी का और मेटल लिगेंड के डिस्टेंस का इधर से इधर जाने पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेटल लिगेंड की डिस्टेंस क्या हो रही है कम हो रही है देख सबसे पहले मेटल के पांच डब्बे बैठे थे मेटल के पांच डी डी के डब्बे डी जेड स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस तरह से पांचों डब्बे जो हैं वो बैठे थे इस वक्त तक मेटल को पता ही नहीं था कि उसके पास कोई लिगेंड भी आने वाला है यानी मेटल और लिगेंड की डिस्टेंस इस वक्त क्या थी इनफाइनाइट जिसको हमने बोला एवरेज एनर्जी ऑफ डी और बाइटल्स इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल दैट मींस मेटल इस वक्त नहीं जानता था कि उसको कोई लिगेंड अप्रोच करेगा यानी लिगेंड और मेटल के बीच में यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है इनफाइनाइट है फिर अगली स्टेप में अगले स्टेप में कुछ देर बाद जब लिगेंड थोड़े पास आए लिगेंड्स थोड़े पास आए तो मेटल के पांचों डब्बों को ऐसा लगा मेटल के पांचों डब्बों को ऐसा लगा कि सबके ऊपर बराबर लिगेंड्स आएंगे तो फिर सबको लगा कि सबका रिपल्शन बराबर होगा यानी सबके सब एक सबके सबकी एनर्जी बढ़ी और सबके सब इस लेवल पे आ गए सबके सब क्या आ गए इस लेवल पे आ गए क्योंकि ये वो कंडीशन है जिसमें एक इमेजनरी कंडीशन मानी जाती है और इसमें ये माना जाता है कि मेटल जो है मेटल रहा यहां आपका बीच में और इस मेटल को ये लग रहा है इस मेटल को ये लग रहा है इस मेटल के डी के डब्बों को ये लग रहा है कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो सब पर बराबर तरीके से अटैक करेंगे हर तरफ से अटैक करेंगे चारों तरफ से अटैक करेंगे स्पेरिकल होंगे गोल गोल एकदम सब जगह से अटैक करेंगे बराबर कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ेंगे कारण इस डिस्टेंस पर मेटल लिगेंड्स को काउंट नहीं कर पा रहा है जब बहुत सारे लोग जब लोग बहुत दूर हो यानी कि आपको दिख रहे हो कि कोई आ रहा है लेकिन उतनी डिस्टेंस हो कि आप काउंट नहीं कर पाओ मैं उसकी बात कर रहा हूं आपको लगे कि यार बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप आ रहा है आप काउंट नहीं करोगे वो आपको एक यूनिट के रूप में दिखाई देंगे आप बहुत दूर से लोगों को काउंट नहीं कर सकते आप जस्ट बोल सकते हो कि यार ना बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं आप बोल सकते हो कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप आ रहा है सेम कंडीशन इस मेटल को भी ऐसा लगा कि लिगेंड्स बहुत सारे आ रहे हैं तो इसको लगा कि हर तरफ अटैक होगा बराबर अटैक होगा तो इन सबको बराबर खुशी हुई इन सबको बराबर रिपल्शन फील हुआ और ये सब के सब बराबर तरीके से ऊपर आ गए लेकिन जब लिगेंड्स और पास आए हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की इसका मतलब है लिगेंड्स कितने आए छ कितने लिगेंड्स आए बेटा छः लिगेंड्स। और ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में जो भी लिगेंड्स होते हैं वो या तो एक्स एक्सिस पर होंगे वाई पर होंगे या जेड पर होंगे यानी कि यह तय बात है कि ओक्टाहेड्रल में लिगेंड्स विल बी अटैक ऑन एक्सिस तो ओक्टाहेड्रल में अटैक एक्सिस से होता है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल सिस्टम इज जस्ट लाइक एक्स वाई जेड ये देख रहे हो आपको डायग्राम दिख रहा है एक्स एक्सिस तो ये भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये भी वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो ये भी जेड एक्सिस ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में एक्सिस पर अटैक होता है जब वो लिगेंड्स और पास आए तो इस मेटल के डब्बों को लगा कि ओ तेरी ये तो अलग अलग -その अटैक करेंगे बे एक्सिस पर अटैक कर रहे हैं क्या बोला एक्सिस पर अटैक कर रहे हैं एक्सिस पर अटैक कर रहे हैं तो एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी और एक्सिस वाले होते हैं दो डीजेड -डी डी -डी स्क्वायर और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस वाले कितने होते हैं दो, दो एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी एक्सिस वालों को रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा क्योंकि अटैक ही एक्सिस पर हो रहा है तो एक्सिस वालों को एक्सिस वालों पर अटैक होगा तो एक्सिस वालों की एनर्जी क्या होगी ज्यादा उनके रेस्पेक्ट में बिटवीन एक्सिस वालों की एनर्जी रह जाएगी कम तो फिर यहां जाकर स्प्लिटिंग हो गई यहां जाकर क्या हो गई स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग को बोला जाता है बेटा डेल्टा ओ ओ इज फॉर ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम ओ इज फॉर ये जो गैप हैं ये चाहे वीक लिगेंड अप्रोच करे चाहे स्ट्रोंग लिगेंड अप्रोच करे ये स्प्लिट तो होंगे हाँ ये तय बात है कि अगर लिगेंड वीक होगा तो इस गैप कम होगा और लिगेंड अगर स्ट्रोंग होगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा गैप ज्यादा होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये डब्बे टूट गए इन ऊपर वाले डब्बों को बोला गया बेटा इजी और इन नीचे वाले डब्बों को बोला गया टी टू जी क्या बोला गया इनको टी टू जी और इनको क्या बोला गया इजी ये नाम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बीच में एक बेरी सेंटर लिया जिस पर एनर्जी को हमने जीरो माना एनर्जी को जीरो माना उसके रेस्पेक्ट में ऊपर जो है वो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ है और नीचे जो है वो माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ है।, है ना जीरो से नीचे माइनस होगा जीरो से ऊपर प्लस होगा ये मैथ्स की लीनियर इक्वंस मैथ्स की लीनियर इक्वेशन से निकली हुई वैल्यूज हैं हमको उस इक्वेशन से मतलब नहीं है ना ही हमको उसमें टाइम खराब करना है हमको ये वैल्यूज तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी तो आपको ओक्टाहाइड्रल की स्प्लेटिंग में बस एक ही बात ध्यान रखनी है तीन नीचे और दो ऊपर जो दो ऊपर हैं वो एक्सील हैं, जो तीन नीचे हैं वो बिटवीन एक्सिस हैं इतनी सी बात आप याद रख लो आपके सारे सवाल हो जाएंगे आपको ये भी याद रखना है कि ऊपर वालों में 0.6 प्लस का होता है नीचे वाले में 0.4 डेल्टा ओ होता है ठीक है भाई अब हम इसको देखते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है है ना तो मैं लिख देता हूं कि जो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी एंड डेल्टा ओ इज लेस देन पी तो ये तो होता है वीक लिगेंड और ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना अभी हम इसको समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है एक मिनट में मैं आया हाँ भाई चलो तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीखते हैं है ना ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ओ इज जस्ट अबाउट स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है ना दो डब्बों के दो ऊपर तीन नीचे का बीच का गैप कहलाता है डेल्टा ओ और पेरिंग एनर्जी तो आप जानते ही हो पेरिंग एनर्जी होती अगर गैप ज्यादा है और पेरिंग एनर्जी कम है गैप ज्यादा है गैप ज्यादा है और पेरिंग एनर्जी कम है तो पेरिंग होना प्रिफर कर देंगे क्योंकि गैप ज्यादा होने का मतलब है इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है तो पेरिंग ईजीली हो जाएगी और जहां पेरिंग ईजीली हो जाती उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गली लिगेंड। अगर डेल्टा ओ कम है यानी कि गैप कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली चला जाएगा यानी पेयरिंग को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा एक दो तीन चार इधर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे डेल्टा ओ और पी डेल्टा ओ इज़ लेस देन पी तो फिर उसको बोलेंगे वीक लिगेंड अब बात को समझना मुझे पता है आपको अभी तक समझ नहीं आया है बट अब आ जाएगा अब क्यों आ जाएगा कि मेरे पास ये तीन डब्बे नीचे हैं और दो डब्बे ऊपर हैं मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच की गैप की इज डेल्टा ओ बात को समझना मेरी बात को अगर मुझे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो मैं इसको क्या लिखूंगा मैं इसको टी टू जी मैं इसको टी टू जी वन और ई जी जीरो ही लिखूंगा राइट मैं इसको टी टू जी वन और ई जी जीरो ही लिखूंगा अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो तो नीचे ही आएगा ना बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो तो नीचे ही आएगा अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो क्या फर्क पड़ता है टी टू जी टू और ए जी क्या हो जाएगा जीरो अगर तीन इलेक्ट्रॉन हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां आएगा टी टू जी फोर सॉरी टी टू जी थ्री टी टू जी थ्री और ए जी जीरो यानी वन टू थ्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है वन टू थ्री में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे जाएंगे पॉइंट यहां से बदलता है बात यहां आती है कि अगर अगर वीक लिगेंड है अगर वीक लिगेंड है बेटा ध्यान से सुनना अगर वीक लिगेंड है और मुझे चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं कैसे भरूंगा एक दो तीन और ऊपर चला जाऊंगा एक दो तीन यानी टी टू जी के बाद मैं मूव करूंगा eg पे टी टू जी के बाद मैं मूव कहां करूंगा इजी पे म्यूजिक कंपटीशन रखवा दीजिए सर आप ऊपर मत जाना ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द समय देख के दर्द समझ रहा हूं आइए D4 अगर वीक लिगेंड में भरना है तो वन टू थ्री फोर ऊपर जाएंगे देखो बेटा वीक लिगेंड होने का मतलब है वीक लिगेंड होने का मतलब क्या है ये गैप कम है यानी कि एक दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते हैं या तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है या चौथा इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है अगर चौथा इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है इसका मतलब है गैप कम है गैप कम है तभी तो ऊपर जा पा रहा है तो उसको बोलते हैं वीक लिगेंड डेल्टा ओ डेल्टा ओ यानी कि गैप जो है वो कम है पेरिंग एनर्जी से तो फिर पेरिंग के अगर देखो बेटा ऊपर जाने के भी पैसे लगते हैं और पेरिंग करवाने के भी पैसे लगते हैं अगर जो काम पांच रुपए में हो रहा है उसी काम के अगर हजार रुपए लग रहे हो तो फिर 500 वाला काम करेंगे पैसा देना ही है मैं मानता हूं ये देखो ये पान, ये हजार है ये 500 है यूं समझ लीजिए और ऊपर के केस में ये हजार है ये 500 है तो ऊपर जाने में हमारे पास ऊपर जाने में हमको पांच सौ रुपए देने हैं जबकि पेयरिंग करवाने में मुझे हजार रुपए देने हैं तो मैं ऊपर जाना प्रेफर करूंगा तो वीक लिगेंड के केस में ये गैप कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की सोच सकता है गैप कम है तो इजीली एक्साइट हो जाएगा तो d4 में क्या हो जाएगा बेटा D4 में अगर वीक लिगेंड होगा तो T2G तो थ्री ही रहेगा EG में एक हो गया रे राजा EG में एक हो गया लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये गैप ज्यादा होता वो देख स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये गैप ज्यादा होता गैप ज्यादा होता तो वो बेचारा एक दो तीन और चार यहीं पे आ जाता कह रहा मैं नहीं जा रहा यार ऊपर गैप ज़्यादा है मैं नहीं जा रहा पैसे लगते तो इसका मतलब है यही हो जाता टी और ई क्या हो जाता जीरो नीचे ही भर दू इसका मतलब है जब स्ट्रोंग लिगेंड था जुगाड़ देख ले बेटा वो सब तो ठीक है जुगाड़ देख ले जब स्ट्रोंग लिगेंड हुआ तो हमने टी टू जी के बाद वापस टी टू जी को ही प्रेफर किया यानी हमने एक दो तीन टी टू जी खत्म और उसके बाद हमने चार मतलब हमने फिर से टी टू जी ही प्रेफर किया यानी कि स्ट्रोंग लिगेंड में ऑल्टरनेट नहीं चलता रिपीटेड पाथवे चलता है टी टू जी के बाद हम टी टू जी में ही आते हैं और उसके बाद तो जगह बचेगी नहीं तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा ईजी एंड देन वापस ईजी लेकिन ligand में ऑल्टरनेट पाथवे होता है ऑल्टरनेट पाथवे होता है हमने एक दो तीन और उसके बाद चार डाला तो इसका मतलब है हम टी टू जी के बाद ईजी में गए हैं हम टी टू जी के बाद ईजी में गए हैं और ईजी के बाद वापस टी टू जी में आएंगे और फिर से ईजी में जाएंगे जुगाड़ है MDJ अगर इलेक्ट्रॉन भरना सीखना हो जुगाड़ है MDJ अगर इलेक्ट्रॉन भरना सीखना हो तो वीक लिगेंड में ऑल्टरनेट चलाओ और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में रिपीटेड चलाइए अपनी आंखों के सामने तीन डब्बे नीचे और दो डब्बे ऊपर लाइए तीन डब्बे नीचे दो डब्बे ऊपर लाइए अब मैंने आपको बोला चार इलेक्ट्रॉन भर ली मैंने आपको बोला चार इलेक्ट्रॉन भर ले आपकी आंखों के सामने तीन डब्बे नीचे दो डब्बे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं चार मैंने कहा वीक लिगेंड में भर तो आपके दिमाग में आया कि वीक लिगेंड में टी के बाद eg में जाता है तो आप क्या करोगे वन टू थ्री फोर तो लिख दोगे टी टू जी फोर थ्री मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में चार भर एक दो तीन और स्ट्रॉ लिगेंड में तो रिपीट करना है टी टू जी के बाद वापस टी टू जी आना है। एक दो तीन चार टी टू जी फोर जी जीरो ले। अगर मुझे पांच इलेक्ट्रॉन भरने, भरने हैं वीक लिगेंड में वीक लिगेंड में क्या होता है ऑल्टरनेट तो देखना एक दो तीन चार पांच हो गया क्या लिखूंगा टी टू जी थ्री टू अगर मुझे स्ट्रॉग लिगेंड yani में भरने हैं जुगाड़ लगा रिपीट कर एक दो तीन चार पांच यानी पांचों के पांचों नीचे क्या कर दे जीरो कर दे राजा छ में वीक लिगेंड लगा छ में वीक लिगेंड लगा तीन नीचे दो ऊपर अपने आंखों के सामने तीन डब्बे नीचे दो ऊपर लेके आ छे इलेक्ट्रॉन भरने हैं वीक लिगेंड में भर ऑल्टरनेट चला एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छह वापिस नीचे आना पड़ेगा क्या लिखेगा बता टी टू जी फोर टू को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भर छह लिगेंड को छ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अरे सबके सब नीचे आ गए टी टू जी सिक्स ई जी जीरो टी टू जी सिक्स जीरो जी जी ले सात 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 को वीक लिगेंड में भर ऑल्टरनेट चलाना वीक लिगेंड का मतलब ऑल्टरनेट है टी टू जी एजी टी टू जी ए जी ऐसे चलना है सात इलेक्ट्रॉन भरने देखता जा बेटा एक एक दो तीन चार पांच छ सात नीचे पांच ऊपर दो क्या लिखेगा टी टू जी फाइव ए जी टू हो गया सात स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सात भर आ एक दो तीन चार पांच छ ये तो पूरा भर गया तो अब ऊपर जाना ही पड़ेगा उसमें कौन सी बड़ी बात है तो ई जी वन कर दे क्या लिखेगा टी टू जी सिक्स ई जी वन बात समझ आई समझ आया जुगाड़ से कैसे निकालते हैं फटाफट फटाफट आंसर ठीक है फटाफट फटाफट देखिए अब D8, D9, D10 जिस तरह से वन टू थ्री में स्ट्रॉन्ग वीक का कोई असर नहीं है आठ नौ दस में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई असर नहीं है वीक का कैसे भी भर दे कैसे भी भर दे देख बताता हूं एक काम कर आठ इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहले ये वाला रास्ता चुन ले वीक लिगेंड वाला चुन ले एक दो तीन चार पांच छ सात आठ यानी नीचे छ ऊपर दो नीचे छ ऊपर दो टी टू जी सिक्स इजी टू। एक काम कर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी भर के देख ले एक दो तीन चार पांच छ सात आठ वही है सेम है इसीलिए बदलता ही नहीं है तभी तो लिखा मैंने दोनों में एक ही आएगा वही सेम चीज इसको भी क्या लिखेंगे टी टू जी सिक्स ई जी थ्री इसको भी क्या लिखेंगे टी टू जी सिक्स ई जी फोर ये ले करके देख लो ये सेम ही रहेगा आसान है बेटा एक कह रहा है एक बार फिर से बता दीजिए और कैसे बताऊं बेटा ठीक है पी ब्लॉक को लेके इतनी चिंता क्यों करते हो पढ़ा दूंगा ना बोल दिया तुमको पी ब्लॉक के सारे सवाल सही करवा दूंगा तुमसे बस बस एक शर्त है कि एन में एन के यूसेस और एप्लीकेशन पढ़ने पड़ेंगे वो पढ़ लोगे मेरे लिए ठीक है तो ये आपसे सी का कोई अगर सवाल आया तो वो यहां से आएगा बेटा बस एक ही चीज ध्यान रखना यूनिक केस है कैसे क्या करना है वो देख लेना फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग ये जो गैप है गैप डब्बों का जो गैप है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पहला आता है नेचर ऑफ लिगेंट्स बेसिकली एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है विच इज बेस्ड ऑन विच इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मेनली बेस्ड ऑन डोनर स्ट्रेंथ यह डोनर स्ट्रेंथ पर मेनली बेस्ड होती है किस पर बेस्ड होती है बेटा ये डोनर स्ट्रेंथ पर मेनली बेस्ड होती है और डोनर स्ट्रेंट आपको पता है कि कार्बन होता है डोनर स्ट्रेंट जो होता है वो क्या होता है कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन राइट right? तो आप देखो एक चीज को कि ये पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल इस सीरीज पे बनी हुई है कि ये कार्बन डोनर है और यहां तक जो है वो नाइट्रोजन डोनर है यहां तक जो है वो ऑक्सीजन डोनर है और यहां तक जो है वो हेलोजन है या सल्फर है है ना हेलोजन है या सल्फर है देखो बेटा एक चीज नोट करिए आपने एस सी एन में सल्फर डोनर है पीछे आ गया वीक लिगेंड है और उसी का एम्बिडेंटेड लिगेंड एन सी एस है इसमें नाइट्रोजन डोनर है तो ये आगे आ गया एन सी एस और एस सी एन को देख रहे हो सल्फर डोनर है तो पीछे चला गया NCS है तो आगे गया, आ गया सेम चीज है अगर आपको NO2 लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है तो यह तो वीक लिगेंड का काम करेगा जबकि यह स्ट्रॉन्ग का काम करेगा कारण यह है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, डोनर है ये नाइट्रोजन डोनर है दोनों में फर्क है इसीलिए एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में कई बार लिंकेज बदल जाने पर है ना लिंकेज बदल जाने पर उनकी स्ट्रेंथ बदल जाती है ठीक है भाई ठीक है इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है तो इस बात का ध्यान रख ले इस सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट सवाल इस सीरीज से आ चुका है बेटा फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग में यह भी डिपेंड करता है कि लिगेंड्स कितने हैं लिगेंड्स कितने हैं है ना लिगेंड्स कितने हैं तो ओक्टाहाड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल हेड्रल इज डाइ जो है वो इक्वल होता है नाइन बाई फोर डेल्टा टी इसको और डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है आइए इसको और डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ हटा दीजिए हम इसको आगे देख लेंगे इसको हम आगे देख लेंगे इसको यहाँ से हटा दीजिए दूसरे नंबर वाले को यहाँ से हटा दीजिए हम इसको आगे देख लेंगे ये फर्स्ट समझिए सेकेंड पर आप आइए नेचर ऑफ लिगेंट्स के बाद डिपेंड करता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल और सी कि मेटल पर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी मेटल पर चार्ज ज्यादा होगा तो गैप ज्यादा आएगा स्ट्रॉन्ग लिगे स्ट्रोंग मेटल होगा तो वो जो बीच का गैप है स्प्लिटिंग है वो क्या होगी ज्यादा होगी जैसे ये रहा प्लस तीन ये रहा प्लस तीन और ये रहा प्लस तीन और, और ये रहा प्लस दो तो फिर किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तीन की ज्यादा शर्त यह है कि लिगेंड्स सेम होने चाहिए मेटल सेम होना चाहिए ये लिगेंड साइनाइड है साइनाइड है मेटल आयरन है आयरन है तब हम ऐसा काम ऐसा कंपैरिजन कर पाते हैं जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो कुछ न कुछ वो हिंट देगा जिसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा जैसे अगर ये कंपैरिजन है तो अपने आप में ये हिंट है कि बेटा लिगेंड से आंसर तू नहीं दे सकता मेटल के डिफरेंट होने से आंसर तू नहीं दे सकता तो एक काम कर मेटल का चार्ज ढूंढ ले वहाँ से आंसर मिल जाएगा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन ऐसे सवाल आते नहीं है वैसे पर मैं करवा रहा हूं आपको जेड इफेक्टिव अगर चार्ज सेम हो देखो आयरन हो गया बेटा प्लस दो में आयरन हो गया प्लस दो में लिखा हुआ आयरन प्लस दो में रुथेनियम भी प्लस दो में है ऑस्मियम भी प्लस दो में है हमको पता है टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ता है किसमें टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ता है डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव बढ़ने पर भी स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो so स्प्लिटिंग को मतलब वो जो गैप है टी टू जी और ई जी के बीच में उसको और कौन बता सकता है जेड इफेक्टिव बता सकता है यानी कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चेक करें तो अगर वो 3D का मेटल है 4D का मेटल है 5D का मेटल है हमने 4D 5D के लिए लिखा भी है कि 4D 5D के साथ कोई भी लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 4D, 5D का जेड इफेक्टिव क्या होगा ज्यादा है नीतीश कुमार कह रहा है सर जी सो जाओ थक जाओगे कोई बात नहीं तुम्हारे लिए थक रहा हूं है ना बाकी तो हमको सोना ही है बेटा कोई बात नहीं है ना तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इससे स्प्लिटिंग देखो आयरन है रुथेनियम है ऑस्मिनियम है सब कुछ सेम है मेटल से, मेटल पर चार्ज सेम है लिगेंड्स सेम है लेकिन मेटल की पोजिशन अलग है एक थ्री सीरीज का मेटल है एक फोर का है फाइव का है तो इस वजह से इनका डिफेक्टिव क्या होगा बेटा ज्यादा होगा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसी और फैक्टर की तरफ और उसमें देखते हैं जोमेट्रिको को किसको देखते हैं बेटा को ये देख यहां पता लग गया हमको हमने जो चीज लिखी थी कि स्क्वायर प्लेनर में जो स्प्लिटिंग होती है ना बेटा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है हालांकि मैं आपको ऑर्डर लिखवा दूंगा स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर में जो गैप आता है ना डब्बों में वो सबसे ज्यादा आता है ओक्टाइड्रल में उससे कम आता है और टेट्राहेड्रल में सबसे कम आता है तो जोमेट्री भी बताती है कि गैप कितना होगा टेट्राहेड्रल है तो गैप कम होगा ऑक्टाहाड्रल है तो ज्यादा होगा स्क्वायर प्लेनर है तो सबसे ज्यादा होगा फिर इनके कुछ रिलेशन है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में रिलेशन होता है नाइन बाई फोर डेल्टा टी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इज डायरेक्ट इज इक्वल टू द नाइन बाई फोर डेल्टा टी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मुझे डेल्टा टी इज इक्वल टू निकालना है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा फोर बाई नाइन कर दूंगा फोर बाई डेल्टा ठीक है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में गैप ज्यादा आएगा तो फिर स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग है 1.33 डेल्टा ओ की 1.33 टाइम्स ज़्यादा होती है है स्क्वायर प्लेनर, एक पॉइंट की 1.33 गुना ज्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर में इतना ज्यादा होता है हालांकि ये रिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट ये वाला सवाल एनसीआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बताने की जरूरत नहीं है ये एस पी है तो टेट्रा हो गया ये dsp2 टू है तो ये ज्यादा होगा ऑब्वियसली ये एस पी थ्री है ये dsp2 टू है तो ये ज्यादा हो जाएगा सर ये dsp2 टू क्यों हुआ क्योंकि ये है फोर्टी फाइव डी सीरीज का मेटल है तो क्लोरीन विल बी एक्ट एज ए स्ट्रोंग लिगेंट चलिए आगे बढ़ते देखो ये रहा वो सवाल द सी एफ एस सी फॉर ओक्टा हेड्रल सी सी एल सिक्स फोर माइनस इज एटीन थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स द सी एफ एस सी फॉर द टेट्रा हेड्रल सी ओ सी एल फोर विल बी तो इसमें करना कुछ नहीं है डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है विच इज फोर बाई नाइन डेल्टा ओ अब आपको करना कुछ नहीं है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फोर बाई नाइन ये वैल्यू दी हुई है आपको एटीन थाउजेंड कर दो कितने हो गए दो हजार कितने हो गए एट थाउजेंड एन सी आर टी एग्जाम्पलर का सवाल है एट थाउजेंड सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा आंसर हो गया थर्ड आंसर कौन सा हो गया बेटा थर्ड रिलेशन से आपको ये वैल्यूज निकालनी है। ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू दी हुई है डेल्टा ओ इज इक्वल टू एटीन थाउजेंड आपको दिया हुआ है ये क्या है ये आपका ऑक्टाहेड्रल ये डेल्टा ओ दिया हुआ है आपको आगे चले भाई कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस इन ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल सिस्टम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्या तो उसका फॉर्मूला है यस yes, ये रहा उसका फॉर्मूला है ये रहा देखो बेटा मान लो d4 सिस्टम इन वीक लिगेंड d4 सिस्टम इन वीक लिगेंड भर के देख लेते हैं d4 को वीक लिगेंड में भरोगे तो क्या भरोगे टी टू जी थ्री इ जी वन भरोगे एक दो तीन चार ऐसे ही भरोगे तो आप फॉर्मूला लगा लो एन इज एन क्या होता है एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी एम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी डेल्टा ओ होता है स्प्लिटिंग एनर्जी पी होता है पेयरिंग एनर्जी और एक्स होता है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स ये एक्स जो है ये नंबर ऑफ न्यू पेयर्स है पेयरिंग एनर्जी क्वेश्चन में गिवन होगी नहीं है तो आप सिर्फ पी लिख के काम चला सकते हैं न्यू पेयर्स कैसे देखते हैं जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयरिंग होती है पेयर्स फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो हमेशा न्यू पेयर्स काउंट होंगे इन केस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग एनर्जी विल बी ऑलवेज जीरो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी हमेशा जीरो होगी यानी एक्स की वैल्यू आपको हमेशा जीरो रखनी है इन केस ऑफ वीक लिगेंड जब आप इसकी वैल्यू जीरो रखोगे तो आगे चाहे कितनी भी वैल्यू हो उसको जीरो होना तय है तो यहां पर मैं टी टू जी थ्री इजी वन कर देता हूं देखो बेटा तीन यहां है तीन माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ हो गया प्लस यहां पर हो गया वन है ना प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ और यहां हो गया जीरो यहां हो गया जीरो इंटू पी जीरो इंटू क्या हो गया p यहां क्या हो जाएगा जीरो इंटू पी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा ओ प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ प्लस जीरो क्योंकि जीरो जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा है ना ये क्या हो जाएगा ये तो म... ये मिलके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बोर्ड भी हैंग करने लग गया ये क्या हो जाएगा जीरो इसका मतलब तो जीरो हो गया इसका मतलब तो जीरो हो गया तो अब क्या करोगे माइनस का 1.2 है प्लस का 0.6 है तो माइनस का 0.6 डेल्टा ओ हो जाएगा ठीक है है ये आंसर आ गया जीरो पी है तो हम लिखेंगे ही नहीं ये आंसर आ गया आपका क्या आप इसी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में निकाल सकते हो क्या आप इसी को स्ट्रोंग लिगेंड में निकाल सकते हो देखो इसमें तो पेयरिंग एनर्जी जीरो ही माननी है क्योंकि पेयर बना ही नहीं लेकिन इसी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आइए लिगेंड में निकालना है तो कैसे निकालेंगे इन लिगेंड तो कैसे भरेगा देखो बेटा एक दो तीन चार चारों नीचे ही हैं तो क्या लिखोगे टी टू जी फोर ए जी जीरो देखना बेटा ध्यान से सुनना कि यहां पे लिख दिया मैंने चार माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ प्लस जीरो इंटू जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ प्लस एक्स मतलब वन पी एक पेयर बन रहा है तो वन पी लिखेंगे ये देख कितना हो गया फोर इंटू फोर माइनस वन पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ ये तो पूरा ही जीरो हो गया तो इसकी तो बात खत्म हो गई प्लस वन पी लिखेंगे इसको ये इसकी एनर्जी हो गई क्या हो गई इसकी एनर्जी होगी कैलकुलेशन कर लिया सर हमको न्यू पेयर और ओल्ड पेयर में समझ नहीं आ रहा देख बेटा मैं समझाता हूं तेरे को इस बात को यहां से समझ जाएगा तू मेरे को मान ले छ इलेक्ट्रॉन भरने हैं समझना मेरी बात को मेरे को क्या भरने छ इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भरूंगा एक मुझे मान ले ये वीक लिगेंड में भरने मुझे क्या भरने वीक लिगेंड में तो मैं भरूंगा एक दो तीन चार पांच छ पेरिंग मैंने नहीं करवाई ये पेरिंग मैंने नहीं करवाई क्योंकि यह तो होएगी, ये तो वीक लिगेंड तो में भी हो रही है तो यह न्यू पेयर कभी नहीं कहलाएगा लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भर दू डी सिक्स अगर मैं स्ट्रोंग लिगेंड में भर दू ध्यान से सुनना डी सिक्स अगर मैं स्ट्रोंग लिगेंड में भर दू तो एक दो तीन चार पांच छ अब मेरा सवाल पेयरिंग कितनी बोलोगे तीन या दो नए पेयर कितने बोलोगे तीन या दो न्यू पेयर्स कितने बोलोगे जल्दी बताओ न्यू पेयर्स न्यू पेयर्स कितने बोलोगे तीन या दो गुड 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 तीन देख बेटा तीन इसलिए नहीं बोलेंगे कि जब भी न्यू पेयर्स निकालने हो तो यह देख ले कि वीक लिगेंड में कोई पेयर बन रहा है क्या बाय डिफॉल्ट अगर वो बन रहा है तो उसको काउंट मत कर यानी कि टोटल तीन में से एक कम कर दे तीन में से एक कम कर दे कितना निकालेगा दो ही न्यू होंगे दो ही न्यू होंगे क्योंकि ये एक तो वीक में भी बन रहा था एक पेयर तो वीक में भी बनेगा अगर स्ट्रोंग लिगेंड नहीं भी आया ना तो भी एक पेयरिंग तो दिखाएगा वो तो इसीलिए हम न्यू पेयर कभी भी निकालेंगे ना तो न्यू पेयर आपको जब भी निकालना हो और कंफ्यूजन हो नीट ने इसका आंसर गलत दिया है मैं आपको फिर बता रहा हूं नीट ने इसका आंसर थ्री पी दिया हुआ है नीट में यह सवाल आया हुआ है और आंसर इसका थ्री पी दिया हुआ है नए पेयर उसने तीन पेयर जोड़ रखे हैं तीन पेयर नहीं होंगे दो ही पेयर नए होंगे साफ बोल रहा हूं मैं दो ही पेयर क्या होंगे दो ही पेयर नए होंगे दो ही पेयर नए होंगे बेटा क्या हो गया इसको दो ही पेयर क्या होंगे नए ये तीन पेयर नए नहीं होंगे बेटा दो ही पेयर नए होंगे तो नए पेयर निकालने का सीधा सीधा सा फंडा है आप वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए अगर वहां कोई पेयरिंग हो रही है तो वो बाई डिफॉल्ट है वो लिगेंड के इंफ्लुएंस से पेयरिंग नहीं हो रही है वो बाई डिफॉल्ट है तो अगर आपको स्ट्रॉग लिगेंड की पेयरिंग देखनी है और आपको नए पेयर ढूंढने हैं तो सिंपल सी बात है नए पेयर का सीधा सा फंडा है नंबर ऑफ पेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड माइनस नंबर ऑफ पेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड क्या बोल दिया मैंने नंबर ऑफ पेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड माइनस नंबर ऑफ पेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड वो किसके बराबर होगी न्यू पेयर्स के बराबर होगी बात समझ आई न्यू पेयर का मतलब क्या होता है न्यू पेयर्स न्यू पेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉग लिगेंड माइनस नंबर ऑफ पेयर्स इन वीक लिगेंड आप इसको माइनस करो वीक लिगेंड में से है ना वीकलीगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में से वीक लिगेंड के पेयर माइनस कर लो वो नए पेयर हो जाएंगे आपके अगर वीकलीगेंड में जीरो है तो जितना मान लीजिए एक बन रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एक बन रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में वीक लिगेंड में जीरो बन रहा है तो वन माइनस जीरो करोगे तो वन ही आएगा बेटा तो ठीक है वो नया ही है फिर यहां पर वीक लिगेंड में अभी डी सिक्स में देखा तीन बन रहे थे लेकिन वीक लिगेंड में एक बन रहा था तो बराबर कितना हो जाएगा हो जाएगा ये नए हो जाएंगे तो न्यू पेयर निकालने का जुगाड़ है ठीक है भाई नीट में तीन को करेक्ट किया था क्योंकि ऑप्शन में दो था ही नहीं ना तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना पड़ता है उनको वो मानते नहीं है ना इजीली अगर ऑप्शन में 2P होता 2P अगर ऑप्शन में 2P होता तो वो मान जाते लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था तो फिर उनको पक्की बात है कि अगर वो आपका आंसर मानते तो उनको बोनस करना पड़ता बोनस करने के लिए प्रोफेसर इतना जल्दी राजी नहीं होते बेटा तो इसीलिए उन्होंने आंसर अपना अड़ी करके आ, है ना मतलब एकदम कहते हैं कि अडिग हो गई बोले नहीं यही देंगे मोर अप्रोप्रिएट दो वाला नहीं है ना दो वाला होता तो हम आंसर बदल देते दो वाला था ही नहीं उस ऑप्शन में टू पी वाला तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो मोर अप्रोप्रिएट थ्री पी दे दो फिर इसके अलावा तो कोई आंसर वैसे भी मैच नहीं कर रहा चलिए अरे भाई वो अलग गेम खेलते हैं एनटीए वाले तुमको पता नहीं अभी ये देखो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग बता रहा हूं टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल का उल्टा कर दो सीधा जुगाड़ टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल का उल्टा कर दो जो डायग्राम ऑक्टाहेड्रल का था जिसमें तीन डब्बे नीचे और दो डब्बे ऊपर थे आप इसमें तीन डब्बे ऊपर और दो डब्बे नीचे कर दीजिए ऐसा क्यों इन टेट्राहेड्रल क्योंकि वो तो ऑक्टाहेड्रल था ऑक्टाहेड्रल में तो अटैक एक्सिस से होता है टेट्राहेड्रल में बिटवीन एक्सिस ऐसा होता है अटैक करते हैं कोई भी एक्सिस पे अटैक नहीं करता अरे भाई जब बिटवीन एक्सिस पे अटैक करते हैं तो बिटवीन एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा होगी उल्टा हो जाएगा जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल बिटवीन एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो ये तीन ऊपर आ गए दो नीचे चले गए तीन ऊपर आ गए तो जो माइनस जीरो पॉइंट फोर था वो अब प्लस जीरो पॉइंट फोर हो गया और माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नीचे आ गया ये देखो जस्ट उल्टा कर दीजिए वैल्यूज उल्टी कर दीजिए उनके साइन उल्टे कर दीजिए ये चार नीचे था माइनस था वो चार ऊपर कर दीजिए प्लस कर दीजिए क्योंकि वो अब जीरो से ऊपर चला गया और इनके नाम में से जी हटा दीजिए जी टेट्राहेड्रल को कोई भी जी नहीं बोलेगा नो no रेस्पेक्ट फॉर टेट्राहेड्रल, है ना ए e लिखिए टी टू लिखिए ए e लिखिए और टी टू लिखिए ठीक है और सबसे बड़ी बात इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका दो तरह का है ही नहीं एनसीआरटी ने लिखा कि टेट्राहेड्रल का एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इसमें रिपीटेड पैटर्न्स कभी नहीं आता लाइक like आप ऐसा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरोगे कि एक दो तीन चार कभी नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पाथवे से ही चलेगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस यानी कि ऑलवेज ऑलवेज देखो हमेशा इसका गैप क्या है कम है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज ऑलवेज ऑलवेज देन 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 रीजन है क्योंकि इसमें गैप हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम ही होगा रीजन क्या है ये गैप होगा ही कम अब जब गैप कम ही होगा तो इसको हमेशा ऑल्टरनेट पाथवे में ही भरना है इसमें कोई दूसरा पाथवे इसमें रिपीट करना ही नहीं है आपको फोर्सफुली पेरिंग होती ही नहीं है टेट्राहेड्रल सिस्टम में फोर्सफुली पेरिंग होती नहीं है एनसीआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि टेट्राहेड्रल में फोर्सफुली पेरिंग नहीं होती यानी कि ये जो गैप है ये पेयरिंग एनर्जी से हमेशा ही कम होता है अब जब गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जाके नीचे आएगा एक दो तीन चार पांच छह सात ऑलवेज ऑल्टरनेटिव चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो टेट्राहेड्रल का सिंगल पाथवे होता है एंड इज ऑल्टरनेटिव ओनली टेट्राहेड्रल हेड्रल सेलेबस में है यस बेटा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में जनता लाइव जनता जाती हुई है ना क्योंकि हथियार फेंक दिए हैं जनता ने उसको लग रहा है कि कुछ ना होने वाला भैया आया मैं एक मिनट में ना हाँ भाई हाँ भाई सेठ जी क्या हाल है बढ़िया बढ़िया चला आगे चला 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 देख भाई हाँ इसका डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट मैं कहूं कि स्क्वायर प्लेनर में क्रिस्टल फील्ड का कुछ दिया हुआ है क्या तो स्क्वायर प्लेनर में हमको कुछ नहीं दिया हुआ है मेरी मानो तो स्क्वायर प्लेनर में जो अटैक होता है ये सब डायग्राम वगैरह भूल जाओ छोड़ो उस सबको कोई काम का नहीं है बेटा स्क्वायर प्लेनर में अटैक एक्स वाई एक्सिस से होता है तो एक्स वाई वालों की एनर्जी बढ़ा दो क्योंकि एक्स वाई पर अटैक होगा तो एक्स वाई वालों का रिपल्शन ज्यादा होगा अब जरा देखो इस बात को जिनमें एक्स और वाई है जिनमें एक्स और वाई है उनकी एनर्जी मैक्सिमम कर दो कर दी प्योरली जिसमें एक्स और वाई है उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा आपसे कभी भी स्क्वायर प्लेनर पे सवाल पूछा जाएगा मेरा विश्वास रखो वो ये ऑर्डर होगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा ये डायग्राम वायग्राम समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है आप मेरी बात मानो इस ऑर्डर को समझो इस ऑर्डर को मैं इस डायरेक्ट बात से समझा सकता हूं कि स्क्वायर प्लेनर में अटैक एक्स वाई एक्सिस से होता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्स वाई वालों की एनर्जी ज्यादा होगी बेटा एक्स वाई सर क्वेश्चन भी करवाओगे क्या श्रेया शर्मा कह रही है अरे बेटा बिल्कुल करवाएंगे जेई मेंस 2023 के नए सवाल तो सबसे पहले करवाएंगे सबसे पहले उसके बाद पुराने वो तो आपने कर रखे होंगे ठीक है लेकिन वो भी करवाएंगे मेंस के नए सवाल पहले करवाएंगे है ना बेटा एक्स वाई वालों की एनर्जी को बढ़ा दो इन दोनों में एक्स और वाई है जिन जिन में जेड है उनको पीछे कर दो इसमें जेड है पीछे आ गया इसमें जेड है पीछे आ गया इसमें जेड है पीछे आ गया जेड वालों की कम कर दो अगर मेरी मानो तो ये ऑर्डर याद कर लो बाकी कोई मतलब नहीं है बेटा कोई मतलब नहीं है ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि कैसे क्या हो गया आपको समझना है समझ ली मैं नोट्स में छोड़ के चला जाऊंगा आपको समझिए समझना है तो समझ लीजिए मैं नोट्स में चला जाऊंगा नोट्स में छोड़ के चला जाऊंगा बट फाइनली आप यूं मान के चलिए इसको ऐसे समझिए एक ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है जिसमें से आपको जेड एक्सिस हटाना है तो बीच में बचा हुआ स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा तो पहले ऑक्टाहेड्रल सिस्टम ले लो ऐसा होता है जब आप जेड एक्सिस को हटाओगे तो जेड एक्सिस को दूर करोगे जब जेड एक्सिस को दूर करोगे तो फिर इन दोनों में भी स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगी विच इज नॉन एज एलोंगेटेड एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल यानी कि इसको जेड एक्सिस को खींच रहे हो तोड़ने के लिए ऐसे समझो दूर कर रहे हो जब जेड एक्सिस को दूर करोगे तो एक्स वाई वाला ऊपर और जेड नीचे हो जाएगा ये देखो इनमें भी स्प्लिटिंग हो गई फिर इनमें भी एलोंगेटेड में जेड वाला नीचे आ जाएगा और एक्स वाई वाला ऊपर चला जाएगा ये भी फिर से टूट गए फिर फाइनली जब Z एक्सिस पूरी तरह से हटा दिया तो एक्स वाई वाला ऊपर चला गया Z वाला नीचे आ गया इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आ गया तो फाइनली हमारे पास ऑर्डर क्या आया मैक्सिमम एनर्जी इसकी उसके बाद डीएक्स वाई उसके बाद डीजेड स्क्वायर उसके बाद ये दोनों हो गए इक्वल पे इक्वल पे हैं, इक्वल पे है ना ये दोनों इसलिए इक्वल लगा रखे सिर्फ ऑर्डर याद कीजिए विश्वास रखिए इसके अलावा आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा है ना क्योंकि ये है ही नहीं सिलेबस में नहीं है बेटा कुमकुम -कुम वर्मा कह रही है कुमकुम -कुम, कुम, कुम कम कम पढ़ू या कुमकुम पढ़ू समझ नहीं आ रहा सिर्फ ये ऑर्डर याद कर ले बेटा सिर्फ ये ऑर्डर इस बात से भी याद हो जाएगा कि जेड जेड वालों को पीछे कर दे ठीक है ये ले बस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं हालांकि इस बार ये जो आ, क्या बोलते हैं इस बार ये टॉपिक है लेटेस्ट एनसीईआरटी से हटा दिया गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का क्योंकि ये डेटा बेस्ड होता है ना बेसिकली तो फिर भी ठीक है पुराना है कर लेते हैं चार्ज ऑन मेटल मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ये रहा प्लस तीन ये रहा प्लस दो लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ये रहा ई एन ये रहा एफ ई एन इज मोर स्ट्रांग लिगेंड एफ इज वीकर लिगेंड तो ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया चिलेशन चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी आती है तो ये CO एच टू सिक्स है और ये CO थ्री है इसमें चिलेशन होगा इसमें चिलेशन नहीं होगा ये हटा दिया गया है ये टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला लेटेस्ट एनसीआरटी में ये टॉपिक है ही नहीं हटा दिया है हेलो एल्केन हेलो एरीन कब करवाओगे मैं थोड़ी करवाऊंगा बेटा कोई करवा देगा कॉम्प्लेक्स में कलर वाले सवाल जो हैं वो वैसे तो मतलब विबग्योर वाले उससे हो जाते हैं बट थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जनरली कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं कलर्ड होते हैं ड्यू टू डीडी डी डीडी ट्रांजिशन क्यों होता है क्योंकि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेज ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए समझा रहा हूँ यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा नाचे का डीडी ट्रांजिशन का मतलब होता है इधर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांजिशन करेगा तो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे जाएंगे हायर वाले वापस जब लोअर पे आएंगे तो एब्जॉर्प्शन इमिशन एब्जॉर्प्शन इमिशन एब्जॉर्प्शन इमिशन का एक स्पेक्ट्रा डेवलप होगा ये जो एनर्जी गैप है जनरली लाइज इन विजिबल रीजन दैट्स वाई कॉम्प्लेक्सेज आर कलर्ड ये जो गैप होता है ना टी टू जी ई का यह जनरली ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स के लिए विजिबल रीजन में आता है इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर होते हैं कलर्ड होते हैं D0 और D10 वालों में कलरलेस होता है यह मैं आपको D ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा कि D0 और D10 को हम कलरलेस मानते हैं जनरली क्योंकि वहां पर डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं पाता वहां पर डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता ठीक है भाई फिर आपको यह तो वैल्यू खैर यह चीज तो आपको पहले से पता है कि जो एनर्जी होती है और जो वेवलेंथ होती है एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है और यहां पर वेवलेंथ कौन सी है एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है तो न्यू होता है सी बाई लेमडा तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा एच और सी दोनों कांस्टेंट हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैमडा बस वही बता रहा हूं कि एनर्जी और एब्सॉर्ब वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं सर कार्बन डोनर और चिलेशन में किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा डेटा बेस्ड क्वेश्चन मत पूछ तू जो पूछ रहा है वो आयरन के साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स और आयरन का ऑक्जिलेटो के साथ कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है समझ रहा है मुझे तो पता भी है कि तू सवाल क्या पूछ रहा है एनसीआरटी ने तो उन उसका आंसर चिलेशन वाला दिया हुआ है अब क्या करेगा बता मैं जानता हूं कि आयरन का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल लेकिन एनसीआरटी एग्जाम्पलर में जाकर देखना उसका आंसर ऑक्सिलेटो वाला दिया हुआ है चिलेशन को दिया हुआ है कंट्रोवर्शियल है क्या कर सकते हैं आ जा बेटा मुझे तो सारी कॉन्ट्रोवर्सी पता है रे मैं तो अपना दस परसेंट पढ़ा रहा हूं यहां पे सिंपल सी बात है वरना तुमके कुछ तुम्हारे कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे फिर यू और फिर ऐसे हो जाएगा देख टी आई एच टू ओ सी एल थ्री H2O6Cl3 ये पर्पल कलर का होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में डीडी -डी ट्रांजिशन होता है क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाएगी लेकिन इसको अब तू तो हीट करेगा हीट करेगा तो पानी उड़ जाएगा तो ये नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा TiCl3 ये कलरलेस होता है क्योंकि ये अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ही नहीं तो इसमें लिगेंड वाला काम हुआ ही नहीं लिगेंड नहीं आया तो स्प्लिटिंग हुई नहीं ठीक है उसके बाद जैसे ये कॉपर सल्फेट सी यू एसओ फोर डॉट फाइव टू ओ ब्लू विट्रियोल बोलते हैं बेटा इसको इसका कलर होता है ब्लू ठीक है इसकी स्ट्रक्चर ये दी हुई है जिसमें दो ऑक्सीजन सॉरी चार एच टू ओ तो कॉर्डिनेटेड हैं और एक जो है वो एच बॉन्डेड है लिखा हुआ है आउट ऑफ फाइव एच टू ओ फोर आर कॉर्डिनेटेड एंड वन इज एच बॉन्डेड है ना तो ये चीज तो खैर हाइड्रोजन चैप्टर में दी हुई है ये चीज इसको जब हीट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा ये सिंपल सॉल्ट हो जाएगा इसमें कलरलेस हो जाएगा इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा आओ आगे ये सवाल करो ये सवाल देखो सीओ एप सिक्स थ्री माइनस वेवलेंथ एक काम करते हैं इसको लैमडा वन इसको लैम्ब्डा टू इसको लैमडा थ्री और इसको लेमडा फोर दे देते हैं हमको पता है कि एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ और एनर्जी का मतलब है एनर्जी का मतलब है एनर्जी मीन्स डेल्टा ठीक है स्प्लिटिंग एनर्जी एनर्जी मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स किस पर डिपेंड करेगी ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करेगी अब समझ बात को लिगेंड की स्ट्रेंथ से हमको एनर्जी पता चल जाएगी और एनर्जी पता चलेगी तो हम मेवल निकाल देंगे तो एक बात बता ये रहा फ्लोरीन ये रहा साइनाइड ये रहा इ एन ये रहा एच टू ओ पहली चीज क्या मैं एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकता हूं क्या मैं एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकता हूं यस और नो एनर्जी का ऑर्डर देख बेटा एनर्जी का ऑर्डर देख क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एनर्जी अगर ये E1 मान लू ये E2 मान लू ये E3 मान लू ये E4 मान लू तो मुझे बता एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका ई E2. E2 की एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि साइनाइड है उसके बाद E3 उसके बाद E4, उसके बाद E1, वन यह एनर्जी का ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब है कि इसका लैमडा सबसे कम हो गया इसका लैमडा उससे ज्यादा हो गया इसका लैमडा उससे ज्यादा हो, हो गया और इसका लैमडा सबसे वन वन का लैमडा सबसे ज्यादा हो गया hmm. एनर्जी और एब्जॉर्ब वेवलेंथ में क्या डिफरेंस होता है बात समझ आई या नहीं आई एनर्जी किससे देखते हैं लिगेंड की स्ट्रेंथ से देख ले क्योंकि एनर्जी का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी एनर्जी का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब है स्ट्रेंथ से देख ले स्ट्रेंथ ज्यादा तो गैप ज्यादा ये ले स्ट्रेंथ से देख ले ये देख एक पांच करोड़ में कितने जीरो होते है? बेटा मुझे तो पचास हजार के नहीं पता तो पांच करोड़ की पूछ रहा है देख कलर का सवाल कैसे करते हैं विबग्योर से करते हैं विब मतलब आप जानते हो ये चक्रा होता है है ना मैं तो ऐसा जानता हूं कि इसको एक यूनिट मानो दो छोड़ के कलर अगर कोई वॉयलेट इंडी को एब्जॉर्ब करता है तो येलो रिफ्लेक्ट करेगा वॉयलेट को एब्जॉर्ब करता है तो येलो रिफ्लेक्ट करेगा आप चाहो तो ये चक्कर चला लो आप चाहो तो दो छोड़ के कलर बना लो अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड रिफ्लेक्ट करेगा मेरे को ऐसे ठीक लगता है आपको ऐसे ठीक लगता है मैंने दोनों तरीके से बता दिए चाहे तो आप चक्कर चलाइए चाहे आप दो छोड़ के बता दीजिए एक ही बात है दो छोड़ के जो भी एब्जॉर्ब करेगा उसमें दो छोड़ के रिफ्लेक्ट करेगा और आप जानते हो कि विब ग्योर में लैमडा बढ़ता है और एनर्जी क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है जुगाड़ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है ध्यान रखना इस चीज को स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है बस अगर आपको यह पता है तो आप रिफ्लेक्टेड कलर का पता लगा सकते हो क्योंकि एब्जॉर्ब के सामने वाला रिफ्लेक्टेड होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी हाई उस तरफ होती है यानी यूं कह दूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो वेवलेंथ वाला कलर एब्जॉर्ब करता है भाई मैंने तो एनर्जी की बात करी है आप चाहो तो वेवलेंथ की भी बात कर सकते हो क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ तो उल्टा है अगर मैं हाई एनर्जी के कलर के लिए बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है वो लो वेवलेंथ वाला कलर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो उल्टा चलते हैं तीन बजे तक चैप्टर हो जाएगा क्या हाँ तीन बजे तक तो हो जाएगा जैसे अब आ जा तू कलर का कोई सवाल आएगा तो हम जरूर करेंगे बस वो विबग्योर से ही कलर देखना होता है एबजॉर्ब कलर और रिफ्लेक्टेड कलर को कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने से देख सकते हैं आपका सवाल हो जाएगा कलर वाले सवाल वैसे भी कम आते हैं क्योंकि और आते हैं तो वो उस विबग्योर से होने वाले ही आते हैं तो आप टेंशन ना लें कोई सवाल आएगा तो मैं जरूर कराऊंगा एन ऑफ एम इलेक्ट्रो एन होता है इफेक्टिव अटोमिक नंबर क्या होता है इफेक्टिव अटोमिक नंबर बेसिकली गए कितने मिले देखो गए कितने तो वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल दो अगर आयरन प्लस दो में है तो दो इलेक्ट्रॉन गए फिर उसके अगर छह लिगेंट्स आए उसके पास छह लिगेंड्स आए तो इसका मतलब है उसको दो इलेक्ट्रॉन तो गए लेकिन बारह इलेक्ट्रॉन नए आए क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन देते हैं एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेसिकली ये क्या है हिसाब किताब है इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब कितने गए और कितने आए गए हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल दो आए हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम है ना या यूं कह दो लिगेंड है ना लिगेंड लिगेंड से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन का हिसाब कहलाता है क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जैसे ये आप इसको यहाँ देखिए अपने आप समझ जाओगे इसी को सिजविक रूल भी कहते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के फोर एफ ई सी एन सिक्स सबसे सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहला काम है मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ इस आयरन का आयरन का जो जेड होता है वो होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गेंड लिगेंड्स यही होगा है ना? यही होगा भाई एन यही होता है ना अभी पीछे देखा था ई एन यही होता है अब देख इस बात को इसका आयरन का जेड कितना होता है 26 कितना होता है 26 माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो प्लस दो आएगी माइनस दो कर दे प्लस लिगेंड है सिक्स इंटू टू कर दे कितना हो जाएगा बारह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जरा देख इसका हिसाब निकाल कितना आया छब्बीस है ना कितना आया छब्बीस माइनस दो कितना हो गया ट्वेंटी फोर प्लस कितना हो गया बारह कितना हो जाएगा ये थर्टी सिक्स क्या ये ई एन रूल फॉलो करता है यस yes. देख कैसे जब कभी भी ई एन रूल फॉलो होगा कब होगा जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यानी ई ए एन की टोटल ऐसा नंबर आए ई एन की टोटल ऐसा नंबर आए जो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के क्या हो बेटा बराबर हो तब हम उसको बोलेंगे कि वो ई एन रूल फॉलो कर रहा है देख यहां 36 आ गया 36 होता है क्रिप्टन इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब है ये इसका मतलब है ये ई एन रूल क्या करेगा फॉलो करेगा ठीक है अभी देख इसमें और सिखाते हैं तेरे को एन आई ये फोर एन आई फोर जीरो में है तो मैं ये लिखूंगा कि ट्वेंटी एट इसका होता है माइनस जीरो कर दूं प्लस चार लिगेंड के चार इंटू दो आठ हो गए हिसाब निकाल दे कितना हो गया हिसाब निकाल दे ट्वेंटी एट एक सेकेंड ट्वेंटी एट माइनस ज़ीरो कर बेटा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो जीरो है तो कितना हो गया ट्वेंटी एट प्लस एट कितना हो गया थर्टी सिक्स इसका ई एन आ गया एफ ई सी ओ फाइव आयरन कितना होता है बेटा आयरन होता है ट्वेंटी सिक्स न्यूट्रल हैं ज़ीरो हैं कुछ भी नहीं है तो माइनस जीरो प्लस कर दे कितना पाँच इंटू दस है ना पाँच इंटू दो तो ये कितना हो गया दस अरे एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन देता है तो पाँच कितने देंगे दस देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा ये ले ये भी ई एन रूल फॉलो कर रहा है सी आर सी ओ सिक्स क्रोमियम होता है ट्वेंटी फोर और माइनस हो गया जीरो प्लस कितना हो गया सिक्स इंटू टू ये भी कितना हो गया ट्वेंटी फोर प्लस बारह कितना हो गया थर्टी सिक्स ये भी ई एन रूल फॉलो कर रहा है एम एन सी ओ सिक्स मैगनीज होता है ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो क्योंकि ये सब जीरो जीरो में ना इसलिए मैं जीरो कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर इनका जीरो है प्लस कितना हो गया बारह प्लस कितना हो गया बारह इलेक्ट्रॉन कितना लिख देगा इसको पच्चीस बारह कितना हो गया रे थर्टी सेवन थर्टी सेवन तो इसका मतलब है एम एन सी ओ सिक्स अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बन जाएगा एम एन सी ओ सिक्स प्लस और इसका जो ई एन होगा वो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा और इसका जो ई एन है वो क्या हो जाएगा थर्टी सेवन हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा क्योंकि ये थर्टी सेवन से थर्टी सिक्स बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ठीक है भाई। कितना होता है ट्वेंटी वेनेडियम कितना होता है ट्वेंटी थ्री है ना स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम इक्कीस बाईस तेईस तो ये ट्वेंटी थ्री होता है ट्वेंटी थ्री ये भी जीरो है माइनस जीरो प्लस कितना CO। 6 CO. का मतलब सिक्स इंटू टू यानी कि बारह इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम इसका हिसाब क्या लिखेंगे देख ना ये बारह इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना लिखोगे तेबिस बारह कितना हो गया थर्टी फाइव हो गया थर्टी फाइव अब ये क्या करेगा थर्टी फाइव वाला क्या करेगा मुझे बता वी सी ओ सिक्स अगर है तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन खिला दो तो ये बन जाएगा वी सी ओ सिक्स माइनस वी सी ओ सिक्स क्या बन जाएगा माइनस अगर इसका ई ए एन अगर इसका ई ए एन थर्टी फाइव है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर इसका ई एन कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन खा रहा है वो खुद रिड्यूस हो रहा है यानी कि ये कैसा हो जाएगा बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये तो आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एम एन सीओ फाइव एम एन फाइव मैंगनीज ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो और ये हो गया फाइव इंटू टू यानी कि टेन इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है तो इसको क्या करेंगे बेटा इसको करेंगे क्या ये भी कितना हो गया आपका थर्टी फाइव हो गया MN2CO10, देखो ये दो, दो, दो वाले हैं दो इंटरेस्टिंग दो चीज बताता हूं जुगाड़ बताता हूं करना क्या है आपको डबल कर देना पहले मैंगनीज तो कितना है पच्चीस तो इन दो कर दो क्योंकि दो मैंगनीज है माइनस इसमें जीरो ही आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं है ना ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही है प्लस CO10 टेन है तो इसका मतलब है टेन इंटू टू कर दीजिए अब इसमें एडिशनल प्लस दो करना पड़ेगा आपको एडिशनल प्लस दो करना पड़ेगा कि जितने हो जैसे एम एन टू है तो आप प्लस दो कर दीजिए सी ओ टू प्लस दो कर दीजिए एफ ई टू है तो प्लस दो कर दिए एडिशनल प्लस टू कर दीजिए क्योंकि एक मेटल मेटल का बॉन्ड भी होता है बेटा एक क्या होता है मेटल मेटल का बॉन्ड भी होता है तो वो इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा अब अब इसका टोटल कर दीजिए ये ट्वेंटी हो गया ये फिफ्टी हो गया तो फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवनटी प्लस सेवनटी टू और जैसे ही सेवनटी टू आए आप सेवनटी टू को डिवाइड बाई टू कर दीजिए वो एक का आ जाएगा थर्टी सिक्स तो ये ई ए एन रूल फॉलो कर रहा है जैसे सीओ है सीओ क्या होता है ट्वेंटी सेवन होता है आप इंटू टू कर दीजिए माइनस जीरो कर दीजिए उसके बाद आपने प्लस किया और एट इंटू टू कर दिया और प्लस आपने दो लिख दिया ये भी आपका सेवनटी टू आया इसको डिवाइड बाई टू करके थर्टी सिक्स कर दीजिए एक के लिए ये भी ई एन रूल फॉलो कर रहा है आयरन आपका ट्वेंटी सिक्स है इनटू दो कर दीजिए क्योंकि दो आयरन है ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो माइनस जीरो कर दीजिए प्लस 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 नाइन इंटू टू कर दीजिए एटीन हो गया प्लस दो कर दीजिए ये भी आपका सेवेंटी टू हो गया डिवाइड बाय इसको थर्टी सिक्स डिवाइड बाय टू कर दीजिए ये भी थर्टी सिक्स हो जाएगा एक बार और बताओ डेटा बेस्ड क्वेश्चन करने हैं क्या नहीं रे नहीं रे श्रेया तुमको लगता है अब समय बचा है तुम्हारे पास डेटा बेस्ड क्वेश्चन करने का नहीं करने एन आई फोर निकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लस दो में आ रहा है तो ट्वेंटी एट माइनस टू करोगे प्लस चार से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां 28 माइनस दो थर्टी ट्वेंटी हो गया ये 26 हो गया 26 सिक्स प्लस एट थर्टी तो ये ई एन फॉलो नहीं करता है ये दो लिखो फटाफट है ना दस मिनट का ब्रेक है उसके बाद मिलते हैं हम लोग दस मिनट का ब्रेक भाई क्या हाल है ई एन खत्म नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हमको पढ़ना कुछ नहीं है बेसिकली हमको खाली बस नाम याद करने हैं एग्जाम्पल्स याद करने हैं एंड विच इज ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स क्या है ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड 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 मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड अगर मेटल कार्बन के बीच में कितने तरह का बॉन्ड हो सकता है मेटल कार्बन के बीच में ये जो मेटल कार्बन का बॉन्ड है ये कितने तरह का बॉन्ड हो सकता है ये तीन तरह का हो सकता है सिग्मा हो सकता है पाई हो सकता है सिग्मा प्लस पाई हो सकता है है ना मेटल कार्बन का बॉन्ड कितने तरह का हो सकता है तीन तरह का हो सकता है पहली चीज मेटल और कार्बन का डायरेक्ट अटैचमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड विच इज नॉन एज ओ तीन तरह का हो सकता है सिग्मा पाई और सिग्मा प्लस पाई दोनों हो सकते हैं देखो तो ओ एम इज बेसिकली थ्री टाइप्स है ना फर्स्ट सिग्मा बॉन्डेड ये सब आपके एग्जाम्पल्स जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा है फ्रैंकलैंड रिएजेंट आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है गिलमेन रिएजेंट आपने पढ़ा है एक होता है टेट्राइथाइल लेड इसमें कार्बन और लेड का डायरेक्ट बॉन्ड होता है है ना एक होता है नाटा नाटा कैटलिस्ट कैटलिस्ट होता है TICL4 +R3AL या TICL3 और ये आपको याद करने पड़ेंगे इसका कोई इलाज नहीं है इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है पाई बॉन्डेड क्योंकि डायरेक्ट सवाल यही आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनो कंपाउंड इज पाई बॉन्डेड नाम है फेरोसिन सॉल्ट ये ऐसे कुछ नाम होते हैं डायरेक्ट नाम से पूछे जाएंगे बेटा ये. हमारे सेलेबस में मेनली सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड वाले पे फोकस किया हुआ है एंड विच इज मेटल कार्बोनिल्स और डिटेल में हम मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे इनकी बॉन्डिंग को हम पढ़ेंगे एक बार अच्छे से देख लो इसको कौन कौन से एग्जांपल्स हैं अभी से पढ़ लो इसको है ना ये याद हो जाने चाहिए बेटा अगर कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड है तो हम इसको ग्रिगनाड रिएजेंट फ्रेंकलेट रिएजेंट गिलमन रिएजेंट टेट्राइथाइल लेड ये कुछ घिने चुने एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पाई बॉन्डेड ओ जो होते हैं वो फेरोसिन कोबाल्टोसिन रूथेनोसिन जीस सोल्ट टाइप के कुछ होते हैं सिग्मा प्लस पाई जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा भी हो पाई भी हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके गिवन है एन में ठीक है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये थर्ड वाली है चले भाई चले आगे चलते हैं तो एक काम करते हैं हम मेटल कार्बोनिल्स में ये कुछ मेटल कार्बोनिल्स देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनिल्स गिवन इन एनसीईआरटी जिसमें से ये वाली इस बार जेई मेंस में फिर पूछ ली गई ये एक बार मेंस पहले भी पूछी गई थी ये जेई मेंस 2023 में एक बार फिर से पूछ ली गई ये वाला भी पूछ ली गया, बस यहां पर टंगस्टन लगा दिया डब्ल्यू लगा दिया उन्होंने टंगस्टन लगा दिया बाकी सेम था यह वाला भी पूछ लिया ठीक है भाई ये वाला भी पूछ लिया।, लिया तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कितने ब्रिजिंग सीओ है दो टू ब्रिजिंग सीओ ठीक है भाई कुछ ये यहां पे दिए हुए हैं कुछ चित्र दिए हुए हैं तो मैंने भी आपको बना दिए और कुछ नहीं है बस थोड़ा याद रह जाए तो बढ़िया है नीट का क्वेश्चन कराओ अच्छा जेई मेंस का सवाल सीधा नीट में आता है श्वेता प्रभाकर हैं श्वेता जेई मेंस का सवाल सीधा नीट में आता है और सोच कितना मजा आएगा तुझे जब सीधा सीधा सवाल मेंस का नीट में उठ के आ जाए वो भी एनसीआरटी से बाहर नहीं जाते तुम मेंस को महान मानते हो क्या एक सेकंड में सवाल हो जाएगा मेंस वाला भी मेंस और नीट में कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी होता है बेटा जई मेंस में जो आ गया सवाल वो नीट में सीधा टपकता है रिपीट हो जाता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग देखते हैं देखो जो हमने ये मेटल कार्बोनिल्स पहली चीज तो मेटल कार्बोनिल्स कौन सी कैटेगरी है मेटल कार्बोनिल्स मेटल कार्बोनिल्स जो है वो सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड ओएमसी होता है मेटल कार्बोनिल क्या होता है सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड ओएमसी होता है ठीक है मतलब जेई मेंस के सवाल इसलिए करवाता हूं कि अगर सोचो सीधा सवाल तुम्हारे मेन एग्जाम में आ गया फिर क्या करोगे हैं ये बोलोगे ए जय मेंस का है मैं नहीं कर रही मैं तो नीट देनी थी सर कितना करोड़ लोगे अबे दे ना दे और नाम भी अड्डा दो सौ लिख रहा है हद दे ला दे पैसे दे दे जाऊंगा कहीं नहीं ना कहीं आऊंगा पैसे दे दे तू यार भाई पैसे दे 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 तेरे ज़्यादा हो रहे क्या पैसे ला दे, दे मुझे दे दे आना जाना कहीं नहीं है पढ़ाऊंगा यही पैसे दे दे यार भाई चल मेटल कार्बोनिल्स इसमें एक टर्म आती है सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या आती है एक सिनर्जिक बॉन्डिंग सिनर्जिक का मतलब होता है टीम वर्क जिक का मतलब क्या होता है टीम वर्क देख अब सुनो ध्यान से सुन हमने नॉन क्लासिकल या नहीं पढ़े थे हमने हम रहे हैं। हम -N की सारी हमने मेटल हमने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स पढ़े या नहीं पढ़े पढ़े नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो सीओ होता है सीओ ले, ले वापस बता देता हूं ले रुक जा रुक जा मुझे पता है अरे भूल भाल गए रे सब तुम कुछ नहीं है सब याद ही नहीं है तुमको कुछ ये और हैंग होने लग गया रुक जाओ रुक जाना भाई कहीं मत जाना रे। ये देख हमने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स पढ़े थे पढ़े थे इन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में इधर वालों को सबको छोड़ दे ये छोड़ दे ले ये देख सिर्फ सिर्फ ये देख ये वाले देख ले हमको मतलब अभी इनसे हैं सिर्फ क्योंकि हम तो सिर्फ इसकी बात करें हमको मतलब इनसे हैं सिर्फ ठीक है हमको मतलब सिर्फ इनसे है ये देख कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना मेटल कार्बोनिल में क्या होगा सीओ होगा ये क्या होगा डी पाई होगा और पाई होगा यानी कि सी जो है वो अपने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मेटल से है ना सीओ जो है वो अपने एंटी बॉन्डिंग में मेटल से एक्सेप्ट करेगा अब इस बात को समझ कि मान ले सीओ ने सीओ ये रहा सीओ ये रहा इसने अपना लिगेंड दे अपने इसने इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहां से कौन सा बॉन्ड बना दिया सिग्मा इसकी हम बात ही नहीं कर रहे इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ठीक है यानी कि यह बात तय है कि जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पुराना बॉन्ड होगा मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में उसका पुराना बॉन्ड भी होगा सीओ का जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब है कि ये मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और जब मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेगा कहां पे एक्सेप्ट इनटू टू और जब ओ में एक्सेप्ट किया जाता है बेटा तो यहां पर एक लाइन खींच दे जब कार्बन ओ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा कम अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम सॉरी बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग का सीधा सीधा मतलब है टीम वर्क मतलब कार्बन तो दे ही रहा है वो सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है ये सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है लेकिन साथ में यहां से यहां यहां से यहां जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहां से यहां जो पाई बॉन्ड बन रहा है हम इस सिनर्जिक बॉन्ड की बात करें सिनर्जिक का मतलब होता है एक साथ काम करना इधर से कार्बन दे रहा है उधर से मेटल दे रहा है अच्छा मेटल की कब मजबूरी फंसेगी किसी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बताएगा मेटल की कब मजबूरी फंसेगी मतलब मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ है ना मैं आपसे पूछूं एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग मेरी बात समझना सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब है कि इधर से इधर तो जाए लेकिन उधर से भी आए मेटल की तरफ से भी आए तो ऐसी कौन सी मजबूरी होगी मेटल की जो ये लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा यानी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा होंगे ज़्यादा होंगे तब ये दे रहा होगा मैं आपके सामने तीन कैटेगरी लिखता हूँ प्लस और ज़ीरो और माइनस मुझे बताओ इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है किसमें ज्यादा होगी जब मेटल प्लस में होगा तब सिनर्जिक बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी जीरो में होगा या माइनस में होगा क्या यह डिक्रीजिंग होगा या यह इंक्रीजिंग होगा कौन बताएगा जल्दी 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 जब मेटल उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा राइट right? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ बच्चे बहुत तगड़े जवाब दे रहे हैं जब मेटल उसकी यस यस गुड 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 बेटा मजा आ गया जब मेटल उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा है ना तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है ना सिनर्जिक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग बॉन्डिंग इज मोर इन केस ऑफ एलो एस ऑफ मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है ये इंक्रीज हो जाएगा प्लस इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो इज लोअर माइनस इज और लोअर तो जैसे जैसे माइनस बढ़ेगा मेटल का सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी और जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर घटेगा कारण ये तो इलेक्ट्रॉन को ए बी में एक्सेप्ट करेगा ना बेटा अगर एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट होता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है बॉन्ड लेंथ बढ़ती है इसका उल्टा इधर लिख दो रे इसका उल्टा इधर लिख दो जहां पहले एक भी बॉन्ड नहीं था वहां आज एक सिग्मा है दूसरा पाई है यानी इन दोनों का रिश्ता तो सुधर रहा है इन दोनों का रिश्ता तो सुधर रहा है इन दोनों की लेंथ जो है वो घटेगी तो जब कभी भी सिनर्जिक बॉन्डिंग का सवाल करना हो एम सी ओ लिखो बीच में एक डंडा खींच दो और ये देखो कि जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन की लेंथ बढ़ती है कारण कार्बन और ऑक्सीजन का ऑर्डर घटता है कारण क्योंकि कार्बन अपने एबीएमओ में एक्सेप्ट करता है और एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट होने पर बॉन्ड ऑर्डर घटता है यह आप जानते हो ठीक है भाई अगर समझ आ गया है तो दिल बना दो आग लगा दो तो हमको सिनर्जिक बॉन्डिंग यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग बेसिकली क्योंकि एक पहले डोनेट हो गया है एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है दूसरा इधर से जा रहा है ना जल ले लीजिए थक गए होंगे आप लेते हैं बेटा आइए बेटा तो सवाल जो है देखो ये लिखा हुआ है सिनर्जिक बॉन्डिंग से सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज़ करती है यानी कि मैं ये कहूं ऐसे लिगेंड्स जो जो मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं वो सब सिनर्जिक बॉन्डिंग करना जानते हैं सो द नॉन क्लासिकल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं विच कैन स्टेबलाइज मेटल्स इन लोअर स्टेट कैन स्टेबलाइज मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर सकते हैं है ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर सकते हैं वो स्टेबलाइज कर सकते हैं एक सवाल करके दिखाओ जरा एक सवाल करके दिखाओ एम एन सी ओ सिक्स प्लस ठीक है वी सी ओ सिक्स सी आर सी ओ सिक्स सी आर सी ओ सिक्स ठीक है बेटा है ना अब इसमें आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग का पहला इसके सवाल करने आपको इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग का सवाल दिखाना है सिनर्जिक बॉन्डिंग का सवाल करके दिखाओ सवाल एक सेकंड रुक जाओ बेटा वेट हम्म ठीक है इसमें आपको तीन चार चीजें निकालनी है पहला इसको मैं ए बोल दूं इसको मैं बी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं पहला निकालना है आपको इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ठीक है ये सब निकालना है आपको मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ और फिर निकालना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कर सकते हो और सबसे पहले निकालना है एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग चलो करो ये सवाल सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी फिर ये लेंथ फिर ये लेंथ फिर ये लेंथ निकालना है सबसे बढ़िया बात चीज है कि आपको बताना है एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें होगी जहां मेटल माइनस में है वहां सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी यस yes और नो no, यस yes. तो सबसे कम हो गया ए उसके बाद सी उसके बाद बी क्या यह बात समझ आई क्या यह समझ आई ए सी बी सबसे कम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी ए में उसके बाद सी में और उसके बाद बी में फिर आता है मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ। अरे भाई मेटल कार्बन ऑक्सीजन सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होने पर इनकी बॉन्ड लेंथ तो घटेगी ना बेटा इनकी बॉन्ड लेंथ तो घटेगी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा इधर तो सब कुछ सुधरेगा यू मान के चलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के रिश्ते सुधरते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के रिश्ते बिगड़ते हैं रिश्ते बिगड़ने का मतलब दूरियाँ बढ़ेगी दूरियाँ बढ़ेगी मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा अरे रिश्ते कब बिगड़ते हैं जब दूरियां बढ़ती हैं दूरियां बढ़ती हैं तो बॉन्ड का ऑर्डर कम हो जाता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है बॉन्ड की लेंथ कम बढ़ जाती है इनका तो रिश्ता सुधर रहा है जहां पहले कुछ नहीं था आज पाई है सिग्मा है लेकिन यहां पे विचारों के क्या हो रहा है दिक्कत हो रही है ये इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लेट इसको क्या बोलते हैं इंटरनल बॉन्ड लेंथ अब देखो जरा जहां जहां सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां वहां पर मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ घटेगी जरा बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी किसमें बी में और सबसे कम कम किस में होगी ए में और उसके बाद आ जाएगा सी में तो ये दोनों आंसर तो सेम हो जाएंगे ए सी बी सीओ बॉन्ड लेंथ अरे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बेटा सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है जिसमें सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग है उसकी सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी बताओ तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सीओ बॉन्ड लेंथ यही होगी बी की किसकी होगी बी की गलत लिख दिया क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पर सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें है यस yes. सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें है जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है उसकी लेंथ सबसे कम होती है सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा ए सी बी अब सही है, है ना ये सही है ये सही है ठीक है भाई अब सही है जिसमें सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग उसमें मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम करेक्ट ये लेकिन इसी का उल्टा फिर से हो जाएगा ए सी बी जिसमें बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है अरे देख बढ़ेगी जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उसमें यही हो जाएगा ना फिर ये ले ए सी बी मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उसको डिक्रीज कर ले ये ले ये सही है भाई एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक ए में कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे कम होगी तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी करेक्ट है सारे सवाल सही है ठीक है भाई ए <coughs> और सी को कैसे कंपेयर किया वो प्लस है वो न्यूट्रल है तो प्लस और न्यूट्रल में प्लस का मतलब और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ना प्लस में तो सबसे कम होगा ना लोवेस्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है ए और सी में ऐसे कंपेयर किया एक माइनस एक प्लस एक जीरो है तो कंपैरिजन में वाली बात क्या हो गई यही तो कंपैरिजन है मैंने कोई नया थोड़ी किया ये कंपैरिजन ही तो है बेटा मैंने तो कुछ नया ही नहीं बताया प्लस जीरो माइनस खत्म बात चले आगे ठीक है भाई चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें ट्रिक बेटा ये न्यूट्रल है ये जीर। इसकी वजह से जीरो आएगा बाहर बैठा है प्लस वन तो इसका प्लस वन आएगा और क्या है कोई बड़ी बात थोड़ी इसमें कोई नई थोड़ी है ये देख ये जीरो है बाहर बैठा माइनस वन है तो इसका माइनस वन आएगा और क्या है ये जीरो है अंदर बैठा जीरो 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 मिलके कितना आ जाएगा जीरो आएगा कोई अब कौन से जमाने की बात पूछ रहा है तो पिछले कल बता दिया था ये तो दिन भी बदल गया अब तो क्या कर रहा है यार ऐसे मत कर जल्दी बता एक और सवाल करते हैं इसका जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं दो ही क्वेश्चन है एक करवा चुका हूं एक और देख ले एक करवा चुका हूं एक और देख ले, ले।, 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 ले। यूनिवर्सल क्वेश्चन है बॉन्ड ऑफ सीओ

पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन ठीक है भाई पहला है सेम कर दो <coughs> 1.12 पॉइंट वन टू एट एंगस्ट्रम कर दे टू पॉइंट सिक्स फोर एंगस्ट्रम कर दे वन पॉइंट नाइन सिक्स वन पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स एंगस्ट्रम कर दे और ये कर दे वन पॉइंट वन फाइव एंगस्ट्रम कर दे ले, अब बता सवाल जल्दी बता सकते हो इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो सीओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी टू टू फाइव परसेंट इंक्रीज ओनली हमेशा ध्यान रखना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है दो से पांच परसेंट बढ़ती है आंसर बताइए दो से पांच परसेंट बढ़ती है आंसर बताइए दो से पांच परसेंट बढ़ती है आंसर बताइए सेम नहीं रहेगी कम नहीं होगी इतना डबल तो नहीं होगा आंसर हो गया चार दो से पांच परसेंट बढ़ती बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती ऐसे डबल हो जाएगा तो बाउंड्री टूट जाएगा ना बेटा वन पॉइंट वन फाइव आंसर हो गया चार चलिए आगे चलते एक अजीब सा सवाल मुझे देखने को हर जगह मिलता है ये जस्ट मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि जो एनओ NO होता है ना बेटा एनओ NO, वो स्पेशल केस है थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और सी जो होता है वो टू इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ऐसे सवाल आते हैं कि, कि किसी कॉम्प्लेक्स में एन सी ओ को रिप्लेस करके एन NO लगाना होता है सी ओ को रिप्लेस करके क्या लगाना होता है एनओ NO लगाना होता है तो आप खुद सोचो एक के बदले एक कभी नहीं लग सकता क्योंकि एक हटा सॉरी हाँ, एक हटाओगे और एक लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब नहीं बदलेगा क्योंकि इसका एक तीन इलेक्ट्रॉन देता है और इसका एक दो इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि आप एक सीओ हटा के एक एन तो नहीं लगा सकते एन की बात कर रहा हूं मैं एनो प्लस को छोड़ो वो तो टू इलेक्ट्रॉन डोनर होता है चाहे इसको हटा दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एनओ छोड़ दो वो तो नॉर्मल है ठीक है तो जैसे एम सी ओ है क्या करना है मेरे को एम सी ओ लिखना है मुझे अगर छे कार्बोनिल है छे कार्बोनिल के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बारह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या सिक्स इंटू टू कितने हो जाएंगे बारह मुझे बारह इलेक्ट्रॉन का हिसाब निकालना है तो इधर मुझे एनओ लगाना है तो मुझे बारह ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं कितने लगाऊं क्योंकि तो ये तो थ्री इलेक्ट्रॉन तीन थी, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो मैं इसको फोर इंटू थ्री करके बारह कर दूंगा बेसिकली आप एक से एक रिप्लेस नहीं कर सकते आप दो से दो भी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसके दो हटाओगे तो चार इलेक्ट्रॉन हटेंगे और ये दो लगाओगे तो छह इलेक्ट्रॉन लगेंगे एक काम करते हैं इनको तीन हटाते हैं तीन सीओ हटाता हूं तो छह इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तीन सीओ हटाता हूं तो छह इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे फिर मैं दो एनओ लगा देता हूं तो था था था। भी छह इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे यानी तीन सीओ दो एनो से रिप्लेस हो सकते हैं थ्री कार्बोनिल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू एनो तो बताइए सिक्स कार्बोनिल कितने से रिप्लेस होंगे फोर एनो से अगर तीन कार्बोनिल दो एनो से होते हैं तो छह कार्बोनिल चार एनो से हो जाएंगे ये थोड़ा सा आप देख लेना ऐसे कुछ सवाल मैंने मतलब मैंने देखे है ना नीट में नहीं आएगा ऑब्वियसली नहीं आएगा बट मैंने देखे आप परेशान होते हो इन चीजों को लेकर इसलिए मैंने करवा दिया ये आओ आइसोमेरिज्म शुरू करें बेसिकली आइसोमेरिज्म में फिर कह रहा हूं इस टॉपिक को लेके इतना भावुक ना होए। ये टॉपिक बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या करना है मतलब आपको ये चीज याद ही रखनी पड़ेगी जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सवाल तो बहुत आसान होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सवाल तो बहुत आसान होते हैं लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है मैं उसमें जुगाड़ दे दूंगा आपको जुगाड़ ध्यान रखने आपका सवाल हो जाएगा आपको नंबर्स याद रखने हैं आपका काम हो जाएगा एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं उससे ऊपर कुछ नहीं है ठीक है तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो दो तरह के होते हैं आयोनाइजेशन लिंकेज हाइड्रेट कोऑर्डिनेशन ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल के पार्ट और जीआई और ऑप्टिकल होते हैं आपके इसके पार्ट तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब समझो बाहर पड़ा हुआ काउंटर आयन ऐसा हो जो अंदर किसी लिगेंड को रिप्लेस कर सके अच्छा एक चीज इस बात से आपको एक चीज समझ आई बाहर वाला अगर अंदर बैठे बाहर वाला अंदर बैठे और अंदर वाला बाहर आए उसके लिए यह जरूरी है कि बाहर वाले के पास लिगेंड की तरह काम करने की अवकात हो तो देखो इसमें क्या लिखा है आइसोमर्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस ऑन आयोनाइजेशन दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिजमराइजेज वेन द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सोल्ट काउंटर मतलब बाहर वाला वेन अ काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सोल्ट इज इट्स सेल्फ ए पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्ले ए लिगेंड मतलब कह रहा है कि वो खुद लिगेंड की तरह काम कर सके और अंदर वाले लिगेंड को रिप्लेस कर सके जैसे यहां पे देखो यहां पे बी आर माइनस अंदर जा सकता है और सी एल माइनस बाहर आ सकता है तो बताओ अगर ए जी थ्री इसमें एजी थ्री मिलाओगे इसमें एजी थ्री मिलाओगे तो ए जी बी आर का ppt आएगा और अगर इसमें ए जी थ्री मिलाओगे तो फिर ए जी सी एल का ppt आएगा ये देख दोनों में फर्क है ठीक है। आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए चलो फिर यहां है सीओ एन एस थ्री फाइव ये देख सल्फेट और ब्रोमाइड आपस में चेंज हो सकते हैं सल्फेट और ब्रोमाइड आपस में क्या हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं बेटा सल्फेट और ब्रोमाइड आपस में चेंज हो सकते हैं ठीक है ऐसे देख सकते हैं तो ये सब क्या कहलाते हैं ये आइसो आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब है बाहर बैठा हुआ आयन अंदर जाकर किसी लिगेंड को रिप्लेस कर सके उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि वो बाहर वाला आयन जो है वो कम से कम लिगेंड की तरह काम कर सके सपोज बाहर कोई अमोनियम आयन बैठा हो सपोज मान लो मान लो ये NH4+ फोर प्लस बैठा हो ऐसा ऐसा कुछ है है ना क्या ये लिगेंड की तरह काम कर सकता है नहीं कर सकता ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता किसी को तो ऐसा नहीं है कि आयोनाइजेशन आइसोमर हमेशा अंदर बाहर के आयंस को देखो चेंज कर लो शर्त यह है कि जो बाहर वाला है वो अंदर बैठने की औकात रखता हो यानी कि वो वो लिगेंड लिगेंड बन सकता हो हो उसके बनने की औकात तब वो अंदर जाएगा और बाहर अंदर से किसी लिगेंड को बाहर भेजेगा उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है यस yes, सबसे इजीएस्ट पार्ट सेकंड है लिंकेज आइसोमर कुछ करना ही नहीं है इसमें एक ही चीज देखनी है अरे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दिखा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दिखा और जो लिंकेज आइसोमर होते हैं आपके लिंकेज आइसोमर्स का नंबर होता है सीधा सीधा जितने लिगेंड्स हैं जितने एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं वो टू की पावर एन कर दे तू तु, टू की पावर क्या कर दे एन टू की पावर क्या कर दो एन कर दो एन क्या है नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स

जितने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो उसमें टू की पावर एन कर दीजिए बात खत्म उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्मेट बोल दो या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं हम इसको बेसिकली H2O के मॉलिक्यूल्स को इधर उधर हो जाना H2O के मॉलिक्यूल्स का इधर उधर हो जाना कहलाता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जैसे ये दिख रहा है आपको सी एल टू सी एल वन टू एच टू ओ अब मैंने यहां से एक एच टू ओ अंदर ले लिया तो चार एच टू की बजाय पांच एच टू ओ हो गया फिर Cl को एक बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेंटेन रखना है ना बेटा चार और दो छह थे तो अब पांच एक एच टू अंदर आया तो एक Cl को बाहर जाना पड़ेगा यह हाइड्रेट आइसोमर कहलाते इस सवाल को समझना ज्यादा आसान यहां से बैठेगा आपके सीआर सी एल थ्री सिक्स एच टू ओ के हाइड्रेट आइसोमर कैसे होंगे पहली चीज हम बनाते हैं एक काम करते हैं एच टू ओ सिक्स और बाहर बना देते हैं क्या सी एल थ्री एक ये बन सकता है फिर हम सी एल हम बना देते हैं पांच एच टू ओ करके एक सी एल अंदर लगा के छह कोऑर्डिनेशन नंबर दो सी एल अंदर लगा के एक एच टू ओ लगा देते हैं ये भी बन सकता है फिर हम बना देते हैं सी आर एच टू ओ फोर कर देते हैं अंदर दो सी एल रह जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में छः मेंटेन करके चल रहा हूँ छः पाँच एक छः चार दो एक एल बाहर बचेगा और यहाँ टू एच टू ओ बचेगा फिर मैं सी आर एच टू ओ थ्री कर देता हूँ और सी एल थ्री अंदर कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं थ्री एच टू ओ इसको मैं क्या कर देता हूँ थ्री एच टू ओ ये लो बताओ कितने आइसोमर हुए कितने आइसोमर हुए हाउ मैनी हाउ मैनी कितने हुए बताओ बताओ चार लिखूँ है ना चार लिखूँ आंसर बोलो चार या तीन चार या तीन बताइए बताइए जल्दी बताइए चार नहीं इसका आंसर होगा तीन कारण इसको हम आइसोमर नहीं मानेंगे इसको हम आइसोमर नहीं मानेंगे कारण क्या है रीजन रीजन है डब्बे पर चार्ज कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया पानी बाहर नहीं रहेगा यह पानी यहां रहेगा ही नहीं डब्बे पे चार्ज जीरो आ गया अभी तक आप डब्बे पे देखो प्लस वन प्लस टू प्लस तीन डब्बे पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो पानी को पास रखेगा अरे डब्बे पर चार्ज ही नहीं है पॉजिटिव तो पानी कहां से आएगा इसीलिए इसको आइसोमर नहीं कहेंगे क्योंकि अगर ये पानी यहां नहीं रहा तो मोलिकुलर फॉर्मूला बदल जाएगा अरे मोलिकुलर फॉर्मूला बदल गया मेरे भाइयों तो किस बात का इस यार या इस नहीं होगा तीन ही काउंट होंगे इसमें क्या काउंट होंगे मुझे इसके आंसर आंसर डी डी दे दिया मैंने अब मैं आपको इस, इसमें सवाल पूछ लूं सवाल सवाल पूछ लूं नंबर ऑफ नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा होंगे तीन इसका एक डब्बा चार तो ए ज़्यादा हो गया फिर दो और एक तीन तो फिर बी हो गया फिर दो एक और एक पूरा डब्बा दो तो ये सी हो गया और फिर ये डी हो गया ठीक है भाई लॉस इन मास लॉस इन मास लॉस इन मास ऑन रिएक्शन विथ ऑन रिएक्शन विथ दो पानी है तो बताओ रे ए से ज्यादा बी में लॉस होगा और ज्यादा सी में लॉस होगा डी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सी एच टू यहां है या नहीं है हमको नहीं पता तो लॉस इन मास क्या होगा ए बी सी क्या होगा लोस इन मास ए बी सी हो जाएगा ठीक है भाई रही बात एजीसीएल के पीपीटी की तो एजीसीएल के पीपीटी तो देख ही लो बेटा ये एजीसीएल के है ना पीपीटी इसमें होंगे एजीसीएल के पीपीटी किसमें होंगे इसमें तीन होंगे तो ए में ज्यादा फिर बी में और फिर सी में और फिर डी में डी में जीरो कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बताओ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बताओ जरा कंडक्टिविटी बता सकते हो ए में सबसे ज्यादा फिर बी में फिर सी में और फिर डी में ये लो कोई डाउट है इन सब चीजों में कह रहा है सो जाओ सो जाओ सर सो जाओ अबे तो तू तो तेरे मन को बहला ले मुझे तो नींद नहीं आ रही मैं तो पढ़ा दूंगा सुबह तक ओके okay, गुड <coughs> चलिए अरे अरे कहा चला गया हम फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स सीधा जुगाड़ लगाते हैं छोड़ो हटाओ क्या करना है परेशान हो जाओगे तुम सीधा जुगाड़ लगाते हैं जुगाड़ यह है कि जब मेटल सेम हो जुगाड़ यह है कि जब मेटल सेम हो ठीक है जब मेटल सेम हो ऐसे देख लीजिए और लिगेंड डिफरेंट हो एम एल एन है ना और यहां लिख दिया मैंने एम एल डैश एन जब मेटल सेम हो और लिगेंड डिफरेंट हो तो इस केस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर इज इक्वल्स टू एन बाय टू ठीक है दूसरा केस जब मेटल लिगेंड डिफरेंट हो मतलब एम एल मेटल हो ऐसा वाला और मेटल और लिगेंड दोनों डिफरेंट हो दोनों डिफरेंट हो ठीक है तो इस केस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन लो पीटी, पीटी, यहां है ना मेटल सेम लिगेंड डिफरेंट लिगेंड कितने हैं एन बाई टू यानी कि कितना हो जाएगा फोर बाई टू कितना हो जाएगा टू तो इसका आंसर आ गया कोबाल्ट क्रोमियम मेटल भी सेम लिगेंड भी सेम मेटल भी सेम लिगेंड भी सेम मेटल भी सेम और लिगेंड भी सेम मेटल भी सेम और लिगेंड भी सेम तब क्या करेंगे देखो मेटल भी सेम है सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मेटल भी डिफरेंट लिगेंड भी डिफरेंट सॉरी मेटल भी डिफरेंट लिगेंड भी डिफरेंट एन कितना है सिक्स तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी कितना हो जाएगा सिक्स दोनों बातें समझ लो दोनों बातें समझ लो जब मेटल सेम हो और लिगेंड डिफरेंट हो जब मेटल सेम हो और लिगेंड डिफरेंट हो ठीक है तो ऐसा हो जाएगा जब मेटल और लिगेंड दोनों ही डिफरेंट हो तो ऐसा कर लो सीधा हिसाब किताब सर जी एमबीबीएस फ्रॉम एब्रोड के बारे में बताओ कुछ अच्छा कुछ नहीं वहाँ बर्फ में बोडू खींच के आते हैं लोग ठीक है और रहने फिर बोल मेरा मुंह मत खुलवाए तू तो। रहने एब्रोड से एमबीबीएस करेगा हम arises due to exchange of ligands between cationic and anionic complexes है ना जब भी दो डब्बे ऐसे दो डब्बे टाइप के आपको जब भी कॉम्प्लेक्स दिखे ना आप तो यूं समझ लो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमेशा इस तरह के दो डब्बे वाले सेट में होता है दो डब्बे वाले मतलब जब भी देखोगे ना तो दो डब्बे दिख लो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा सर आप भी नींद में हो अच्छा हमको जिकारिया है फिर आता है स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं जीआई और ओआई ठीक है जी और ओ चलो देखते हैं ये सब पता है आपको केमिकल फॉर्मूला सेम हो केमिकल बॉन्ड बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो ये सब बताने की जरूरत नहीं आइसोमेरिज्म तो मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक होता है वैसे भी जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है ना कैन अराइजेज इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसा लिख देता हूं ज्यादा बढ़िया होगा ऐसा आप ना समझ लो कि जब भी हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स देखो तो आप जीआई निकाल दो होमोलैप्टिक ऑब्वियसली तो नहीं होगा क्योंकि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये रहा मेटल और ये रहा लिगेंड सारे सेम अब जब सारे सेम है तो इनको कैसे भी कहीं से भी बदल दो ए ए, 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 ए कहीं से भी बदल दो जी कैसे आ जाएगा ये तो सारे ग्रुप ही सेम है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में कभी भी जी नहीं आता है ना टू लिगेंड्स एडजेसेंट टू ईच अदर यानी कि 90 डिग्री की बात कर रहा है अपोजिट टू एट अदर यानी कि 180 डिग्री की बात कर रहा है उसको सिस कहते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले को ट्रांस कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन वन एनादर दीज आर कॉल्ड एज एनशियोमर्फ्स या एनशियोमर्स या एनशियोमोफ्स एंड एनशियोमर्स अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स ही होते हैं मतलब एन जो होते हैं ना वो दो ही होते हैं एक वो और एक उसकी मिरर इमेज उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है मेरा काम नहीं है मैं तो इतना जानता हूं कि ये सब आपको आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो याद रखिएगा एक चीज जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आता क्योंकि इसमें पीओएस प्रेजेंट होती है तो फिर बचा क्या जीआई बचा क्या सिर्फ जीआई तो जीआई देख लेते हैं ओआई तो वैसे ही काट दिया हमने तो जीआई देख लेते हैं आइए जीआई की बात कर लेते हैं सबसे पहले है एम ए फोर फिर है एम ए थ्री बी फिर है एम ए टू बी टू और फिर है एम ए टू बी सी और फिर है एम ए बी सी डी अगर मैं नंबर ऑफ जी की बात करूं यहां पर नंबर ऑफ जी की बात करूं तो इसमें आएगा जीरो इसमें आएगा जीरो इसमें आएगा दो इसमें आएगा दो और इसमें आएगा तीन आपको मैं क्लियर कर देता हूं पहले कि जब भी मैं कभी भी ए बी सी डी ई एफ इस तरह से लिखूंगा तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे ठीक है ये ligands होंगे और जब कभी भी मैं बी बी लिखूं, लिखूं वैसे मैं ए लिखूंगा या सी सी लिखूं या डी डी लिखूं ठीक है या फिर मैं ए बी ए सी लिखूं ऐसा कुछ लिखूं मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है मैं तो जो है लिखूंगा वो तो ए ए लिखूंगा ए ए को मतलब होता है सिमेट्रिकल बाईड लिगेंड और अगर जब भी मैं ए बी लिखूंगा तो वो अनसिमेट्रिकल वो क्या होगा अनसिमेट्रिकल बाईडेड लिगेंड जिसमें क्या होता है डोनर एटम जो है वो डिफरेंट होते हैं बेटा डोनर आइटम्स क्या होते हैं डिफरेंट और इनमें डोनर आइटम्स क्या होते हैं सेम इसमें डोनर आइटम्स क्या होते हैं सेम सर जी मुझे एक करोड़ दे दो. मुझे एम बी बी एस करना है बाद में वापस कर दूंगा देख रहा एम ए फोर एम ए थ्री बी एम ए टू बी टू एम ए टू बी सी और एम ए बी सी डी है ना यानी कि इसका मतलब है सारे लिगेंड्स सेम हैं यानी यहाँ पर तीन लिगेंड सेम हैं और एक डिफरेंट हैं इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है आप परेशान ना हो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एम ए बी थ्री ये सेम है यूं मत समझ जाना कि ए थ्री होना चाहिए और बी होना चाहिए अरे एक ही बात है वो तीन सेम और एक डिफरेंट है वो भी तीन सेम और एक डिफरेंट है तो इसको लेकर परेशान मत होना कभी भी इसका मतलब यह है कि चार सेम है तीन सेम और एक डिफरेंट है अब वो बी थ्री और ए भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है वो सब सेम ही है एक ही बात है वो ठीक है डायरेक्ट आप नंबर से याद कर लीजिए डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए नंबर से काम कर लीजिए आपको इसी में फायदा है फिर आता है यूजिंग बाईडेंटेड लिगेंट्स बाइडेंटेड लिगेंड्स में जुगाड़ सीमेट्रिकल ए ए सिमेट्रिकल में जी आई जीरो यानी कि अगर मैं लिख दूं एम ए ए टू मैं लिख दूं एम ए ए बी टू मैं लिख दूं एम ए ए बी सी इन सब में जी क्या होगा जीरो कुल मिला के आपको आपको एक भी सिमेट्रिकल दिख जाए जी आई जीरो कर दो सर सिमेट्रिकल कौन कौन से हो सकते हैं सिमेट्रिकल अरे सिमेट्रिकल स्यमे... बाइडेंटेड है ना इन हो सकता है ऑग्जेलेटो हो सकता है सिमेट्रिकल है ठीक भाई अनसिमेट्रिकल बाइलेंटेड में इसमें इस क्या होगा देखो एम ए बी टू एम ए बी बी टू एम ए बी बी सी ठीक है भाई इसमें देखते हैं, इसमें आ जाएगा दो जी आई इसमें जीरो और इसमें अगेन आ जाएगा बी के सामने ए और सी के सामने ए तो ये भी आ जाएंगे दो जी आई ठीक है भाई बना के देख लेना इसको कैसे बनाते हैं बताता हूं आइए ए बी टू एम ए बी ए बी ए बी रिंग बनाएगा ये लो ठीक है भाई ए के सामने बी ए के सामने बी चेंज कर दो इसको चेंज कर दो चेंज हो जाएगा ये देखो इसको चेंज कर दो बी ए कर दो इसको ए और बी रखो अब ए के सामने ए है पहले ए के सामने बी था तो ये दो जी आई हो गए ये क्या हो गया आपके दो जी आई हो गए इस तरह से आप बना सकते हो है ना इस तरह से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो बाकी तो आपको खैर नंबर ही ध्यान रखना है छोड़ो वो सब बनाने वाला वा, कोई नहीं पूछेगा कौन सा चैप्टर चल रहा है अनसिमेट्रिकल अरे भाई डोनर आइटम डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल हुआ ना क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हो ये सब बताने की जरूरत है क्या कैसे क्या होगा है ना कर सकते हो ना नंबर देख लो बस डायरेक्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल में एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से वहां पर ओ आई नहीं था यहां पर जी आई नहीं होगा ओ आई इज पॉसिबल ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव इफ एम ए बी सी डी इज प्रेजेंट तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा पहला दूसरा एम ए बी टू हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार में दो केस आते हैं स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल तो ये टेट्राहेड्रल में एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा जब या तो चारों डिफरेंट हो जाए या फिर सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकल लिगेंड दो हो जाए अनसिमेट्रिकल लिगेंड क्या हो जाए दो हो जाए बस अब आपको करना क्या है एक जुगाड़ और बाकी सारा सवाल जुगाड़ क्या कि जुगाड़ याद रखिएगा जुगाड़ ये है कोऑर्डिनेशन नंबर चार जब हो तो जेड एन सी डी एच जी ऑलवेज टेट्रा और पहला दूसरा प्लेटिनम पैलेडियम ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चार हुआ तो जेड एन सी डी एच जी जो है वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगा और प्लेटिनम पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स हैं वो स्क्वायर प्लेनर होंगे ये आप वीबीटी से निकाल सकते हो बट मैंने आपको ऐसे ही एक जुगाड़ दे दिया आपको हेल्प हो जाएगी इसमें ये रहा प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर चार है ना तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ है ये सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर है प्लेटिनम पैलेडियम के कोऑर्डिनेशन नंबर चार हैं ये आपका एम ए फोर टाइप का है ये आपका एम ए थ्री बी टाइप का है ये आपका एम ए ए बी टू टाइप का है ये आपका एम ए ए बी सी टाइप का है और ये आपका एम ए बी सी डी टाइप का है यहीं पर अगर बात करें तो ये भी स्क्वायर प्लेनर है ये आपका एम ए बी टू टाइप का है ये ग्लाइसिनेटो है ग्लाइसीनेटो में डोनर ऑटो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन होता है ये आपके टेट्राहेड्रल हो गए ये एम ए फोर हो गया ये एम ए टू बी टू हो गया ये एम ए टू बी टू हो गया ये आपका एम ए बी सी डी हो गया तो इसमें कौन कौन ओ आई दे रहा है कौन नहीं दे रहा है बताओ जरा क्या ये ओ आई दे देगा यस yes. क्या ये दे देगा ओ आई दे, दे देगा नो जी आई तो वैसे ही नहीं देता नो ओ आई दे देगा नो जी आई तो वैसे ही नहीं देता इनमें जी आई तो आप वैसे ही काट दो ये नो जी आई नो जी आई नो जी आई टेट्रा हेड्रल तो जी आई देता ही नहीं है वहां पर देखिए ओ आई की बात खत्म क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है बट जी आई इसमें दो आ जाएंगे पीछे देख लेना लिस्ट में लिखा हुआ है इसमें भी ओ की बात तो खत्म है लेकिन जी इसमें कितने आ जाएंगे तीन आ जाएंगे इसमें भी ओ की बात तो खत्म है क्योंकि स्क्वायर प्लानर है तो जी कितने आ जाएंगे इसमें जी लेकिन इसमें दो आ जाएंगे इसमें भी जी कितने आ जाएंगे आपके दो आ जाएंगे इसमें नो ओ आई नो जी है ना ना तो ओ होगा ना ही जी होगा और इसमें भी ना ओ होगा ना ही जी होगा बात खत्म चलिए आगे बढ़ते हाँ ओ आई तो इसमें भी नहीं होगा एक कह रहा है सर आपके नोट्स इनफ है क्या तू सवाल नहीं करता है लगता है कोई बात नहीं बेटा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है छः। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स कैन गिव कैन गिव बोथ जी आई एंड ओ आई लो दोनों दे सकते हैं ओक्टा हेट्रल कॉम्प्लेक्स में चलो तो इसका जुगाड़ देखते हैं जुगाड़ जुगाड़ फॉर एम डी जे जुगाड़ फोर जुगाड़ फॉर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पहले ही आपको कोई पीओएस वीओएस लगाने की जरूरत नहीं मैं सीधा सीधा शब्दों में आपको बता देता हूं अगर ये वाला आपका ऑक्टाहेड्रल होता है राइट यह ऑक्टाहेड्रल होता है इनमें से कितनी पोजीशन ट्रांस होती है तीन एक ट्रांस पोजीशन दूसरी ट्रांस पोजीशन और तीसरी ट्रांस पोजीशन तीन ट्रांस पोजीशन होती है इनमें से किसी भी ट्रांस पोजीशन पे अगर ग्रुप सेम लगे हुए हो दो सेम लिगेंड लगे हुए हैं बात खत्म ऐसे काट दे दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा पी आ जाएगी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा किसी भी किसी भी ट्रांसपोजिशन पे दो लिगेंड सेम जुड़े हुए हो ऐसे वाला स्लाइस कटिंग कर दे हो जाएगा दोनों बराबर पीओएस आ जाएगा अगर दोनों दो अगर दो अगर तीन ट्रांसपोजिशन में से दो सेम हो है ना अगर तीन ट्रांसपोजिशन में से दो सेम हो देखो कैसे तीन ट्रांसपोजिशन में से दो सेम हो यानी कि मैं यहां पर ए बी लिख दूं और यहां पर भी ए बी लिख दूं ये दोनों ट्रांसपोजिशन अपने आप में सेम हो गई या नहीं हुई पहले बता दे सेम हो गई हो गई अब मैं क्या करूंगा कौन सा प्लेन ले सकता हूं मैं ये वाला प्लेन ले लूंगा ये दोनों तरफ बराबर बच जाएंगे सॉरी ये मैं ये वाला प्लेन नहीं लूंगा सॉरी 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 मैं कौन सा प्लेन ले लूंगा देख भाई दो ट्रांसपोजिशन अगर सेम हो गई दो ट्रांसपोजिशन अगर सेम हो गई मैंने लिखा ए बी और मैंने लिखा ए बी इसमें पीओ एस ढूंढनी मुझे ठीक है इसमें पी ओएस ढूंढनी मुझे तो एक काम करता हूं इसको मैं थोड़ा सा अभी एक टिल्ट करके आप परेशान हो जाओगे तो मैं एक काम करता हूं इसको ऐसे लिख देता हूं ये ट्रांसपोजिशन मैंने सेम ले ली ए बी ए बी ये ट्रांसपोजिशन मैंने सेम ले ली ले ली भाई ले ली, ली ट्रांसपोजिशन सेम अब इसमें मुझे क्या करना है इसमें मुझे क्या करना है कि दो ट्रांसपोजिशन मैंने सेम ले ली तो मैं इसमें कौन सा प्लेन निकालूं कि ये दोनों बराबर हो जाए कौन सा प्लेन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी किसी भी एक ट्रांसपोजिशन को किसी भी एक ट्रांसपोजिशन के अलोंग आप प्लेन ले लीजिए उसमें भी पीओ आ जाएगा है ना जैसे अगर आपकी दो ट्रांसपोजिशन आपस में सेम हो जाए ए बी ए बी तो ये दो ट्रांसपोजिशन आपकी क्या हो गई बेटा सेम हो गई दो ट्रांसपोजिशन सेम होने का मतलब है उसमें पीओएस आएगी ही आएगी आप लगा के देख लेना पक्का आएगी बट मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि लगाओ मैं तो कह रहा हूं कि दो ट्रांसपोजिशन भी अगर आपस में सेम हो गई टू ट्रांसपोजिशन आर म्यूचुअली सेम देन पीओएस जो है उसमें प्रेजेंट होगी और वो भी क्या होगा आपका ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बेटा एक्टिव हो जाएगा ऑप्टिकली क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा ठीक है भाई ये ट्रांसपोजिशन सेम हो गई दो अगर नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कब बताया था एडिट ये पड़ा था टाइम नॉन कोप्लेनर रिंग्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर रिंग डिफरेंट प्लेन में चली गई ऑक्टाहाड्रल में तो वो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ऊपर वाले दोनों रूल ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए हैं ऊपर वाले दोनों रूल इनएक्टिव के लिए हैं नीचे वाला रूल ऑप्टिकली एक्टिव के लिए है ठीक है भाई नीचे वाला ऑप्टिकली एक्टिव के लिए है दो तीन जुगाड़ बताए हैं ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के लिए इन तीनों से आपका नीट जेई मेंस तक के सवाल खटाखट खटाखट हो जाएंगे सिर्फ इन तीन रूल से एनी चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में जितना गिवन है वो मैं बता देता हूं यहां तक गिवन है पांच नंबर तक सिर्फ पांच नंबर तक एनसीईआरटी में ये गिवन है इसके आगे का डेटा भी अगर आप चाहते हो तो मैंने लिखा हुआ है इस लिस्ट को याद कर लें इस लिस्ट को बना लें अच्छे से और एक नंबर याद कर लें डबल जीरो ट्रिपल टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन एंड फिफ्टीन फिफ्टीन एक अलग से यूनिट है ध्यान रख लेना ठीक है भाई ये नंबर है और ये लिस्ट है आपको कॉम्प्लेक्स पहचानना है नीट में पांच नंबर से ऊपर का आएगा ही नहीं मतलब ये छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये बहुत कम चांसेस है नहीं आएगा ना के बराबर अभी तक तो आए नहीं है ऐसे सवाल अभी भी हम सोचते हैं नहीं आएगा चले आगे ये नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी सवाल होंगे ये लिस्ट आपको याद होगी तभी आइसोमेरिज्म के सवाल होंगे फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको मैंने ये समझा दिया है एम ए सिक्स का मतलब है ए ए ए ऐसा ही बनेगा कोई जीआई आई नहीं सकता कोई पेयर आप इसको चेंज कर सकते हो नहीं नो जी नो ओ आई ओ आई तो इसलिए नहीं क्योंकि ए और ए सेम हो गए रूल वन लग गया जुगाड़ वन लग गया वैसे ही खत्म एम ए फाइव बी ए ए ए ए इसको चेंज करके देख लो कुछ नया नहीं बनेगा नो जी आई नो ओ आई एम ए फोर बी टू एम ए फोर बी टू तो हो जाएगा ए ए ए बी बी हाँ इसको चेंज कर सकते हैं ए ए को होल्ड कर लो इसको बदल दो ए बी ए बी यानी कि ये दो जी आई दे देगा ये नो ओ आई देगा ओ आई तो नहीं देगा ऑब्वियसली क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया है ना ये इनएक्टिव हो गया रूल वन से ये भी इनएक्टिव हो गया ये रूल टू से भी इनएक्टिव हो गया जुगाड़ टू से भी ये दो ट्रांसपोजिशन आपस में ये ट्रांसपेयर है बेटा ये कौन से पेयर है ट्रांसपेयर है एम ए फोर बी सी ऊपर जैसा ही है सेम है ना सेम है कि चार सेम है और दो जो है वो डिफरेंट हैं दो जी आई आएगा नो ये सब कोई मायने नहीं रखता मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये कोई मायने नहीं रखता आपको ये नंबर शुरू के पांच तो कम से कम याद करके जाना पांच नंबर तो शुरू के याद करके जाना बस कुछ भी मायने नहीं रखता एम ए थ्री बी थ्री को एनसीईआरटी में अलग से समझाया हुआ है कि एम ए थ्री बी थ्री में भी दो जीआई होते हैं सिस और ट्रांस है ना सिस और ट्रांस एमए3बी3 में, में दो होते हैं सिस और ट्रांस अगर इस इक्वेटोरियल प्लेन में एक ट्रायंगल बनता है जिस पर तीनों एटम सेम होने चाहिए इसको बोलते हैं मेरिडियनल क्या बोलते हैं इसको मेरिडियनल मर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं मर अगर यहां 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 लिगेंड सेम है इस वाले प्लेन में ट्रायंगल बनता है तो उसको बोलते हैं मेरिडियनल और अगर ये एक प्लेन है इसके ऊपर एक वेलेंसी है इसके नीचे एक वेलेंसी है यहां कॉर्नर वाला इधर कॉर्नर वाला और नीचे वाला इनके बीच में एक ट्राइंगल बनता है ये ये देखो दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल दो डिफरेंट प्लेन के बीच में बेटा ये ट्राइंगल दो डिफरेंट प्लेन के बीच में आपके सामने की तरफ ऐसे इसको बोलते हैं फेसियल फेक क्या बोलते हैं इसको फेसियल फेक है ना जो फेसियल होता है वो फेक ही होता है आपको तो बताइए फिर फेसियल करवा करवा के पता नहीं कितने फेक चेहरे आ गए हाँ जी बताइए तो ये दो जी आई देगा है तो ये सिस और बेटा। लेकिन इसको ने नया नाम दे दिया फेक और मर है ना क्या दे दिया इसको नया नाम फेक और मर क्लियर है भाई आगे चले रवि भैया सर की चाय लाओ रवि भैया चद्दर तान के सो रहा होगा यहां कोई नहीं है ताला लगा के जाऊंगा मैं अभी रवि भैया चाय लाओ इसी को एक डिफ एग्जाम्पल से देख ले। देखो एम ये कैसा है एम ए थ्री बी थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स ही तो है एम ए थ्री बी थ्री तो देखो एनएस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री अगर ऐसा करोगे तो ये क्या हो गया मर और अगर एन एस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री ऐसा करोगे तो ये क्या हो गया फैक फेक में मैं आपसे पूछूं एनएच थ्री एम एन थ्री में कौन सा एंगल है मैं आपसे पूछूं एन एच थ्री एम एन एच थ्री में अच्छा मैं एम क्यों लिख रहा हूं इसको तो PT लिख सकते हैं ना इसको तो PT लिख सकते हैं ना मैंने लिखा क्यों नहीं मैं क्या लिख सकता हूं एन एच थ्री पी टी एन थ्री में कौन सा एंगल आएगा एंगल बताओ इसमें एंगल बताओ एन एस थ्री एन एस थ्री में एंगल बताओ एन एस थ्री थ्री में एंगल बताओ 90 90 ठीक है कहीं से भी आप बोलोगे नहीं मैं तो नीचे वाली ns3 थ्री से देखूंगा इस ns3 थ्री से ऊपर pt पे जाओ और उस ns3 थ्री पे जाओ नब्बे डिग्री का एंगल होगा उसमें भी क्या होगा नब्बे डिग्री का एंगल होगा अरे ये ऐसा ही तो है ये ऐसा ही तो है बेटा है ना इस तरह से है ना इस तरह से यहां पर एक लेवल है इस तरह से देखो यहां पर एक है ये तो इसका बाकियों के साथ भी तो 90 डिग्री है पेंसिल्स थी नहीं वरना मैं जरूर बताता चलो खैर कोई बात नहीं सबको दिख रहा होगा ये सब फेसियल में एंगल ही 90 डिग्री का होगा लेकिन एनएच3 एनएच3 पीटी एनएच3 मेरिडियनल में 90 डिग्री के साथ-साथ 90 डिग्री के साथ-साथ एनएच3 पीटी 90 इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का एंगल होता है बेटा लेकिन इसमें ओनली ओनली 90 डिग्री होगा फेसियल में 90 डिग्री एंगल ही होगा आप कोई सा भी उठा के देख लो कोई सा भी उठा के देख लो आप लेकिन उसमें देखोगे ना तो एन एस थ्री पीटी एनएस थ्री ये तो 180 डिग्री हो गया एनएस थ्री पीटी एनएस थ्री ये 90 डिग्री हो गया एनएस थ्री पीटी एनएस थ्री ये 90 डिग्री हो गया, गया। यानी कि इसमें तो 90 प्लस वन मिल जाएगा आपको लेकिन फेसियल में आपको 90 डिग्री ही मिलेगा 180 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा जिसको भी आप कंपेयर करोगे ठीक है चले आगे आओ आगे बाइडेंटेड लिगेंड के तीन केस बताऊंगा बता रहा हूं इससे बाहर सवाल नहीं जाता भाई आप मत करिए दुनिया भर के केस बाइडेंटेड में इससे मोस्ट मतलब कहते ना कि कितनी बार पूछा जाएगा आप सोच भी नहीं सकते इतनी बार ये सवाल आ जाएगा ना आप सोच भी नहीं सकते एम ए जैसे हो गया सीओन थ्री सीओन थ्री थ्री प्लस का कॉम्प्लेक्स ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स अब हमको पता है कि इसमें ए ए सब जगह है जी तो नहीं आ सकता क्योंकि पोजीशन तो चेंज करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा सब जगह सेम डोनर है लेकिन अगर तीन रिंग आ गई तो नॉन रिंग्स हो गई और अगर नॉन को प्लेनर रिंग्स प्रेजेंट हैं तो ऑप्टिकली तो एक्टिव हो गया ना भाई तो इसका मतलब है ऐसा कितने हो जाएंगे दो सीरियो कितने हो जाएंगे दो क्योंकि ये तो बनेगा और इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी ये तो बनेगा और इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी गुड नाइट एवरी वन आई विल सी इट लेटर मेडिको अग्रवाल कह रहा सर रिकॉर्डेड है अच्छा मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं ऐसा रहबटा दूंगा ना कि ऐसे हो जाएगी दो मिनट में ठीक है इतनी देर से चिल्ला रहे मेहनत कर रहे हैं कह रहे हैं, सर रिकॉर्डेड है हाँ अबे तो रिकॉर्डिंग में तो लोग रो भी लेते हैं रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग में लाइव भी नहीं है एकता कपूर से भी ऑफर आ सकता है रिकॉर्डिंग में कौन रोता है यार हां चलो आगे चलो यूजिंग बाइड इंटेलिगेंस वाला केस एक तो हो गया चले आगे ये पहला केस बता रहा हूं एक केस जिसमें जीआई नहीं आएगा बट ऑप्टिकल आइसोमिजम तो दिखाएगा दूसरा केस सुन बेटा दूसरा केस दूसरे केस में मैं दो तो बाइडेंटेड लूंगा और साथ में दो डिफरेंट ले लूंगा मोनोडेंटेड मतलब दो डिफरेंट नहीं दो सेम मोनोडेंटेड ले लूंगा अब समझना इस बात को अगर मैं इस बी और बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनाता हूं ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू बीबी ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू BB. BB बीबी के रेस्पेक्ट में अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो मेरा मतलब हुआ कि ए ए यानी कि चाहे तो इसमें तो चाहे आप ये वाला प्लेन ले लो तो भी POS आ जाएगी चाहे आप स्लाइस कटिंग कर दो तो भी POS आ जाएगी सो so, इसका मतलब है ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बेटा ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया लेकिन अगर बी बी को मैं सिस ले लेता हूं इस बी को इस बी के पास रख लिया 90 डिग्री सिस हो गया ये। जब मैं इन दोनों को सिस पोजीशन पे लूंगा तो ये रिंग डिफरेंट प्लेन में चली जाएगी और अगर ये रिंग डिफरेंट प्लेन में चली जाएगी तो नॉन को प्लेनर रिंग आ जाएगी और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा यानी कि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस है सबसे ज्यादा आप रिपीटेड मोड पे इस सवाल को ले लीजिए जेई मेंस इससे बाहर नहीं जाता आप नेट की बात छोड़िए हमेशा पूछे जाने वाला एकमात्र सवाल जिसके होते हैं दो जीआई एक होता है ट्रांस एक होता है सिस ट्रांस वाला इनएक्टिव सिस वाला एक्टिव अगर ये एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी यानी ये और बन जाएगा इसका मिरर इमेज और बन जाएगा तो एक ये हो गया एक ये और एक इसकी मिरर इमेज टोटल हो गए तीन इसी लिखते हैं इसमें होते हैं दो जी एक सिस एक ट्रांस सिस इज एक्टिव तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे तीन ट्रांस और सिस, में से सिस एक्टिव होता है इसीलिए टोटल एसआई को हम तीन बोलेंगे हां तो देखो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो देख लिया ये सेम टू सेम केस आगे आ रहा है पता है फर्क क्या है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है सेम बस एक ही फर्क है ये जहां पर दोनों सेम है वहां दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ये देखो ये यहां पर मैंने खाली इसको बीसी लिख दिया है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है अब ये बीसी के हिसाब से ट्रांस हो गया ये इसमें पीओ एस है बताओ कौन सी ये वाली इसमें स्लाइस कटिंग नहीं होगी मत कर देना इसको स्लाइस कटिंग करेगा तो ऊपर बी और इधर सी है ये वाला प्लेन नहीं लगेगा उसमें उसमें दोनों लग रहे थे जब यहां पर बी और यहां पर बी था तो कोई सा भी लगा ले फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन यहां बी और यहां सी है तो फिर ये वाला प्लेन ले ले दोनों तरफ बराबर बचेगा पीओ एस है ये इनएक्टिव हो जाएगा रिजल्ट वही आएगा कोई आंसर नहीं बदलेगा आंसर वही आएगा सेम जैसे पीछे है मतलब मैं अगर ये कहूं तो इसको और पीछे वाले को एक ही केस मान ले मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तेरा आंसर तो तब भी सही हो जाएगा ना तेरा आंसर तो तब भी सही हो जाएगा फिर अगर मैं बी और सी को सिस ले लू बी और सी को सिस ले लू अब जब मैं सिस लूंगा तो ये दोनों चले गए डिफरेंट प्लेन में चली गई रिंग और डिफरेंट प्लेन में अगर रिंग चली गई तो ये एक्टिव हो गया यानी कि बात वही है सेम आंसर है इसके भी दो जी आई सिस और ट्रांस सिटिव एस आई इस थ्री इसका भी सेम आंसर आएगा सेम ही आंसर आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता चलिए आगे एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको पढ़नी है कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं और कुछ जो होगी वो मैं सवाल में जब आएगी तभी करवा दूंगा जब क्वेश्चंस में आएगी तभी करवा दूंगा कुछ एप्लीकेशंस जो हैं मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं ये एप्लीकेशंस एनसीईआरटी की हैं ये आपके लिए होमवर्क हैं आप एज इट इज इसको पढ़ लीजिएगा यूज एंड एप्लीकेशन हैं ये होमवर्क हैं आप एज इट इज़ इसको पढ़ लीजिएगा एन के यूज़ है बेटा इंपॉर्टेंट यूज़ हैं कि फोटोसिंथेसिस हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है हेमोग्लोबिन में एफी होता है साइनिक कोबाला 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 बी ट्वेल्व में क्या होता है कोबाल्ट होता है कोबाला ये सारी चीज़ें सिस प्लेटिन इज़ यूज एज एंटी कैंसर होता है ये सारी आपको पढ़नी पड़ेगी है ना ये आप थोड़ा सा मेरे लिए कर लेना चलो तो वापस आके एक मिनट में मैं आया और वापस आके करते हैं क्वेश्चन शुरू चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है जो कोई छोटी मोटी बात ऐसी होगी ये पहला ही सवाल ऐसा है जो मुझे बताना पड़ेगा पहला ही सवाल ऐसा है जो मुझे बताना पड़ेगा मैं बता दूंगा अभी आ रहा हूं है ना एक मिनट में आ रहा हूं पहला ही सवाल ऐसा आ गया जो बताना पड़ेगा फिर करते हैं सारे क्वेश्चन देखो इसी साल जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है जेई मेंस 2023 जनवरी में पूछा हुआ सवाल है कह रहा है कि एफ ई थ्री का मतलब क्या हो गया एफ ई थ्री का मतलब एफ ई थ्री प्लस हो गया मैं आपको बता देता हूं यहां पर दो चीजें बताता हूं बेटा मैं आपको दो चीजें बताता हूं दोनों को समझ लो फटाफट इस सवाल के साथ ही समझा देता हूं ठीक है होता क्या है कि जो के फोर जो आपका एफ प्लस थ्री होता है ना जो एफ प्लस थ्री एफ प्लस थ्रीन आयन की टेस्टिंग के लिए के फोर एफ सिक्स यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है के फोर एफ यूज किया जाता है एफ प्लस आयन की टेस्टिंग के लिए है ना जब ऐसा होता है तो आयरन प्लस तीन ये रहा आयरन प्लस तीन इसकी रिएक्शन करवा दी के फोर एफ सी एन के साथ तो प्रोडक्ट में क्या आता है वो सुन दो इस के फोर को हटा दो इसकी जगह आयरन लगा दो मतलब आपको लगाना है एफी फोर इसको हटा दो और इसको लिख दो एफ ई सी एन सिक्स और इसको लिख दो थ्री ठीक है ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो आंसर तो आ गया आपका खैर आंसर तो आ गया आपका चार आंसर आ गया आपका चार जिन लोगों ने पता है उसको आंसर भी कर रहे हैं अच्छी बात है है ना लेकिन यहाँ मैंने आज नहीं पढ़ाया था इसलिए बताता हूं ये बेसिकली है क्या समझो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एफ तो थ्री प्लस है और एफ ई सी एन सिक्स जो है उसके ऊपर फोर माइनस है अगर ऐसा है तभी तो मैंने इसका चार्ज इधर और इसका चार्ज इधर लगाया होगा और ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया होगा राइट इसका नाम होता है प्रशियन ब्लू क्या होता है इसका प्रशियन ब्लू जो तुम सुन रहे हो वो मैं वो नहीं बोल रहा हूं क्या नाम होता है इसका प्रशियन ब्लू बाहर वाला आयरन प्लस तीन है अंदर वाला आयरन प्लस दो में निकल के आएगा अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हो तो अंदर वाला आयरन कितने में आएगा प्लस दो में आएगा तो बाहर वाला प्लस तीन है और बाहर अंदर वाला प्लस दो है तो लिखा क्या जाता है इसको फेरी क्या बोला जाता है इसको फेरी फेरो क्या बोला जाता है फेरी फेरो साइनाइड क्या बोला जाएगा इसको फेरी फेरो साइनाइड क्योंकि बाहर तीन है तीन वाले को फेरी बोला जाता है दो वाले को फेरो बोला जाता है ये फेरी अपने आप में बताता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है फेरो अंदर वाला दो है तो फेरी फेरो साइनाइट क्या नाम हो जाएगा इसका फेरी फेरो साइनाइड क्या इसका आई नाम लिख सकते हो यस बाहर वाला आयरन तीन है तो ऐसे लिखेंगे आयरन इसे लिखेंगे आयरन थर्ड बाहर वाले के लिए लिखेंगे आयरन थर्ड अंदर वाले का नाम आप लिख दीजिए आपको पहले से पता है फेरेट टू ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया बाहर वाले के लिए आपको आयरन थीन लिखना पड़ेगा ना बेटा बाहर वाले के लिए और बाकी हो गया हेक्सा साइनाइडो फेरेट टू इसका नाम तो पता ही आपको हेग्जा साइनाइडो फेरेट टू ये लो यस 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 गुड 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 एक और होता है उसको भी यही समझ लो फिर फिर ही आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे वो आयरन प्लस टू की टेस्टिंग के लिए यूज होता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है के थ्री एफ सी एन सिक्स कौन सा होता है बेटा के थ्री एफ ई सी एन सिक्स के थ्री एफ सी एन सिक्स कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको Fe3 लिखना है अरे जितने पोटेशियम है उतने आयरन लगा दो ये Fe3 लिख दिया उसके बाद यहाँ लिखना है Fe अंदर वाला तो वही रहेगा जो है बेसिकली और यहाँ लिख देना है दू आप इसको कॉम्प्लेक्स को भी तोड़ के देखो ये कैसा बने ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा ये कॉम्प्लेक्स बना होगा एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस टू और एफ ई सी एन सिक्स थ्री माइनस से है ना उससे बना होगा इसका इधर लगा होगा इसका इधर लगा होगा तो वो तीन माइनस यहां लग गया और वो दो प्लस इधर लग गया तो इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे बना दिया आपने है ना ऐसे ही बना दिया अब इसका मतलब है जब हमने इसको तोड़ा ऐसे बना होगा तो हमको साफ साफ पता लग गया कि बाहर वाला आयरन तो प्लस दो में है तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या लिखूंगा आयरन क्या लिखूंगा आयरन सेकेंड बाहर आ गया आयरन सेकेंड फिर क्या लिखूंगा हेग्जा साइनाइडो फेरेट लेकिन ये अंदर वाला आयरन इस बार तीन है उल्टा है ये ये उल्टा है तो उल्टा है तो फिर नाम भी उल्टा होगा क्या इसका नाम होगा बेटा फेरो फेरी साइनाइड फेरा फेरो फेरी साइनाइड नाम होगा और इसका नाम होता है टर्नबुल्स ब्लू ठीक है जुगाड़ है दो वाला दो से स्टार्ट होता है ये टू है, है ना टू टू बोले तो टू टू वाला या यूं समझ लो टू वाला टू से स्टार्ट होता है आपको डाउट यही आता है ना कि बाहर किसमें दो है और किसमें तीन है मैं बोल रहा हूं कि जिसका नाम टर्न बुल्स ब्लू है उसमें टू आता है टू टू वाला है ना टू वाला प्लस टू से स्टार्ट होता है यानी कि बाहर इसमें प्लस दो वाला है तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए टू वाला टू से स्टार्ट होता है मतलब अंदर वाला तीन हो गया फिर ठीक है और जब यह याद हो गया तो प्रशियन ब्लू तो याद ही हो गया फिर क्योंकि वो फिर तीन से स्टार्ट होता है ठीक है भाई <coughs> क्लियर है सबको आगे चलते हैं जुगाड़ है टू वाला टू से स्टार्ट होता है तो सवाल तो वो हो ही गया जेई मेंस का सवाल तो वो तो हो ही गया मजाक अगला सवाल मेरे बच्चों प्यारे बच्चों फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सोल्ट मैंने कहा था जेईमेंस दो हजार तेबिस में डायरेक्ट सवाल पूछा है एक तो है इसमें मोहर सोल्ट दिया हुआ है यह रहा एक दिया हुआ इसमें पोटास एलम। ये नहीं है ये नहीं है ये तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है आंसर हो गया ऐसी ऐसी एसी ऐसी चलाओ ऐसी चलाओ आगे बढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो द लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी और बाइटल्स लार्जेस्ट स्प्लिटिंग या बताओ डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ तो ज़रा बताओ लिगेंड की स्ट्रेंथ देखो फ्लोरीन अमोनिया ऑक्जेलेट साइनाइड साइनाइड सबसे स्ट्रांग स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा करेगा बात खत्म खटाखट सवाल कर रहे फटाफट चल जई मेन्स निकल एक सवाल नहीं छोड़ा जितने पेपर हुए हैं सबके सवाल लेकर आया हूँ ऐसा नहीं है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जेई मीन कह रहा है तीन पॉइंट आठ सात लेकर आ यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन लेकर आ जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग होता है यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें तीन मिल गया उसका आंसर हमको तीन पॉइंट सात तीन पॉइंट आठ सात मिल जाएगा मैगनीज प्लस तो डी पांच होता है एन हो गया पांच वेनेडियम प्लस टू क्रोमियम प्लस टू डी फोर होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए चार टी आई प्लस टू D2 होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए दो वेनेडियम प्लस टू साइंस है ना क्या Scandium, titanium, vanadium. Vanadium होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वेनेडियम डी थ्री होता है जुगाड़ काम आ रहा है प्लस दो में जो जहां है वहीं होता है आंसर बोल रहे राजा सेकंड कर निकल जल्दी फटाफट चल नेक्स्ट द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सीओ सी एल फोर टू माइनस इन टेट्रा क्रिस्टल फिलिंग इज ई एम ई टू एन कह रहा है टेट्राहेड्रल में इसका मतलब है टेट्राहेड्रल में दो नीचे तीन ऊपर उल्टा होता है ना भाई है ना तो कह रहा है कि एम एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना पहली चीज कोबाल्ट है कोबाल्ट कहाँ आ चुका है कोबाल्ट सी एल फोर कहाँ ये टू माइनस है तो कोबाल्ट कहाँ आ गया इसमें आ गया प्लस फोर हिसाब में निकल गया माइनस दो के प्लस दो यानी कि कोबाल्ट अगर प्लस दो में है तो क्या हो गया डी सेवन अब सात इलेक्ट्रॉन ही तो भरने इसमें करना क्या है सात इलेक्ट्रॉन भर दो एक दो और टेट्राहेड्रल में तो रिपीट नहीं होता तो तीन चार पाँच छ सात तो ये तो हो गए दो ये तो हो गए चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए तीन इलेक्ट्रॉन मिलकर हो गए चार प्लस तीन हो गए कितने सेवन इलेक्ट्रॉन ये आपका आंसर हो गया सात इसका आंसर हो गया बेटा इसका आंसर क्या है सेवन इसका आंसर क्या है बेटा सेवन एक राय यकीन में भी सेम ही कंटेंट है बेटा मुझसे कहीं पढ़वा ले मैं कभी नहीं देखता कि उसने यहां पैसे दिए हैं यहां ऐसे दिए हैं मैं कभी भी आपके साथ वो चीज नहीं करता मैं तो बोलता भी नहीं कि तुमको फ्री पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्यों क्यों सही मायने में अगर मैं आपका भला करने आया हूं ना तो मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं मेरे को, को मैं बता रहा हूं ना मेरे मेन बैच मेरे क्रैश कोर्स मेरे उम्मीद आपको कंटेंट कहीं पे भी डाइल्यूट नहीं मिलेगा आपको जहां से पढ़ना है पढ़िए यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी मुझसे बच्चे सवाल करते हैं कि या क्या ये इनफ है क्या ये नीट के लिए सफिशिएंट है बेटा जो साल भर पढ़ रहा है ना जिस बैच में जाके मैच कर लेना ये कंटेंट उसी का है ठीक है भाई चल आगे ठीक है भाई अरे वो सम पूछ रहा है सम एम का और अनपेड इलेक्ट्रॉन का तो एम तो हो गए चार और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तीन इस सवाल में कुछ नहीं है वो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे वो सात इलेक्ट्रॉन है तो सात ही होंगे ना यार ऑब्वियसली वो तो सारे इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है ना अगर उसने उसने अगर सम ही पूछ लिया टोटली पूछ लिया तो वो तो बेवकूफ बना रहा तुमको इस तरह से करवा के तो सात ही लिख दो डी है तो डी ही होगा जाएगा कहां इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा तो नहीं होंगे ना सात ही होंगे अगला एक कह रहा जो जई वाला अगर पढ़ के गया होता तो सारे क्वेश्चन अरे जई वाले पढ़ते मेरे से मेरे को आता है इंस्टा पे मैसेज कि मैं तो वैसे तो जेई में हूं सर पर आपके ही लेक्चर देखता हूं और मेरे सारे सवाल सही होते कायल का मतलब हो गया ऑप्टिकली एक्टिव ये देख ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढ पहली चीज दो और दो चार अरे स्क्वायर प्लानर पागल स्क्वायर प्लानर तो काट ना फिर और बता दे और बता दे कहीं पे स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है तेरे को कहीं पे स्क्वायर प्लेनर और दिख रहा है नहीं है लेकिन 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 ये है एम ए फोर बी टू एम ए फोर बी टू ओ देता ही नहीं है एम ए फोर बी टू ओ आई देता ही नहीं है, दो कट गए अब वही आ गए देख मैंने कहा ना उसके अलावा कुछ नहीं पूछता अरे कुछ पूछता ही नहीं उसके अलावा एक सिस है और एक ट्रांस है अरे ये देख ये तो वही है रे, M -A -A -B वाला, और इसके अंदर जो सिस होता है वो एक्टिव होता है बात खत्म चल ट्रांस को काट दे हटा आंसर हो गया दूसरा ना ऑप्टिकली एक्टिव पूछ लिया उसने देख ले मैंने कहा ना इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता ये एम ए ए बी टू है इसमें सिस एक्टिव होता है याद है तो सिस वाले को आंसर करेंगे जय मेन्स दो हजार तेबिस खटाखट खटाखट सवाल कर मेरे और तुमको लग रहा है कि ये लेवल नीट का नहीं है ऐसा नहीं है यही लेवल नीट का बेटा आसान आसान सवाल है फटाफट करिए नेक्स्ट द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोन इन वी सीओ सिक्स एंड एम एन अभी मैंने बताइ दिया था ये तो है ना एम एन में तो ऐसा होगा कि एम एन एम एन बॉन्ड होगा इधर सी ओ फाइव होगा और इधर भी सीओ फाइव होगा पांच पांच सी ओ जुड़े होंगे इस तरह से और इसमें भी डब्ल्यू टंगस्टन ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा सी ओ सीओ 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 ना इसमें ब्रिजिंग ना उसमें ब्रिजिंग आंसर है आंसर क्या होगा इसका किसी में ब्रिजिंग नहीं है दोनों में ब्रिजिंग है ही नहीं ब्रिजिंग कार्बोनिल है ही नहीं इसमें भी तीन पांचों इस तरफ है पांचों इस तरफ है ब्रिजिंग का मतलब होता है यहां कहीं सीओ इस तरह से जुड़ा हो नहीं है बेटा इसमें ब्रिजिंग है ही नहीं एनसीआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है ये वाला वो नहीं दिया हुआ है यहां पर क्रोमियम लगा के दिया हुआ है बट वो सेम ही है टंगस्टन वाला चले आगे आगे बढ़ते नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स कैटाइन विच हैजू आइसोम दो हजार तेबिस है ना ये कुछ अलग गलती से लग गया इसको ठीक कर लेना यहां नहीं आएगा ये यस yes, अब देखो फटाफट दो आइसोमर कहां से निकालोगे ये तो आपका एम ए फाइव बी हो गया नहीं होगा ये आपका क्या हो गया एम ए फाइव बी हो गया कुछ नहीं देगा ये आपका एम ए फाइव बी हो गया ये भी कुछ नहीं देगा ये भी कुछ नहीं देगा ये भी कुछ नहीं देगा अरे यार हैंग हो रहा है पूरी तरह से ये आपका एम ए सिक्स हो गया कुछ नहीं देगा लेकिन ये आपका एम ए फाइव बी तो है बी तो है लेकिन पता है इसमें एक गेम है गेम इसमें गेम क्या है कि ये एक और बन सकता है सीओ एन एच थ्री फाइव तो ठीक है ये ओ एन ओ हो सकता है बेटा ओ एन ओ ये ले तो इसका मतलब है आंसर हो गया चार लिंकेज आइसोमर आ जाएगा इसमें इसने पूछा थोड़ी आपसे कि ऑप्टिकल है क्या है लिंकेज आइसोमर ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दे देगा ये क्या दे देगा लिंकेज आइसोमेरिज्म बाकी तो कुछ नहीं देंगे आंसर हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म यस 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 गुड 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 चलिए खटाक अगला सवाल द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम एन एच टू यस सबसे पहले देख लेते हैं मैगनीज प्लस दो में यानी कि डी फाइव डी फाइव इन लिगेंड सर लिगेंड कैसे निकाला अरे तो एच टू ओ है ना डी फाइव इन लिगेंड तो कैसे हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच टी टू जी थ्री ई जी टू ठीक है पांच अनपेड है कितना आएगा पांच अनपेड और रूट थर्टी फाइव की वैल्यू जो आती है ना रूट थर्टी फाइव की तो वो फाइव पॉइंट आई थिंक एट नाइन के आसपास आती है तो इसको हम सिक्स मान लेंगे इसका आंसर सिक्स गया इसका आंसर क्या जाएगा बेटा सिक्स जाएगा रूट थर्टी फाइव की वैल्यू फाइव पॉइंट एट नाइन के आसपास आएगी आंसर सिक्स करेंगे वो नियरेस्ट एंटीजर पूछ रहा है वो नियरस्ट एंटीजर पूछ रहा है तो सिक्स लिखेंगे उसको गुड नेक्स्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन कोबाल्ट प्लस तीन ये लो कोबाल्ट प्लस तीन में निकल रहा है निकल रहा है ना कोबाल्ट प्लस तीन में कोबाल्ट प्लस तीन में क्या होगा डी सिक्स होगा लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड डी सिक्स इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में टी टू जी सिक्स टी टू जी सिक्स और इजी क्या हो जाएगा जीरो अब जरा देख लो टी टू जी सिक्स और इजी जीरो है तो इसका मतलब है ये दो डब्बे तो खाली हो गए ना बेटा ये दो डब्बे तो खाली हो गए दो डब्बे खाली हो गए तो काम में ले लेगा अंदर वाला बता डी टू एसपी थ्री और पैरा मैग्नेटिक गलत पैरा मैग्नेटिक नहीं होगा पैरा मैग्नेटिक नहीं हुआ यस yes, डी टू एसपी थ्री एंड प्याया मैग्नेटिक होगा बेटा डी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी टू नहीं एसपी थ्री डी टू नहीं काट दे आगे चाल जई मेंस दो हजार तेवीस हटा सावन की घटा इधर चला नंबर ऑफ पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज निकालनी आपको फटाफट बताइए इसमें पेयरिंग हो जाएगी ये मैंने करवा रखा है यह नहीं होगा यह पैरा मैग्नेटिक नहीं होगा यह डाया होगा यह पैरा मैग्नेटिक नहीं होगा यह भी मैंने करवा रखा है यह पैरा मैग्नेटिक होगा यहां पर पेयरिंग हो जाएगी आयरन प्लस टू में है नहीं होगा यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ट्रांसफर रूल है पेरा होगा एन वन होगा यहां पर एन दो हो जाएंगे और एफ सी एन सिक्स थ्री इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा यह भी होगा क्योंकि आयरन बेटा प्लस तीन में है और प्लस तीन में आयरन का मतलब क्या हो जाता है डी फाइव हो जाता है डी फाइव इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड डी फाइव इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या लिखोगे टी टू जी लिखोगे एक दो तीन चार पांच तो टी टू जी फाइव ई जी जीरो करोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा एक ये फिर से हो जाएगा ये देख ये देख ये भी हो जाएगा तो कितने हो गए भाई कितने हो गए एक दो तीन और ये चार तो नंबर हो गए चार आंसर क्या हो जाएगा इसमें चार 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 गुड 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 अरे वाह बहुत बढ़िया चा बहुत बढ़िया मुझसे पहले आंसर बहुत सवाल आते हैं जेई का फेवरेट टॉपिक है बेटा ये बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं अच्छे सवाल आते हैं देखो लिखा और ऐसी बात नहीं मुश्किल आते हैं एक एक सवाल उठा के उनको छोड़ा भी नहीं मैंने सब कुछ लेके आया करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो है ना नए सवाल एकदम मजा आ जाएगा आपको देखो क्या लिखा हुआ है ई इज इनवर्सली टू बस फिर करना क्या है फिर जो सबसे वीक लिगेंड है उसका लैम्बडा सबसे ज्यादा कर दे ये सबसे वीक लिगेंड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कर दे यानी चार के लिए तो यही हो गया ना बेटा और जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसकी वेवलेंथ सबसे कम कर दे ये सबसे स्ट्रॉन्ग है क्या अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम ये 310 वाली कर दे बेटा तो एक काम कर दे सी के लिए तो फर्स्ट लगा दे इसके लिए चार ही लगा दे अब एक अमोनिया है और एक अमोनिया के साथ क्लोरीन है तो अमोनिया फिर ज्यादा स्ट्रॉग होगा तो इसकी वेवलेंथ और कम होगी तो यहां पर दो लगा ले दो है ना और यहां पर लगा ले क्या तीन अब ढूंढ ले आंसर है ना डी का चार 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 काट रे काट रे और क्या है और क्या है सी का फर्स्ट 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 बात खत्म सी का सेकंड दिया हुआ है आंसर कर फटाफट चलो ले आंसर हो गया चार समझ गए भाई आइए आगे आइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जी टू द प्रेसिपिटेडीशन मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग देख ये कितना सीएल देगा रे एक अरे ये कितना Cl देगा रे दो अरे ये कितना सीएल देगा रे नहीं देगा ये कितना सीएल देगा रे दो ये कितना देगा रे जीरो अब जोड़ ले कितना हुआ एक हुआ ये एक हुआ ये दो हुआ मिलके तीन हुए ये दो हुआ मिलके पांच हुए खत्म बात खत्म बात आगे चल चले आगे एक अभी भी पूछ रहा है सर ये इनफ है क्या <laughs> उसको साइड में ले जाओ तुम खोपचे में जो पूछ रहा है ना कि सर ये इनफ है क्या उसको साइड में दे जाओ मैं नहीं जवाब देना जनता जवाब देगी कह रहा सर ये इनफ है क्या क्या चाहिए तुझे क्या चाहता है तू तू बता दे क्या चाहता है कोबाल्ट प्लस तीन में कोबाल्ट प्लस तीन में ऑक्सीजन डोनर के साथ कोबाल्ट प्लस तीन में ऑक्सीजन डोनर के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है ऑक्सीजन कोबाल्ट प्लस तीन के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है ये अगर स्ट्रोंग है तो जरा बताइए फिर आपको इसमें दिया क्या है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया राइट तो ये देखो बेटा आयरन यहां पर प्लस तीन में है यानी कि यह डी हो गया तो एन इसमें पांच ही हो गए फिर कोबाल्ट यहाँ प्लस तीन में है तो d6 हो गया तो ये लेकिन पेरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन चार हो गए और यहाँ पे पेरिंग हो जाएगी तो d6 लेकिन पेयरिंग हो जाएगी पेरिंग पेरिंग हो जाएगी पेयरिंग हो, हो जाएगी है ना d6 या यूं समझ लो D6 सिक्स इन स्ट्रोंगली लिगेंड टी टू जी सिक्स ई जी ज़ीरो तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जीरो आंसर हो गया चार बात ख़त्म चलो चलो आगे चलते चलिए आइए 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 नेक्स्ट अरे अभी तो जेई मेंस ही चल रहे हैं बेटा दो सवाल और हैं जेई मेंस के अरे देख, देख 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 रहा है देख रहा है नहीं एक बार बताओ मैंने अभी ये बताया एक नहीं बताया नहीं नहीं बताओ यार बताओ नहीं मैं बात ही नहीं कर रहा बताओ यार मैं पानी मंगा रहा पानी की बोतल लेना भैया बात समझ आ गई तो बता दो कि अभी मैंने ये ये ऐसी कुछ हरकत मैंने करी थी अभी आपके सामने ऐसी कुछ हरकत करी थी बताओ कौन सी हरकत है ये 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 फेसियल और मेरिडिनियल वाली कुछ हरकत करी थी मैंने याद आई देख रहे हो देख रहे हो जेई मेंस में आ गया ये सवाल फेसियल और मेरिडिनियल वाला है hey, बताओ कह रहा है फेक वाले में अरे फेक वाले में नब्बे डिग्री के एंगल ही होते हैं बात खत्म अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो क्या देखना उसमें फेक वाले में नाइनटी डिग्री का एंगल यस लोग अभी भी कम हो रहे हैं देखना अरे गजब लोगों तुम मैंने सारे नए सवाल करवा दिए और तुम पीछे रह गए ये यूसेस और एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल हैं ट्यूमर्स मतलब वही एंटी कैंसर वाला में सिस प्लेटिन होता है और प्लेटिनम के और भी कंपाउंड होते हैं तो अगर हमको इन चार में से आंसर देना है तो मैं बी और डी आंसर दे दूंगा, है ना एंटी कैंसर रंग में सिस प्लेटिन वगैरह यूज होता है ये यूसेस और एप्लीकेशन वाले सवाल जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा आप कर लोगे ठीक है बेटा कॉपर सल्फेट अब आ जाते हैं हम अपने असली सवालों पे मुझे तो ये ज्यादा मुश्किल लगते हैं उससे हाँ वैसे 2007 से पहले जो नीट का पेपर आता था वो थोड़ा ऐसे ही आता था अंटशंट टाइप का सवाल होता क्या बेटा कि पहले मेरी बात सुन लो <coughs> कि जो आपका आ, सी यू कोपर प्लस टू जो होता है कॉपर प्लस टू जो होता है उसकी रिएक्शन केसीएन के साथ पहले करवाई जाती है तो वो कॉपर को प्लस वन में कन्वर्ट कर देता है फिर उसको एक्सिस में के मिलाया जाता है तो वो बन जाता है सी है ना क्या बन जाता है के थ्री सी यू सी एन फोर क्या बन जाता है सॉरी K3CUCN4 सी यू सी एन फोर ऐसा बन जाता है वो तो इसमें जो कॉपर है वो कहां आ रहा है प्लस वन में आ रहा है आपका ठीक है तो K3CUCN4 सी यू सी एन फोर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ थर्ड आंसर देखो थर्ड वाला आंसर दे सकते हैं है ना तो यहां इस पहली स्टेप में जो साइनाइड आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और यहां पर जो साइनाइड है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम कर रहा है पहले वो कॉपर को रिड्यूस कर रहा है एंड देन वो जब रिड्यूस हो गया तो एक्सेस ऑफ कैसियम उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है ठीक है भाई तो एक्सिस ऑफ कैसी में कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है ये वाला मिलता है नेक्स्ट पर आ जाइए द डी इलेक्ट्रॉन ठीक है भी दिए हैं अच्छी बातें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट द मिनिमम पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर इसका मतलब है पहली बात तो ये सब में वॉटर है तो ये सब के सब क्या हो गए वीक हो गए अब आपको करना कुछ नहीं है डी फोर डी फाइव डी सिक्स है ना तो आपको क्या करना है डी सिक्स है डी सिक्स है तो इसमें ये वीक लिगेंड है तो टी टू जी क्या होगा है ना डी सिक्स डी एट डी ये कितना हो जाएगा डी फोर और ये कितना हो जाएगा डी फाइव सिस्टम है ना मैंगनीज प्लस दो डी फाइव क्रोमियम प्लस दो डी फोर एन आई प्लस दो डी एट आयरन प्लस दो डी सिक्स सब के सब वीक लिगेंड हैं ये भी वीक लिगेंड है ये भी वीकली गेंड है और ये भी वीकली गेंड है और ये भी वीकली गेंड है कुछ मत करो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दो बात खत्म ये आपका टी टू जी थ्री ई जी टू हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए पांच ये आपका वीक में एक दो तीन चार तो ये हो गया ये आपका टी टू जी थ्री ई जी वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए चार ये आठ है आठ में तो कोई बढ़ने की बात ही नहीं है टी टू जी सिक्स और ई जी क्या हो गया दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए दो और ये क्या हो गया सिक्स सिक्स वीक में एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है भाई तो ये क्या हो गया टी टू जी फाइव गलत लिखे क्या टी टू जी फोर जी टू तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए चार इसमें भी चार हो गए ना दो नीचे दो ऊपर आंसर हो गया सेकेंड मुझे टाइम लग गया इसमें यार समझाने के चक्कर में सेकेंड डी कौन दे रहा है अगला वन शॉट भी आज दे दो एक केरा। दे दू मैं वन शॉट इन विच ऑफ द द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ़ डेल्टा ओ सिंपल सी बात है इसको क्या ही करना है लिगेंड स्ट्रेंथ अभी एन इसमें जेई मेन्स इस बार भी ऐसा मिलता जुलता सवाल आया है, सबसे ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ उसकी होगी साइनाइड की तो आंसर कर दो बस खत्म बात आंसर चलते हैं अगला 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 विच ऑफ द फोलोइंग कॉम्प्लेक्स आई एन हेज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्व विजिबल लाइट अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उसमें हम विजिबल लाइट मतलब इसमें कुछ ऐसा हमको ढूंढना पड़ेगा ये डी टेन आएगा स्कैंडियम को अगर आप प्लस तीन में कर दोगे तो डी जीरो हो जाएगा टाइटेनियम को अगर प्लस चार में कर दोगे तो भी डी जीरो सिस्टम हो जाएगा एक क्रोमियम ही है जो डी तीन है अब आपको इतना पता चल गया होगा कि डी जीरो और डी टेन कलरलेस होते हैं तो इसका मतलब है हमको आंसर तो फिर डी थ्री करना पड़ेगा ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना आपको कुछ तो क्लू देगा वो इसने दिया हिंट कि डी जीरो और डी टेन जो हैं वो कलरलेस होते हैं यहां से आपको पकड़ना है इस सवाल को ये लो वहां से पकड़ा जाएगा सवाल अगला सवाल फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू absorb? अब कह रहा है कि कौन एब्सॉर्ब नहीं करेगा इसका मतलब है, अब हमको D10 टेन कॉन्फिग्रेशन ढूंढना है या D0 जीरो ढूंढना है करते हैं देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें D3 है आएगा इसमें D5 है आएगा इसमें देखो इसमें क्या होगा इस DSP2 हो जाएगा ये है ना स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और जाके देख लेना ये करवा रखा है डाया है यहां पर एन जीरो है तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसमें नॉट एक्सपेक्टेड टू विजिबल लाइट ये देखो ऊपर वाले में ऊपर वाले में एस पी थ्री डी टू हो जाएगा है ना एस पी थ्री डी टू है और पैरा हो जाएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे दो हैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन हो जाएंगे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच हो जाएंगे ऐसे निकाल लो आगे चले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन फॉर हाई स्पिन डी फोर हाई स्पिन हाई स्पिन डी फोर का मतलब हो गया डी फोर इन वीक लिगेंड ठीक है तो एक दो तीन चार तो तीन नीचे यानी कि माइनस वन पॉइंट टू हो गया है ना तो माइनस वन पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स कितना हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स हो जाएगा कर देना ये करा हुआ है हमने सवाल आंसर हो गया ये पहला करा हुआ है आंसर पेरिंग एनर्जी आएगी नहीं वीक लिगेंड के केस में तो ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आय विच इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर डाया मैग्नेटिक कौन है नेचर में सब करवा रखा है बेटा कॉम्प्लेक्स देख लेना ये आपका एन टू आएगा इस कॉम्प्लेक्स में ये करवा रखा है ये नोट्स में करवा रखा है इसका एन जीरो हो जाएगा डी एस पी टू हो जाएगा ये डाया हो जाएगा आंसर यही आ गया जाने कितनी बार तो इसको पूछ लिया बाकी सब भी करके देख लेना आ जाएगा आपका आंसर है ना कर लेना प्रैक्टिस तो करोगे तब है ना मैं हर एक ऑप्शन करूंगा तो पता नहीं सुबह छह करते ही रहेंगे CO CO जब इधर की सबसे कम हो तब इसका बॉन्ड ऑर्डर सही रहेगा तो फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे कम तो प्लस में होती है ना बेटा ये कर दो फिर जिसमें बॉन्डिंग सबसे कम होगी उस में ये क्या हुआ रहे? उस में, उस केस 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 में 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 क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम आएंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगी और इसकी बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्ट्रांग रहेगा ठीक है भाई चले आगे अगला which ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल exhibit द highest paramagnetic behavior? बिहेवियर paramagnetic behavior बिहेवियर निकालना बेटा ये देख भाई ये जिंक प्लस टू में तो डी टेन हो गया बात खत्म एन हो गया जीरो टाइटेनियम प्लस तीन में टाइटेनियम प्लस फोर में जीरो हो जाता है टाइटेनियम प्लस तीन में डी वन हो जाएगा यानी कि एन हो गया वन क्रोमियम प्लस तीन में डी थ्री हो गया यानी कि एन हो गया थ्री क्रोबाल्ट प्लस तीन में यानी कि कोबाल्ट प्लस तीन में डी सिक्स होता है राइट और डी सिक्स हैं तो डी सिक्स इन स्ट्रोंग लिगेंड डी सिक्स इन स्ट्रोंग लिगेंड तो यानी टी टू जी सिक्स और ई जी क्या हो जाएगा जीरो तो यहां एन हो गया जीरो तो हाइएस्ट पैरा मैग्नेटिज्म पूछ रहा है क्या बेटा तो फिर तो आंसर हो गया बेटा थर्ड आंसर कौन सा हो गया थर्ड आंसर हो गया क्योंकि तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो थ्री पॉइंट समथिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा गुड यस yes. एक आया है कह रहा स्प्लिटिंग एनर्जी बता दो गुड मॉर्निंग बता दिया बेटा सब कुछ ये कर लेना मतलब इसमें चाहिए अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन एक मेरे को तो आंसर दिख रहा है पता है कौन सा ये वाला ट्रांसफर रूल वाला जिस इलेक्ट्रॉन को एक को बाहर फेंका था ये ट्रांसफर रूल में जाके देख लेना नीट 2013 का सवाल अब आप कह रहे हो ना कि स्पेशल केस नहीं पूछते पूछते हैं देख वो देख वो स्पेशल केस ही पूछा है एंटी कैंसर कौन सा होगा सिस प्लेटिन होगा बेटा एंटी कैंसर कौन सा होता है सिस तो बस इसमें से ट्रांस मत बोल देना बोलना है होता है एंटी कैंसर ये और एप्लीकेशन वाले सवाल है इस पर आपको थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता अगला सवाल कह रहा है कि विच इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देगा देख भाई सिंपल सी बात है अगर चार अमोनिया अंदर पटकता है तो दो सी एल अंदर लेने पड़ेंगे तो फिर एक सी एल बाहर आएगा ये दे देगा अगर पांच अमोनिया अंदर पटकता है तो एक सी एल बाहर लेकर दो सी एल बाहर लेने पड़ेंगे ये भी दे देगा अगर अमोनिया अंदर पटकता है तो इसका मतलब है तीनों सी एल थ्री बाहर आ जाएंगे ये दे देगा तो सी ओ अगर मैं तीन अमोनिया अंदर पटकता हूँ क्योंकि तीन ही है तो मुझे तीन सी एल अंदर चाहिए बाहर कुछ नहीं बचेगा अरे यहाँ छिपा हुआ था ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं ये तीन ए जी सी एल दे देगा दे ये दो ए जी सी एल दे देगा दे और ये एक ए जी सी एल दे देगा है ना समझ आ गई बात को ये लो चलो भाई नेक्स्ट 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 सीओ सी एन सिक्स थ्री प्लस कोबाल्ट है प्लस तीन में है डी सिक्स है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है टी टू जी सिक्स हैं ई जी जीरो हैं ए जी के दो डब्बे खाली हैं है ना तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे ही नहीं होंगे ही नहीं नो अनपेड इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं विल बी द हाई स्पिन एट गलत नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड लो स्पिन यस आंसर हो गया फोर्थ आंसर हो गया फोर्थ है ना नो no आंसर क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ सर कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल बस थोड़े और बचे हैं बेटा बीस तीस सवाल और बचे हैं भरोसा रखो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हो इनसे एफ ई सी एन सिक्स थ्री माइनस का क्या लिखोगे अब इसको ये प्लस तीन में आ रहा है आपका तो क्या लिखोगे इसको हेग्जा साइनाइडो फेरेट थ्री हेग्जा साइनाइडो आयरन आएगा नहीं फेरेट आएगा ट्राई तो है नहीं मैंने कहा ना आई यू पी एस सी के सवाल सबसे सबसे तगड़े आते हैं सबसे बढ़िया आते हैं कह रहा ट्राई साइनो पागल वागल समझाया आयरन आयरन होगा नहीं क्योंकि वो माइनस है खत्म बात अब अपने पास एक ही चीज है हेक्सासाइनाइडोफेरेट साइनाइडो अब आयरन प्लस तीन में है और इसको हेक्सासाइनाइटो साइनाइटो देखो 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 क्या गलती करा साइनाइटो कह रहा है पागल समझा तूने साइनाइडो होता है सर मैंगनीज के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या मैंगनीज के क्या किस क्या मैंगनीज मैंगनीज प्लस टू या किसी कॉम्प्लेक्स में ये करवा दिया है बेटा है ना नोट्स में है एस पी टू होता है नोट्स में है नोट्स की चीज है नोट्स की चीज है तो बताऊंगा नहीं कि कैसे हैं वहां करवा रखा है प्रॉपर तरीके से द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल देख देखना इसको समझ ये न्यूट्रल है ठीक है इस क्लोरीन की वजह से बाहर प्लस वन चढ़ेगा चढ़ेगा अंदर ऑक्सिलेट की वजह से इस पर प्लस दो चढ़ेगा चढ़ेगा प्लस दो और प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया प्लस तीन कोऑर्डिनेशन नंबर देख कोऑर्डिनेशन नंबर में ये बाइडेंटेड है ये भी बाइडेंटेड है ये एक दो बॉन्ड बनाता है तो दो कितने बॉन्ड बनाएगा चार बॉन्ड ये बना देगा और दो बॉन्ड ये बना देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया छ तो तीन और छ कितने हो गए नो हो गए आंसर हो गया थर्ड आंसर हो गया थर्ड नाइन ठीक है भाई नेक्स्ट सेम एस आई सब नहीं ये अलग है द नंबर ऑफ पॉसिबल आई सो ये फिर आ गया वो देख ये फिर आ गया ये वही है एम ए ए बी टू ठीक है दो जी आई सिस एक्टिव तीन एस आई खत्म तो इसने टोटल तीन पूछ रहा है ना आंसर कर दे कह रहा हूँ ना इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता भाई ये एकमात्र कॉम्प्लेक्स है पसंदीदा है ही नहीं वो तीन केस बताए उसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं कभी कोई सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फेरोसिन नहीं होता रूथेनोसिन नहीं होता कोबाल नहीं होता ये पाई बॉन्डेड होते बेटा एक ही था ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड नाटा कैटलिस्ट ये सब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते थे नीट दो में खाली नाम पूछा है ये देख ले तो अगला सवाल नीट दो का अगला सवाल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोक्योमेट्रीज ऑफ एजीसीएल किस में क्या एजीसीएल बनेगा ये छह अंदर जाएंगे तो तीन बाहर रहेंगे तो ये बन जाएगा सीओ सिक्स सीओ है ना सीओ एन एच थ्री सिक्स तो तीन बाहर आ गए तो ये तीन दे देगा ये पांच है तो फिर एक सीएल अंदर जाएगा तो दो बाहर आ जाएंगे ये चार है तो दो अंदर जाएंगे एक बाहर रह जाएगा ठीक है तो ये हो गया दो दे दो ये दो दे देगा और ये एक दे देगा तो तीन दो एक 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 तीन दो एक, तीन दो एक आंसर हो गया तीन चलो चलो भाई चले आगे जनता जा रही भाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन ए दी टू मैंने कहा था ना बहुत आता है यही आता है लगातार यही पूछते कुछ है ही नहीं इसमें जी आई आए नहीं आएगा इसमें जी आई नहीं इसमें अच्छा जी आई आएगा ना क्यों नहीं आएगा सिस और ट्रांस दो होते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा आयोनाइन नहीं आएगा लिंक अबे हट फर्जी सवाल बट, बट, पिट सिस और ट्रांस दो बनेंगे इसका सिस एक्टिव होगा मुझे लगा वो चीज पूछेगा पढ़े द ट्री ये देखो NiCo4 नोट्स में करवा रखा है नोट्स में करवा रखा है बेटा एस पी थ्री होता है एस पी थ्री होता है टेट्रा होता है डाया होता है देख लो तो स्क्वायर प्लेनर हटा टेट्रा हेड्रल लगा डाया मैग्नेटिक कर दे करवा रखा नोट्स में 2018 में पूछा सीधा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है आयरन कार्बोनिल एफ सीओ फाइव इज ए मोनो न्यूक्लियर अरे भाई एफ है ये ऐसा होता है ऐसा सीओ 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 मोनो न्यूक्लियर एक सेंटर होता है इसमें वन सेंटर तो इसलिए इसको जाता है मोनो न्यूक्लियर वन सेंटर होता है ठीक है भाई नीट 2018 में पूछा था वो जो चित्र दिए हुए हैं पांच एनसीआरटी में वो वहीं से सवाल पूछ लेता है सोच रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहो के फोर एफ ई सी एन सिक्स आयरन हो गया प्लस टू में स्ट्रॉन्ग लिगेंड ठीक है डी सिक्स डी सिक्स इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा टी टू जी सिक्स ई जी जीरो बस कर दे फिर संभाल दे टी टू जी सिक्स ई जी जीरो चलो ओ, है चले आगे ले, ये उस पर बेस्ड है इसका आंसर करो मैं एक मिनट में आया आंसर करो यस देख भाई साइनाइड को सबसे आगे लाना है तो इसको काट दे इसको काट दे अब बचे दो बचे क्या दो अब सल्फर और फ्लोरीन में ये देख एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी मैंने आपको याद है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल दिखाई थी ये देख डायरेक्ट सवाल मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि कुछ नहीं है डायरेक्ट सवाल पूछ लिया उन्होंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने डायरेक्ट मतलब उसमें कुछ पूछा ताछा कुछ नहीं है डायरेक्ट सवाल पूछ लिया ना कोई बात ना कोई इस तरह की कोई चीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं कोई कुछ नहीं जो देख के गया है वो कर लेगा जो देख के गया है वो कर लेगा इससे डायरेक्ट कर लिया है। देखो ये देखो है ना ये देखो यहां से डायरेक्ट पूछा है कि सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा होता है बाकी तो ये सब तो आपको पता ही है बट वो जो लोचा है ना वो दिक्कत करता था अब वो आपको थोड़ा सा पार्ट ध्यान में होता तो आप कर लेते नहीं तो नहीं कर पाते बस यही दिक्कत है इसमें वो आपको थोड़ा बहुत बहुत बड़ी होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बट एनसीआरटी में जितनी दी हुई है एटलीस्ट उतनी तो देख के जाना एनसीआरटी में जितनी दी हुई है कम से कम उतनी तो देख के ही जाना ठीक है भाई तो जो गलती आप करोगे इन दो ऑप्शन में ही करोगे कहाँ गया रे सवाल इन दो ऑप्शन में ही करोगे क्योंकि आपको पता है कि या तो भाई इधर से इसको और इसको तो आप सही कर लोगे इसमें और इसमें आपको पता होगा तो कर पाओगे ना आंसर हो गया चार आंसर क्या हो गया चार ये देखना पड़ेगा आपको पीछे वाला हेलोजन और सल्फर के पंगे चलते हां सीओ और CN में स्ट्रेंथ सीओ का ज्यादा है यस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बेटा उसका आंसर नहीं होता ये तो मेरे ख्याल से आप कर ही लेना है यार ये तो क्रोमियम प्लस टू में होमवर्क दे रहा हूं यार ये नहीं बताऊंगा कर लेना जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आंसर पूछा हुआ है ये यहां का सवाल ही नहीं है ये एस ब्लॉक का सवाल ए पी ब्लॉक का सवाल है इसको हटाओ। ईडी e टीए e की बात करते हैं

तो मुझे तो चौथा ऑप्शन दिख गया जुगाड़ से बात खत्म डीएट सिस्टम डीएट सिस्टम छह कोऑर्डिनेशन नंबर चिपका दो हमेशा आउट होगा डी एट डी डी टेन ऑलवेज आउटर होंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर छह हैं तो देखना ही नहीं है चलो ए आई ट्रिपल ई दो मतलब वही जेई मेन्स टाइप फिर से आ जाओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो बेटा ये एम होगा एम है ना इसको सही कर देना एम एन होगा एम एन है ना मैंगनीज प्लस टू में है मैंगनीज प्लस टू में है डी फाइव हो गया कोबाल्ट प्लस टू में है कोबाल्ट प्लस टू में है ये हो जाएगा आपका डी सेवन हो जाएगा और ये है आपका आयरन प्लस सिक्स में है और डी सिक्स है लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे आफ्टर पेयरिंग तो मेरे हिसाब से तो आंसर ही यही आ गया आप कर लो पहला ही आंसर आ गया यार कर लेना निकालोगे आंसर निकल जाएगा उसमें पाँच अनपेड हैं इसमें तीन अनपेड हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाँच हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन है इसमें पेयरिंग हो जाएगी इसलिए कुछ नहीं बचेगा कॉम्प्लेक्स में उन दोनों में पेयरिंग होगी नहीं आंसर ही पहला हो गया यस 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 ऐसी बात नहीं पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं भाई आंसर सही आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्क्वायर प्लेनर जोमेट्री बता सकते हो प्लेटिनम के और पैलेडियम प्लेटिनम पैलेडियम कोऑर्डिनेशन नंबर चार ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर बता दिया था आंसर लगा दे चौथा आगे चल बाकी नहीं है <coughs> ये कर लेना ये हो गया ना आई थिंक नहीं हुआ अच्छा ये हो गया वैसे आ, उस तरह से हो गया ये आप होमवर्क कर लेना ये हो जाएगा जा में दो जाए ना किसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या है एटोम वो सम देख लेना है ना कर देना नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा ये, ये दे देगा ये दे देगा सिस दे देगा दे इसका एम ए थ्री बी थ्री क्यों देगा भाई ये तो फैक मर वाला है नहीं देगा ये दे देगा नॉट एक्सपेक्टेड टू ये दे देगा एम ए थ्री बी थ्री तो नहीं देगा ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव लेंथ ओके एब्जॉर्प्शन तो वो तो हमने कर लिया ई ये, ये हम एनसीआरटी एग्जाम्पलर में आ गए हैं ये वाला सवाल है ना ये तो तो कर लो एनर्जी के हिसाब से देख लो वेवलेंथ जिसकी एनर्जी लिगेंड देख लो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है ना जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी राइट जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी फिर ये फिर ये यही होना चाहिए आंसर चार और तो कुछ ऐसा नहीं है इसका वेवलेंथ ज्यादा नहीं होगा इसका वेवलेंथ नहीं होगा इसका, हो इसका नहीं आंसर हो गया चार चौथा आंसर हो गया फोर्थ आंसर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला सवाल यस 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 ठीक है आंसर हो गया चार लेकिन की स्ट्रेंथ से डायरेक्ट देख सकते हो व्हेन जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ एजीएनओ थ्री कह रहा है दो एजीसीएल मिलते हैं आप 0.1 को 1 बोल दो इस 0.2 को दो मोल दो बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कह रहा है एक से दो मोल मिलता है अरे दो मोल तो उससे मिलेगा जिसमें दो सी बाहर होंगे अब दो सीएल जब बाहर होंगे तो इसका मतलब है ये वो कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि एक तो एन एच थ्री फाइव सी और सी यही कह रहा है तो वन इज टू टू इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा यार एक आयन ये पूरा हो गया दो वो हो गया वन इज टू टू इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा राइट हाँ यस 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 ठीक है भी? भी हो गया मोल ट्रीट करने के बाद तीन मोल AgCl आते हैं फॉर्मूला बताइए इसमें बाहर Cl ही नहीं है इसमें एक है इसमें दो है तीन चाहिए तो आंसर हो गया चौथा तीन सी एल बाहर है तो तीन ही हो जाएगा एन सी टी एग्जाम्पलर का सवाल हवा में उड़ाया गया क्या कौन जी आई शो करेगा एम ए फोर बी टू कर जाएगा बस हो गया यही है एम ए थ्री बी नहीं करेगा एम ए सिक्स नहीं करेगा एम ए फाइव नहीं है ना एम ए फाइव बी मान लो इसको नहीं करेगा तो ये आंसर हो गया पहला यही करेगा एम ए फोर बी टू ठीक है ना भाई उस लिस्ट में देख लेना एम ए फोर बी टू ही करेगा प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंट्स ये कौन से टाइप के लिगेंट्स एम्बीडेंटेड लिगेंट कौन से दिखाते हैं लिंकेज आइसोमर दिखाते हैं चलो आगे फटाफट कंपाउंड ये कौन से आइसोमर है बताओ भाई ये कौन से आइसोमर है बी आर सी एल आपस में चेंज हो रहे हैं कौन से आइसोमर है बी आर सी एल ना आयंस बदल रहे हैं कौन से आज है जल्दी बताओ जल्दी 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 अबे अबे गदेड़ो ये कंपाउंड ही अलग है फॉर्मूला <laughs> <laughs> ही सेम नहीं है दोनों कंपाउंड अलग है नींद में हो गया <laughs> <laughs> कोई आईसो नहीं देख रहे हैं। इधर बी आर अबे क्यों चेंज कर वो दोनों कंपाउंड अलग अलग है भाई ऐसे है <laughs> नहीं ना उप्स हो गया तुम्हारा चलो आगे नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन सी आर एच टू ओ सी एल थ्री एंड सी आर एच टू ओ फाइव सी एल सी एल टू अरे भाई एच टू ओ अंदर बाहरी तो हो रहे हैं लिंकेज नहीं हो सकता आयोनाइजेशन नहीं हो सकता कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता एक ही बचा H2O के नंबर अंदर बाहर होते हैं तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है और उसकी वजह से कलर बदल सकता है ऑब्वियसली बदलेगा अंदर छः H2O है अंदर पाँच है तो लिगेंड की स्ट्रेंथ पे तो फर्क आएगा है ना तो फिर वेवलेंथ पे भी फर्क आएगा तो कलर तो बदले गई एच टू मतलब हाइड्रेट वाला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आगे चले अगला सवाल ये कर लेना है यार ये क्या है ये ये कर लेना मतलब ठीक है कर लेना ये हो जाएगा वो खूब सारे सवाल दे रखे हैं कर लेना यार ये ये नहीं ये नहीं करवा रहा मैं है ना ये नहीं करवा रहा ये कर लेना तुम खुद से है ना एफ ई सी एन सिक्स जाने कितनी बार कर लिया कर लेना भैया कर लेना इसको ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ये नहीं करवा रहा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जा और कर लोगे ये मैं जानता हूँ आसान आसान है इसमें होमो ये कोई सवाल है क्या होमोलैप्टिक कौन कौन से हैं ये नहीं है ये नहीं है ये दोनों दिख रहे हैं ऐसी चला दे भाई चला चला भैया ऐसी चला दे ऐसी अगला कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ट्रांस तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा एम ए फाइव भी होने से रहा ये होता है ये होता है हो गया ए और सी मैं तो कह रहा हूं ना यही फिर से चलाओ ऐसी गर्मी बहुत है जो ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज आईस उमर लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेड होना जरूरी है नहीं है नहीं है इसमें एनओ है इसमें एस है फिर से चला दो ऐसी गर्मी बहुत है चलो इसमें क्या क्या आइसोमेरिज्म मिलेगा पहली चीज तो क्या ये एम ए फोर बी टू है यस yes. तो क्या ये जी आई देगा yes. क्या ये ओ आई देगा ऑप्टिकल no. तो है उसको तो सलटा देते हैं ना अरे सलट गए सारे सलट गए आंसर लगा लो तीसरा मैं क्या करूं लिंकेज <laughs> देगा क्योंकि एनओ टू ओ एनओ में कन्वर्ट हो सकता है आयोनाइजेशन देगा बिकॉज एनओ टू माइनस बाहर आ सकता है और Cl- माइनस अंदर जा सकता है ठीक है तो हो गया आपका कह रहा आप थके हुए लग रहे हो ना रे अब तो मैं सोऊंगा भी नहीं अब तो मैं सुबह ही सोऊंगा, अखबार पढ़ के <laughs> देख ये फिर आ गया है? फिर आ गया देख एम ये वही तो है अरे भाई ये भी तो ए, ए ही है तो ये फिर आ गया एम ए ए बी टू लो फिर आ गए फिर आ गया।, आ गया आंसर बोल भाई तीसरा घर आगे चल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर सिस और ट्रांस सेस एक्टिव हो गए तीन है ना हो गए भाई हो गए सर जी बस करिए अर्शप्रीत कौर कह रही है कि बस करिए देख बेटा तू बंद कर दे है ना रहने अभी कुछ सुनेगी मेरे मुंह से कौन एनर्श एनशोमोफ देगा भाई क्या हो गया मतलब ये पूछ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा ये ए सिक्स ए सिक्स होने से रहे ये हो सकता है ये नहीं होगा ये नहीं होगा एक ही बचा इसका सिस, ये वही तो है एम फिर से वही आ गया बेटा एम ए टू बी टू एम ए ए बी टू फिर से वही आ गया तो दे देगा ऑप्टिकली एक्टिव ठीक है नेक्स्ट सवाल कहते तो रहूं इसके अलावा कभी कुछ नहीं आएगा यही पढ़ के जाना यही पढ़ के जाओगे काम हो जाएगा कौन आइसोमेरिज्म दिखाएगा इसमें से कौन आइसोमेरिज्म सॉरी नहीं दिखाएगा नहीं दिखाएगा कौन नहीं दिखा ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा sp3 है ना और sp3 में अगर एम ए फोर टाइप का है तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा कुछ भी नहीं बाकी ये दिखा देगा स्क्वायर प्लेनर gi आई दिखा देगा इसमें gi आ जाएगा इसमें oi आ जाएगा और इसमें gi आ जाएगा लेकिन ये ना तो gi देगा ना oi देगा और कुछ भी नहीं देगा ये दूसरा वाला कुछ भी नहीं देगा सेकेंड वाला कुछ भी नहीं देगा है ना कुछ भी नहीं देगा कुछ लोगों को एक स्लाइड दिख गई होगी लोग खुश हो रहे हैं अब इस सवाल को समझना एआई पीएमटी 2010 में आया है ऑप्शन काटना ऑप्शन काटना समझ जाओगे कह रहा है कि इस कंप्ल इस कॉम्प्लेक्स कौ, के दो कलर आते हैं कौन से आइसोमेरिज्म की वजह से क्या इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर आ सकता है क्या बाहर कोई आयन ही नहीं है तो रिप्लेस कैसे करोगे लिंकेज इसमें आ नहीं सकता कोऑर्डिनेशन इसमें आ नहीं सकता इसका आंसर हो गया तीसरा इसका मतलब है ये एम ए फोर बी टू है और इसके कितने दो जी होते हैं अब उन दोनों जी का कलर अलग अलग आता है और कुछ बचा ही नहीं इसमें आंसर वही बचा ये कौन से टाइप का आईसो मेरी जमे मैं तो जब भी डब्बे डब्बे देखता हूं ना डब्बे 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 तो अब्बा डब्बा जब्बा लिंकेज नहीं आइसो आयोनाइजेशन नहीं जीआई नहीं चल निकाल कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा अब्बा डब्बा जब्बा में कौन सा होता है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है ये देख ए आई में एक बार पूछा एम ए बी सी डी और ये भी क्या स्क्वायर प्लेनर बता कितने जी आई? तीन मैक्सिमम इसी के होते हैं आंसर बता कितना हो गया ये चलो भाई तो फाइनली आज हमने दस घंटे नहीं पढ़ाया आज हमने पहले ही खत्म कर दिया है ना और इसमें भी कोई छोटी मोटी चीजें रह गई हो बेटा तो पढ़ लेना यार मेन नोट्स वगैरह से कहीं से भी जुगाड़ के तुम बहुत जुगाड़ू आदमी हो कर लेते हो कोई छोटी मोटी बातें रह गई हो है ना जल्दबाजी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना वैसे मैंने अपना पूरा 100 परसेंट दिया है सारी चीज़ें पढ़ाई है फिर भी कुछ रह जाए कर जाए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एन रीड करनी है यस उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इसकी एन पढ़ लेना तो एकदम बढ़िया एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा वैसे तो मैं सवाल सारे करवा चुका हूं फिर भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी मिल ही जाएगी चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू सो मच है ना और इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया